हे गाइस वेलकम टू माय चैनल तो आज के इस वीडियो के अंदर जिस फिल्म के रिगार्डिंग बात करने वालों है टाइगर थ्री ये फिल्म आपको कौन से ओ टी प्लेटफॉर्म पर कौन से सैटेलाइट चैनल पर किस यूट्यूब चैनल पर यह फिल्म आपको ऑफिशियली फ्री में हिंदी में देखने को मिलेगी तो दोस्तों आज के इस वीडियो के अंदर इन सभी को ऊपर जानकारी देने वाला हूँ इसके अलावा दोस्तों टाइगर थ्री फिल्म से जुड़ी सभी के सब इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के ऊपर बात करने वालों साथ में इस फिल्म की कहानी का प्रोडक्शन देने वालों साथ ही किस तरह की कॉन्सेप्ट किस तरह की प्लॉट को मिलेगी तो इसके ऊपर भी डिटेलिंग देने वाला हूँ इसके साथ ही इस फिल्म की बजट मूवी की प्रोडक्शन बॉक्स ऑफिस कलेक्शन इस फिल्म की टेक्निकल डिपार्टमेंट म्यूजिकल डिपार्टमेंट ट्रेलर के हिसाब से कास्टिंग और कास्टिंग के परफॉर्मेंस के ऊपर भी इस वीडियो में डिटेलिंग दी जाएगी वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होने वाली है तो वीडियो को आप लोग शुरू से लेकर रंट तक इस वीडियो में बने रहेगा चलिए आज का हमारे वीडियो को स्टार्ट करते हैं तो जी हाँ सो टाइगर जिंदा है टाइगर जिंदा एक साल और तेईस की अपकमिंग हिंदी लैंग्वेज की एक्शन इंस्पायर ड्रामा थ्रिलर फिल्म है और ये फिल्म सीक्वल है सालों सत्रह टाइगर जिंदा फिल्म की सीक्वल है और इसके अलावा ये फिल्म दोस्तों हिस्सा होने वाली है वायर ऑफ यूनिवर्स की वायर ऑफ यूनिवर्स की पांचवी फिल्म होने वाली है और इसके साथ ही फिल्म के डायरेक्शन स्क्रीन प्ले डायलॉग्स और कहानी की बात करें तो फिल्म की कहानी को लिखा है आदित्य चोपड़ा ने और इसके साथ ही फिल्म के डायलॉग्स को लिखा है दोस्तों अंश कौर चौधरी ने और साथ ही मैं आपको जो इस फिल्म में स्क्रीन प्ले देखने को मिलेगी सरिंदी राघवन की देखने को मिलेगी बाकी डायरेक्शन ये सभी चीज आपको मनीष शर्मा की आपको इस में देखने को मिलेगी इस फिल्म को प्रोड्यूस किया दोस्तों चोपड़ा ने और आपको इस फिल्म में लीड रोल में आपको नजर आएंगे सलमान खान कैटरीना कैफ एंड इमरान हाशमी फिल्म आपको देखने को मिलेगी खाना गोस्वामी की फिल्म को एडिट किया दोस्तों रामेश्वर एस भरत ने जहा पर आपको इस फिल्म में म्यूजिक सुनने को मिलेगी प्रीतम की तो आपको इस फिल्म में टोटल जितनी भी सॉन्ग है उन सॉन्ग्स के अंदर जो आपको म्यूजिक सुनने को मिलेगी तो प्रीतम ने उन सभी सॉन्ग्स के अंदर म्यूजिक दिया हुआ है साथ ही आपको इस फिल्म की बीजीएम की बात करें बैकग्राउंड साउंड

रिलीज की जाएगी जिसको कि 300 करोड़ बजट के साथ इस फिल्म को बनाया है दोस्तों और इसके अलावा फिल्म की टीजर फिल्म की ट्रेलर की अगर बात करें तो ऐसे कम ही लोग बचे जो इस फिल्म की टीजर या फिर ट्रेलर को नहीं देखा है एंड अगर आपने अभी तक इस फिल्म का टीजर या फिर ट्रेलर को अगर आप सभी ने अभी तक नहीं देखा हुआ है तो डेफिनेटली सजेस्ट करूंगा कि आप इस फिल्म को इस फिल्म का टीजर को या फिर ट्रेलर को देख सकते हो आपको आई आर एफ की यूट्यूब चैनल पर देखने को मिल जाएगी और हिंदी के अलावा आपको तेलुगु और तमिल के साथ अवेलेबल है। और ट्रेलर या फिर बात करें टीजर की तो आउटस्टैंडिंग है एंड हर ऑडियंस के तरफ से लाइक सभी के तरफ से इस फिल्म को वर्डअप माउत ट्रेलर को लेकर टीजर को लेकर लोगों ने काफी बेहतरीन की तारीफ यानी कि वर्ड वर्डअप माउती निकल कर आई है वो भी पॉजिटिव ही आई हुई है कि लोगों को इस फिल्म का टीजर ट्रेलर काफी पसंद आया हुआ है तो डेफिनेटली इस फिल्म को इस फिल्म को लेकर लोगों के बीच काफी बढ़िया एक्साइटमेंट क्रिएट किया हुआ है और लोगों को ये फिल्म देखना पसंद है बिकॉज ट्रेलर और टीजर के अंदर कंटेंट का डेफिनेटली पता चल ही जाता है कि एग्जैक्ट मतलब किस तरह की फिल्म हो सकती है क्या कंटेंट होने वाली है तो ट्रेलर टीजर को लोगों को पसंद आया है तो डेफिनेटली ये फिल्म दोस्तों मतलब तो काफी कमाल का परफॉर्मेंस करी करेगी बॉक्स ऑफिस पर एंड मे भी हो सकता है कि यहाँ पर इस फिल्म की अगर बात करें वैसे और एक बात की जाए इस फिल्म की खासकर सलमान खान सर की बात करें तो अगर आप सभी को पता होगा कि शाहरुख खान की बैक टू बैक हजार करोड़ के ऊपर ही बिजनेस किया हुआ है तो इस फिल्म से लोगों का एक्सपेक्टेशन है कि डेफिनेटली ये, ये फिल्म रिकॉर्ड तो रही हालांकि जिस तरह से इस फिल्म को ट्रेलर और पर टीजर को रिस्पॉन्स मिला है तो उसके चलते मे बी इस फिल्म का यानी कि हजार करोड़ का आंकड़ा डेफिनेटली पार कर सकती है बाकी देखते हैं कि ऑडियंस इस फिल्म को कैसे लेते हैं और

तो डेफिनेटली इस फिल्म का ट्रेलर आपको कैसे लगा टीजर आपको कैसे लगा था इसके बारे में अगर आप लोग कुछ बताना चाहते हो तो डेफिनेटली आप हमारे कम्युनिटी सेक्शन पर जाकर इस फिल्म के ऊपर ओपिनियन मतलब दे सकते हो कि आप, आपको इस फिल्म का ट्रेलर लगा कैसे था अगर आपको अच्छा लगा तो उसके बारे में बता सकते हो एंड जो जो कमी आपको नजर आई है ट्रेलर के अंदर वो भी आप हमें बता सकते हो यानी कि ओवरऑल ट्रेलर काफी है और सभी को लोगों को ट्रेलर पसंद आया हुआ है इस फिल्म की तो मैं तो काफी एक्साइटेड हूँ मैं आपको फिर से बता रहा हूँ इसके अलावा अगर बात करें दोस्तों इस फिल्म की पूरी कास्ट लिस्ट की तो आपको इस फिल्म में सलमान खान जो उनकी आइकॉनिक कैरेक्टर अविनीश टाइगर सिंह राठौर जो की एक बेसिकली रोल एजेंट है जो की ऑलरेडी सबको पता है बिकॉज टाइगर वा से ही मतलब एक था टाइगर टाइगर जिंदा है और टाइगर थ्री यानी कि इस फाइव यूनिवर्स की अगर बात करें तो शुरुआत हुई थी टाइगर जिंदा है फिल्म से ही उसके बाद आपको देखने को मिली थी टाइगर जिंदा है वॉर वॉर के अलावा आपको देखने को मिलेगी पठान पठान के बाद आपको देखने को मिलने जा रही है टाइगर थ्री उसके बाद आपको देखने को मिलेगी वार टू वार टू के बाद आएगी आपको यानी कि पठान वर्सेस टाइगर भी आपको देखने को मिलेगी यानी कि वायर ऑफ़ यूनिवर्स की लाइनअप काफ़ी तगड़ी है जो कि मतलब लोग एक्साइटेड हैं बिकॉज वायर ऑफ़ यूनिवर्स के लोगों को पसंद भी आ रही है और एक नए नए रिकॉर्ड तोड़ती जा रही है तो ये देखने में इंटरेस्टिंग होगी कि ये फिल्म मतलब रुक रिकॉर्ड अपने नाम एक नए रिकॉर्ड सेट कर पाता है कि नहीं ये देखने में मैं काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हूँ दोस्तों अगर आप भी मेरी तरह है तो डेफ़िनेटली इसको अप्रिशिएट करिए और इसके बारे आप में आप हमें बता सकते हो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और साथ ही साथ बैल नोटिफिकेशन जरूर ऑन कर लीजिएगा ताकि मैं समझ आऊँगा कि आप भी इस फिल्म को लेकर एक्साइटेड हो साथ ही कैटरीना के उनके आइकोनिक कैरेक्टर्स यानी कि जोया यानी कि टाइगर की वाइफ के रोल में मददरेंगे और बेसिकली ये भी एक एक्स आई एस आई एजेंट के रोल आएंगे जो कि ऑलरेडी सबको पता है इमरान हास में आपको इस फिल्म में आतिश के रोल आएंगे आएँगे रिवाथी रिद्धि डोगरा विशाल जेतवा एंड कुमुद मिश्रा, रणवीर शौरिया इसके साथ ही अनंत विजात शरद कलकर इसके साथ ही गेबी चंचल वीरेंद्र सिंह एंड शाहरुख खान ऑल्सो पठान का कैमियो वेपिनस देखने को मिलती है जहाँ पर ये भी सुनने को मतलब तो मिला था कि पठान यानी कि शाहरुख खान का जो कैरेक्टर है पठान उसका आपको इस फिल्म में एक्सटेंडेड कैमियो देखने को आपको यहाँ पर मे बी आपको देखने को मिलेंगे इस फिल्म में और साथ ही दोस्तों अगर बात करें मूवी की प्रोडक्शन को ऊपर डिटेलिंग देते हैं तो दोस्तों इस फिल्म की प्रोडक्शन को सबसे पहले इस फिल्म की प्रोडक्शन को अनाउंसमेंट किया था बिहान दी और मुई की प्रोडक्शन की बात करें तो सबसे पहले इस फिल्म की अनाउंसमेंट हुआ था एसराज फिल्म के द्वारा और इसके साथ ही सलमान खान एंड कैटरीना कैफ चार मार्च 2022 हज़ार बाईस को इस चीज़ को उन्होंने अपने सोशल मीडिया हैंडल्स के द्वारा इस चीज़ को ऑफिशियली अनाउंसमेंट किया गया था और इसके साथ फिल्म की कास्टिंग से रिलेटेड कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स की अगर बात करें तो दोस्तों सलमान खान एंड कैटरीना कैप जो कि ऑलरेडी कन्फर्म थे उनके आइकोनिक कैरेक्टर्स जो ऑलरेडी आप सभी ने दोनों पार्टों के अंदर ऑलरेडी देखा हुआ इनको कैरेक्टर्स को और इसके साथ ही इमरान हाशमी को अब असाइन किया गया दैन मेन एंटेगे यानी कि मेन बिलन रोल के लिए फरवरी साल सौ इक्कीस में इसके साथ ही रणबीर सरोजा को भी कंफर्म किया गया था उनकी गोपी आर्यन कैरेक्टर के लिए जो कि ऑलरेडी वो कैरेक्टर प्ले कर चुके एक था टाइगर फिल्म के अंदर साथ ही विशाल जीतवत को भी ज्वाइन किया था अक्टूबर में साथ ही रविथी एंड रिदी को भी कास्ट किया था नवंबर में और शाहरुख खान को अनाउंसमेंट किया था मेकिंग ऑफ कैमियो अपेयरेंस के लिए एज ए पठान कैरेक्टर का जो कि ऑलरेडी आपको पता है कि एक एक सीनेवेटिक यूनिवर्स में जो बनाते हो तो फिल्म के कनेक्शन छोटे छोटे कैमरे आपको देखने को मिलते लाइक मार्वल की फिल्म कोई एग्जाम्पल के लिए ले सकते हो और साथ ही फिल्मिंग करे, तो की अगर बात करें तो दोस्तों फिल्म की फेंसल फोटोग्राफी को स्टार्ट किया था तो मार्च साल इक्कीस में दिल्ली एंड मुंबई में और पर फिल्मिंग की अगर बात करें एडिशनली जो लुक पैलेसेस है लाइक तुर्की में भी आपको देखने को मिलती है लाइक कार कारसिकेंस जो देखने को मिलती है वो सभी चीज़ें किया गया साथ ही सेंड पूर्ति वर्ग में भी किया हुआ था अगस्त में इसके अलावा फिल्म की जो एडिशनल और सीन थे जिसको फिल्माइक यानी कि फिल्म किए गए थे इंडिया यानी कि ऑस्ट्रेलिया में भी किया गया था सितंबर मंथ में और जहाँ पर फिल्म की रिज्यूम की अगर बात करते फिल्म की जो उस शेड्यूल के बाद सितंबर साल दो हज़ार के जो शेड्यूल था उस शेड्यूल के बाद सीधे यहाँ पर इंडिया के अंदर इस शेड्यूल को स्टार्ट किया था फरवरी साल दो हज़ार बाईसवीं ने डी में और जहाँ पर उस उस शेड्यूल के अंदर एक्शन सिक्वेंसेज भी शूट किए गए थे और उसके साथ ही मुंबई में मुंबई अप्रैल सालों में भी शूट किया गया था और साथ ही कैमियो को यहाँ पर मुंबई के स्टूडियोज के अंदर भी शूट किया गया था इस फिल्म को जहाँ पर उनको पूरी तरह से कंस्ट्रक्शन क्रिएट किया गया था स्पेशल उस एक्शन सीक्वेंस के लिए और जहाँ पर पूरी फिल्म की शूटिंग वगैरह कम्प्लीट हो चुकी थी रैपअप हो चुकी थी मे सालों तेईस में ही और इस फिल्म की बात करें टाइगर थ्री की इस फिल्म की मार्केटिंग और मार्केटिंग स्ट्रैटेजी की बात करें तो सबसे पहले थ्री का जो रिलीज़ डेट था वो 21 अप्रैल सालों तेईस में रिलीज़ करने वाले थे ईद में और किसी भी कारण से रिलीज डेट को पोस्टपोन किया गया था जो कि फाइनल रिलीज डेट भी आप सभी को पता चल चुका है जो कि 12 नवंबर साल तेईस है जो कि कंसिडर किया गया दिवाली को टारगेट करके और इस फिल्म की टीज़र टाइटल को रिलीज़ किया गया था जो कि आप सभी को पता होगा कि टीजर का नाम दिया गया था टाइगर का मैसेज जिसको कि सत्ताईस सप्टर साल और तेईस में रिलीज़ किया गया था जहाँ पर इस फिल्म का ट्रेलर भी रिलीज़ किया गया था और ऑफिशियल ट्रेलर रिलीज़ किया हुआ था सोलह अक्टूबर साल सौ को और फिल्म की रिलीज़ डेट की अगर बात करें तो ऑलमोस्ट फिलीस मतलब फिल्म को रिलीज़ होने में अगर बात करें तो 20-22 दिन ऑलमोस्ट डेज मतलब बचे हैं फिल्म को रिलीज़ होने में बाकी देखते हैं कि इस फिल्म के मेकर्स के साथ साथ दिया वायरफ के द्वारा काफ़ी बेहतरीन तरीके से यानी कि परफॉर्मेंस प्रमोशन वगैरह कर रहे हैं यहाँ तक कि सलमान खान सर के द्वारा भी मतलब अपने ग्राउंड लेवल पर भी परफॉर्मेंस कर रहे हैं साथ ही पोस्टर बैनर वगैरह आपको हर थिएटर्स हर लोकेशन में आपको देखने को मिल जाते हैं जो कहूँगा कि काफ़ी अच्छी बात है और मतलब बहुत ही बढ़िया तरीके से इस फिल्म की मार्केटिंग में लगे हुए इस फिल्म के मेकरस के द्वारा जो कहूँगा कि बेस्ट तरीका है और फिल्म को इसी तरह से प्रमोट करना चाहिए और अगर आप सभी को नहीं पता है एंड ऑलमोस्ट सबको पता है तो चलिए मैं आपको फिर से एक नॉलेज के लिए फिर रिपीट कर दे रहा हूँ अगर आप सभी को बताओ कि बैक टू बैक जो सलमान खान की जो फिल्म आई थी लाइक राधे और किसी का भाई किसी की जान इन दोनों ही बड़ी यानी कि दोनों फिल्मों से सलमान सलमान सर को काफ़ी मतलब ट्रोल का सामना करना पड़ा था और बिकॉज इस चीज़ को उन्होंने खुद, खुद ही खुद ही खुलासा किया गया था कि इस तरह की फिल्में कमी चलती है और उन्होंने इस चीज़ को अपने मुंह से ही कहा कि इंटरव्यू कदर आए थिंक फीफा की आई थिंक अवार्ड शो का जो मतलब था उसमें उन्होंने इस चीज़ को ही खुलासा किया हुआ था एंड सलमान खान सर भी जानते हैं कि मेरे फैंस मेरे से क्या एक्सपेक्ट करते हैं और किस तरह के कंटेंट डिलीवरी मतलब पसंद करते लोग देखना मेरे से चाहते और दुखना देखना पसंद करते हैं इसमें नो डाउट है कि सलमान खान सर को ऑडियंस जो चाहती है उनकी मासी फिल्म ही ज़्यादा मतलब फिल्में देखना पसंद करते हैं तो ये वो सभी मतलब जो फ़ैन सलमान खान से एक्सपेक्ट करते हैं जो चाहते हैं तो डेफिनेटली टाइगर थ्री फिल्म के अंदर आपको वो सभी चीज़ आपको कम्प्लीटली वो भी बेहतरीन तरीके से आपको देखने को मिल जाएगी जो कि अगर आपसे मैंने ट्रेलर को देखा है तो आपको आइडिया फिर नॉलेज मिल गया होगा कि वाकई फिल्म के ट्रेलर के अंदर वो पोटेंशियल है जो एक फैंस चाहते हैं सलमान खान से और इसके साथ ही अगर बात करें इस फिल्म के टेक्निकल डिपार्टमेंट म्यूज़िकल डिपार्टमेंट की अगर बात करें और दोस्तों बात करते हैं फिल्म के टेक्निकल डिपार्टमेंट और म्यूज़िकल डिपार्टमेंट की अगर बात करते हैं तो दोस्तों हालांकि टीज़र और ट्रेलर ही रिलीज़ हुआ इस फिल्म का तो उसी कंटेंट के हिसाब से ही यहाँ पर आपको इस फिल्म के टेक्निकल डिपार्टमेंट और म्यूज़िकल डिपार्टमेंट के ऊपर डिटेलिंग दी जाएगी बाकी जब फिल्म रिलीज़ हो जाएगी उसके बाद ही आपको पूरी तरह से जो एक होता है ना पूरी फिल्म का डिटेलिंग आपको फिल्म रिलीज़ होने पर ही आपको मिलेगी बाकी मैंने भी अभी तक फिल्म को नहीं देखा है और आपने भी नहीं देखा है तो मैं आपको कैसे पूरी तरह से मतलब एक फिल्म की पूरी तरह से और डिटेलिंग दे सकता हूँ तो जो भी कंटेंट रिलीज़ हुआ है उसी के हिसाब से आपको इस फिल्म में टेक्निकल डिपार्टमेंट और म्यूज़िकल डिपार्टमेंट के ऊपर बात की जाएगी इस वीडियो में तो ट्रेलर की अगर करे बात करें सबसे सब पहले जो हमें देखने को मिलती है टीज़र के अंदर लाइक ट्रेलर के ट्रेलर के अंदर जो हमें देखने को मिलती है उसी के हिसाब से अगर बात करें तो सबसे पहले डायरेक्शन की अगर बात करें मनी शर्मा जो कि एक मतलब जो फिल्म के डायरेक्टर है उसके ऊपर बात करें सबसे पहले तो उन्होंने मतलब अपने कैरियर में जितनी भी उन्होंने फिल्में डायरेक्ट किया हुआ अब तक लाइक फैमिली ड्रामा रोमांटिक जैसी फिल्मों की ही उन्होंने डायरेक्ट किया हुआ था और ऑडियंस मतलब काफ़ी हद तक ये डाउट में थे कि मनीष शर्मा को इतनी बड़ी फिल्म को आखिर डायरेक्ट क्यों करने दिया गया है इस फिल्म के मेकर्स के द्वारा यानी कि फिल्म के प्रोडक्शन के द्वारा क्यों दिया गया है तो ऑडियंस के भी थोड़ा बहुत तो वो डाउट था लेकिन जब टीजर, टीजर को रिलीज किया गया था तो ऑडियंस के बीच वो होप क्रिएट था कि हाँ वाकई फ़िल्म का जो एक्शन थे वो काफ़ी अच्छे थे ओवरऑल फिल्म का डायरेक्शन भी काफ़ी अच्छा था एंड लुक अंड मतलब लुक एंड गुड फील वाइब मतलब वाइब दिला रही थी इस फिल्म के मैसेज यानी कि टाइगर के, के मैसेज मतलब लोगों को दिख वो दिख रहा था और साथ ही बी एफ एक्स सी जी आई भी ऑलमोस्ट काफ़ी अच्छे थे टीज़र के अंदर और जैसे जैसे फाइनल जब लोगों ने ट्रेलर को देखा है तो लोगों का जो एक्सपेक्टेशन है और डायरेक्शन का जो डाउट था उसके ऊपर लाइक एक्शन सिक्वेंस को तो ट्रेलर को यानी कि पूरी फिल्म के ट्रेलर को देखने के बाद ऑडियंस के भी जो शक था वो पूरी तरह से दूर हो चुका है बिकॉज एक्शन की अगर बात करें जो कमाल के एक्शंस मतलब देखने को मिलते हैं एक्शन स्टैंड देखने को मिलते हैं और बेहतरीन तरीके से कोरियोग्राफी सनेमाटोग्राफी आपको काफ़ी बेहतरीन की देखने को मिलती है तो इसमें नो डाउट है कि डायरेक्शन ने काफ़ी बेस्ट तरीके से उन्होंने इस फिल्म को डायरेक्ट भी किया हुआ है और साथ ही एक एक सीन्स को काफ़ी बेहतरीन तरीके से भी कोरियोग्राफ भी किया हुआ है और सैनीटोग्राफी की बात करें तो उनकी जितनी भी तारीफ करनी चाहिए उतनी कम है लाइक कलर ग्रेडिंग से लेकर बिहाइंड सीन्स की अगर बात करें जो कंस्ट्रक्शन क्रिएट किए गए थे जो इक्विपमेंट्स आपको देखने को मिलती है वो सभी चीज़ एक मतलब एक फ़ील होती है कि हाँ वाकई वायरफ की फिल्म है और मुई की प्रोडक्शन वैल्यू नज़र आती है और अगर आप लोग फिल्म के टीज़र को कलर ग्रेडिंग या फिर नोटिस करोगे या फिर हर एक शॉट हर एक सीन्स के अंदर काफ़ी बेहतरीन से काम किया गया जो कि बेस्ट चीज़ें आपको देखने को मिलती है ऐसा नहीं कि कुछ कुछ जगह कमियां हैं बट एक बार देखने पर आपको फील नहीं होती है जो कि एक जनरल या फिर नॉर्मल ऑडियंस के लिए इस चीज़ को मतलब नोटिस करना मतलब काफ़ी टफ काम हो जाएगी जो कि मैंने भी जब फर्स्ट टाइम देखा था तो मुझे काफ़ी बेहतरीन ट्रेलर ओवरऑल लगा था लाइक वी एफ एक्स सी के मामले में बट जैसे मैंने बार बार रिपीटेड मोड के साथ देखा हुआ था तो उसके बाद मुझे कुछ कैसे जो सीन से जो नोटिस होती है कि वाकई फिल्म की सी थोड़ा बहुत कुछ कुछ सीन्स के अंदर हमें थोड़ा बहुत मतलब थोड़ा बहुत वो थो भी मेरे ख्याल से वो चलता भी है जो हमें देखने को मिलते हैं लाइक पठान फिल्म भी भी ऐसा आपको कुछ कुछ एसन्स जो देखने को मिलती है कुछ इलॉजिक्स भी देखने को मिली थी तो इस फिल्म से यानी कि उस फिल्म से बैटरी भी आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी इतना तो मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ बिकॉज कंटेंट के अंदर पोटेंशल है और मेकर्स के द्वारा हर एक चीज़ यहाँ पर बारीकी से नोटिस किया हुआ है और फैंस को एक बेस्ट फिल्म देने की जो पोटेंशियल है वो हमें ट्रेलर में भी देखने को मिल रही है तो मेकर्स के द्वारा काफ़ी बारीकी से हमें ध्यान में रखते हुए इस फिल्म को फिल्म को एडिट किया और फिल्म मेकर्स के द्वारा बनाया ही बनाया हुआ है तो ट्रेलर के हिसाब से डायरेक्शन काफ़ी आउटस्टैंडिंग है एक्शन आउटस्टैंडिंग है स्टैंड आउटस्टैंडिंग है और उसके साथ ही सैनमाग्राफिक तो मतलब जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है क्योंकि कमाल की आपको देखने को मिलती है और साथ ही फिल्म के एडिटिंग की अगर बात करें तो फिल्म के जो फिल्म की एडिटिंग भी काफ़ी अच्छी है मूवी की टेक्निकल डिपार्टमेंट के अंदर जो सबसे बड़ी चीज़ मैटर करती है एडिटिंग तो फिल्म की टीज़र ट्रे, ट्रेलर को जिस तरह से एडिट किया हुआ है दोस्तों वो कहूँगा कि बेस्ट था और काफ़ी वन ऑफ द बेस्ट डायरेक्टर के द्वारा यानी कि एडिटर डायरेक्टर के द्वारा इस फिल्म को किया हुआ है जो कहूँगा कि काफ़ी बेहतरीन का एडिटिंग हुई है डायरेक्टर और या पर एडिटर के बीच मतलब माइंड मेरे ख्याल से उसका मतलब मतलब सिंपल जो दिख रहा है वो आपको ट्रेलर लेवल पर ही आपको पता चल जाता है कि वाकई फिल्म के डायरेक्शन और फिल्म के रिटिंग काफ़ी बेहतरीन हुई है वो तो मैं इतना मैं तो डेफिनेटली बेहतरीन कहूँगा बिकॉज है आप मानो या ना मानो दोस्तों इसके साथ ही अगर दोस्तों अगर बात करें इस फिल्म के म्यूज़िक की यानी कि म्यूज़िकल डिपार्टमेंट की अगर बात करें तो यहाँ पर आपको इस फिल्म में बैकग्राउंड स्कोर की अगर बात करें तो जो कि आप सभी ने टाइगर वन टाइगर टू फिल्म के अंदर देखा है तो टाइगर थ्री के अंदर आपको मॉडिफाइड बैकग्राउंड स्कोर आपको सुनने को मिलते हैं जो कि सुनने में मतलब काफ़ी अच्छा फ़ील होती है और आपको पुरानी फिल्मों का भी टच दे जाती है जो कहूँगा कि काफ़ी बेस्ट है और बेस्ट ही आपको बैकग्राउंड म्यूज़िक सुनने को मिलेगी हालाँकि अभी भी गाने वगैरह ड्रॉप नहीं किए गए बट आपको बहुत ही जल्द आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि इस मैंने मतलब ये मैंने खत्म होते होते आपको मेरे ख्याल से इसी बीच आपको आपको एक इस फिल्म के गाने वगैरह सुनने को मिले और जो कि ट्रेलर में भी हमें दो ऐसे गाने का तो हिंट देखने को मिल रहा देखने को मिल रहा बट देखते कि तो टोटल इस फिल्म में गाने कितने होंगे आई थिंक दो दो या तीन ही गाने होंगे मेरे ख्याल से ज्यादा इस फिल्म में गाने नहीं होंगे जो कि अगर दो तीन गाने अगर होते तो डेफिनेटली कहूँगा कि बेस्ट चॉइस रहेंगे और अगर आप सभी को पता नहीं है तो मैं आप सभी को बताना चाहूंगा जो कि ऑलमोस्ट सबको पता है कुछ ऐसे उनको नहीं पता ती है जो कि मैं बात करूँ कि गाने वगैरह की अगर आप लोग पठान फिल्म के गाने वगैरह को अगर देख लो तो गाने वगैरह कितने पॉपुलर हुए थे कितनी बड़ी हिट हुई थी और अभी मिलियंस ऑफ व्यूज लेकर वो पठान फिल्म के गाने वगैरह को मतलब व्यूज तो से लिए हुए यूट्यूब पर तो मेकरस यही चाहेंगे कि गाने वगैरह अच्छे आएँ और गाने वगैरह अच्छे होते हैं तो आप सभी को बताओ कि गाने वगैरह के मतलब ऊपर लोग मतलब डांस ई डांस करते हैं तो मैं तो काफ़ी एक्साइटेड हूँ और देखते हैं कि स्पेशली इस फिल्म के गाने वगैरह कैसे होते हैं और बाकी दोनों फ्रेंचाइजों से मतलब गाने वगैरह काफ़ी ब्लॉग बस्ट हुई है एक टाइगर थ्री का वो स्वैग से करेंगे सबका स्वागत तो वो गाना तब मेरे ख्याल से काफ़ी हद तक मतलब वन बिलियन व्यूज़ का टच करने वाली है और बहुत ही जल्द कर ही लेगी जिस हिसाब से इस टाइगर थ्री ने हाइप क्रिएट किया हुआ है और साथ ही जब मैं वीडियो बना रहा हूँ तो आज के डेट के डेट में एक और एक पोस्टर को रिलीज़ किया गया जिसमें कि दोनों तरफ टाइगर बीच में आपको या फिर इमरान हाशमी का कैरेक्टर आपको देखने को मिलती है तो ये सभी चीज़ आपको यहाँ पर देखने को मिलती है ट्रेलर में ही और साथ ही अगर बात कर फिल्म की कहानी के ऊपर प्लॉट के ऊपर बात करते हैं जो कि आपको पोस्टर लेवल पर ही आपको पता चल गया था जो कि ये इस फिल्म की जो कहानी है दोस्तों यहाँ पर जो टाइगर जिंदा है वार और पठानस के बाद की आपको यहाँ पर इस फिल्म में कहानी देखने को मिलती है जो कि बड़े बड़े लेटर्स के अंदर यहाँ पर पोस्टर्स के अंदर चीज़ को दर्जा दिया गया है कि जो कहानी मतलब तो देखने को मिलेगी आपको टाइगर जिंदा है वार पठान के बाद की कहानी आपको देखने को मिलेगी कि इस फाइव यूनिवर्स में आगे क्या होगी और उसके साथ ये भी सुनने को मिल रहा है बट कंफर्म नहीं किया मेकर्स के तरफ से बट आपको इस फिल्म में या फिर जूनियर एन या फिर ऋतिक रोशन का डेफिनेटली कैमियो तो आपको देखने को मिलेगी जो कि आपको हिंड देगी कि आगे मतलब फिल्मों की लाइक व टू का हिंट आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी इस फिल्म में जो कि मेरे ख्याल से पोस्ट पोस्ट क्रेडिट या फिर एंड क्रेडिट में आपको मतलब देखने को मिलेगी इतना तो कन्फर्म है अगर एन का भी अगर कन्फर्म नहीं है तो डेफिनेटली यहाँ पर और ऋतिक रोशन का तो इतना कन्फर्म है कि उनका आपको इस फिल्म में डेफिनेटली कैमियो ही आपको देखने को मिलती है पोस्ट क्रेडिट या फिर क्रेडिट के अंदर देखने को मिलेगी इतना तो कन्फर्म है और इसके साथ ही इस फिल्म की स्नोप्स की अगर बात करें तो वही जो कि स्नोप्स देखने को मिलती है कि टाइगर जिंदा है वार और पठान टाइगर और जोया की घटनाओं के बाद एक बदला लेने वाला आतंकवादी द्वारा गद्दार के रूप में फंसाया जाता है जहाँ जा वह अपनी बेगुनाही साबित करने के लिए एक जीवन धमकी धर्मयुद्ध पर सेट करते हुए कहानी आपको यहाँ पर देखने को मिलती है तो इस तरह की प्लॉट स्नोप्स है जो कि मैं कहूँगा काफ़ी अच्छा बात है और ये देखने में इंटरेस्टिंग होगी कि आदित्य चोपड़ा के द्वारा इस फिल्म को किस तरह की कहानी को यहाँ पर लिखा गया है तो फिल्म तो वो रिलीज़ हो रही है दोस्तों यहाँ पर बारह नवंबर को तो बारह नवंबर को ये सभी चीज़ें पता चलेगी बाकी आप हमें बता सकते हो कि आप आफिसन को देखने के लिए कितना एक्साइटेड है और आप आफिसन को फ़र्स्ट डे दे देखने वाले हो या फिर सेकेंड डे खास खासकर उस दिन दिवाली है तो बहुत बड़ी दिवाली का एक मतलब दिवाली आप सभी को मिलने वाली है जो कि सिनेमाघरों में आप सभी को मिलेगी तो मैं तो काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हूँ और मैं अभी तक फर्स्ट डे का टारगेट कर रहा हूँ बाकी देखते हैं क्या होता है वो तो मतलब वक्त मतलब जैसे मतलब दिन नज़दीक आएंगे उसके बाद ही तो बता सकता हूँ और मैं चाहूँगा कि गाने वगैरह अच्छे हो और लोगों को गाने वगैरह पसंद हैं ताकि फिल्म को और पब्लिसिटी मिलने में मतलब हेल्प मिले हालांकि ट्रेलर की बात करें तो अराउंड इस फिल्म का ट्रेलर मतलब आई थिंक फोर्टी मिलियन का व्यूज ऑलरेडी तो क्रॉस कर चुका है बट आई थिंक Uh, मेरे ख्याल से फिफ्टी सिक्सटी देखते हैं कि टोटल व्यूज़ मतलब इस फिल्म का ट्रेलर गेन करता है बाकी मैं तो एक्साइटेड हूँ काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हूँ और ट्रेलर को ट्रीजर ट्रेलर को देख देखकर और काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड उससे पहले मैं और ज़्यादा था एक्साइटेड बट जैसे जैसे ट्रेलर टीजर हमें देखने को मिलती है और फिल्म देखने का जो एक्साइटमेंट है वो मेरे का और कई मतलब और ज़्यादा बढ़ गई है तो मैं तो देखने वाला हूँ डेफिनेटली इतने तो कन्फर्म है बाकी आप हमें बता सकते हो कि आप इस फिल्म को देखने जाओगे कि नहीं ट्रेलर आपको लगा था कैसा इस फिल्म का और शादी टीजर ट्रेलर के बारे में कुछ शेयर करना चाहते हो तो बता सकते हो तो जी हाँ सो टाइगर जिंदा है टाइगर जिंदा एक सालों तेईस की अपकमिंग हिंदी लैंग्वेज की एक्शन इंस्पायर ड्रामा थ्रिलर फिल्म है और यह फिल्म सीक्वल है सालों सत्रह टाइगर फिल्म की सीक्वल है और इसके अलावा ये फिल्म दोस्तों हिस्सा होने वाली है वायर ऑफ यूनिवर्स की तो वायर ऑफ यूनिवर्स की पांचवी फिल्म होने वाली है और इसके साथ ही फिल्म के डायरेक्शन स्क्रीन प्ले डायलॉग्स और कहानी की बात कर तो फिल्म की कहानी को लिखा है आदित्य चोपड़ा ने और इसके साथ ही फिल्म के डायलॉग्स को लिखा है दोस्तों अंशकोर चौधरी ने और साथ ही मैं आपको जो इस फिल्म में प्ले देखने को मिलेगी राघवन की मिलेगी बाकी डायरेक्शन शर्मा की नजर आएंगे सलमान खान कैटरीना कैफ एंड इमरान हाउस में फिल्म आपको सिनेमाटोग्राफी देखने को मिलेगी अनय गोस्वामी की फिल्म को एडिट किया दोस्तों रामेश्वर एस भरत ने जहाँ पर आपको इस फिल्म में म्यूजिक सुनने को मिलेगी प्रीतम की तो आपको इस फिल्म में

को बारह नवंबर को आप इसमिन को देख सकते हो सिनेमा घर में बेसिकली दिवाली के दिन इस फिल्म को रिलीज की जाएगी और इसके साथ इस फिल्म को हिंदी के अलावा तेलुगु एंड तमिल के साथ रिलीज की जाएगी जिसको कि तीन सौ करोड़ बजट के साथ इस फिल्म को बनाया है दोस्तों और इसके अलावा फिल्म की टीजर फिल्म की ट्रेलर की अगर बात करे तो ऐसे कम ही लोग बचे जो इस फिल्म की टीजर या फिर ट्रेलर को नहीं देखा है एंड अगर आपने अभी तक इस फिल्म का टीजर या फिर ट्रेलर को अगर आप सभी ने अभी तक नहीं देखा हुआ है तो डेफिनेटली सजेस्ट कि आप इस, इस फिल्म का टीजर को या फिर ट्रेलर को देख सकते हो आपको वायरफ एफ की यूट्यूब चैनल पर देखने को मिल जाएगी और हिंदी के अलावा आपको तेलुगु और तमिल के साथ अवेलेबल है और ट्रेलर या फिर बात करें टीजर की तो आउटस्टैंडिंग एंड हर ऑडियंस के तरफ से लाइक सभी के तरफ से इस फिल्म को वर्ड अपनी ट्रेलर को लेकर टीजर को लेकर लोगों ने काफी बेहतरीन की तारीफ यानी यानी कि कि वर्ड निकल कर आई आई है वो भी पॉजिटिव ही हुई है, को लोगों को इस फिल्म का टीजर, ट्रेलर काफी पसंद आया हुआ है तो डेफिनेटली इस फिल्म को, को लेकर लोगों के बीच काफी बढ़िया एक्साइटमेंट क्रिएट किया हुआ है और लोगों को ये फिल्म देखना पसंद है बिकॉज ट्रेलर और टीजर के अंदर कंटेंट का डेफिनेटली पता चल ही जाता है कि एग्जैक्ट मतलब किस तरह की फिल्म हो सकती है क्या कंटेंट होने वाली है तो ट्रेलर टीजर को लोगों को पसंद आया है तो डेफिनेटली ये फिल्म दोस्तों मतलब तो काफी कमाल का परफॉर्मेंस करेगी बॉक्स ऑफिस पर एंड मे भी हो सकता है कि यहाँ पर इस फिल्म की अगर बात करें इस फैसले और एक बात की जाए इस फिल्म की खासकर सलमान खान सर की अगर बात करें तो अगर आप सभी को पता होगा कि शाहरुख खान की बैक टू बैक हजार करोड़ के ऊपर ही बिजनेस किया हुआ है तो इस फिल्म से लोगों का एक्सपेक्टेशन है कि डेफिनेटली ये फिल्म रिकॉर्ड तोड़ी हालांकि जिस तरह से इस फिल्म को ट्रेलर और यहाँ पर टीजर को रिस्पॉन्स मिला है तो उसके चलते मे बी इस फिल्म का यानी कि हजार करोड़ का आंकड़ा डेफिनेटली पार कर सकती है बाकी देखते हैं कि ऑडियंस इस फिल्म को कैसे लेते हैं और ऑडियंस इस फिल्म को कैसे देखने जाते हैं क्या इस फिल्म को हजार करोड़ मतलब क्रॉस कर पाएंगे और फिल्मों का नहीं और यह काफी मुझे लगता है कि फिल्म हजार का टच जिस तरह लोगों के बीच इस फिल्म को लेकर एक्साइटमेंट क्रिएट किया हुआ इस फिल्म की ट्रेलर ने तो मैं तो काफी और मैं इस फिल्म को फर्स्ट डे देखने वाला हूँ आपको कैसा लगा टीजर आपको कैसा लगा था इसके बाद में अगर आप लोग कुछ बताना चाहते हो तो डेफिनेटली आप हमारे कम्युनिटी सेक्शन से जाकर इस फिल्म के ऊपर ओपिनियन मतलब दे सकते हो कि आप, आपको इस फिल्म का ट्रेलर लगा कैसे था अगर आपको अच्छा लगा तो उसके बारे में बता सकते हो एंड जो जो कमी आपको नजर आई है ट्रेलर के अंदर वो भी आप हमें बता सकते हो यानी कि ओवरऑल ट्रेलर काफी है और सभी को लोगों को ट्रेलर पसंद आया हुआ है इस फिल्म की तो मैं तो काफी एक्साइटेड हूँ मैं आपको फिर से बता रहा हूँ इसके अलावा अगर बात करें दोस्तों इस फिल्म की पूरी कास्ट लिस्ट की तो आपको इस फिल्म में सलमान खान जो उनकी आईकोनिक कैरेक्टर अविनीश टाइगर सिंह राठौर जो की एक बेसिकली रो एजेंट है जो की ऑलरेडी सबको पता है बिकॉज़ टाइगर से ही मतलब एक था टाइगर टाइगर जिंदा है और टाइगर 3 यानी कि इस फाइव यूनिवर्स की अगर बात करें तो शुरुआत हुई थी टाइगर जिंदा है फिल्म से ही उसके बाद आपको देखने को मिली थी टाइगर जिंदा है वॉर वॉर के अलावा आपको देखने को मिलेगी पठान पठान के बाद आपको देखने को मिलने जा रही है टाइगर 3 उसके बाद आपको देखने को मिलेगी वॉर 2 वॉर 2 के बाद आएगी आपको यानी कि पठान वर्सेस टाइगर भी आपको देखने को मिलेगी यानी कि वायर ऑफ़ यूनिवर्स की लाइनअप काफ़ी तगड़ी है जो कि मतलब लोग एक्साइटेड हैं बिकॉज़ वायर ऑफ़ यूनिवर्स के लोगों को पसंद भी आ रही है और एक नए नए रिकॉर्ड तोड़ती जा रही है तो ये देखने में इंटरेस्टिंग होगी कि ये फिल्म मतलब रुक रिकॉर्ड अपने नाम एक नया रिकॉर्ड सेट कर पाता है कि नहीं ये देखने में मैं काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हूँ दोस्तों अगर आप भी मेरी तरह है तो डेफ़िनेटली इसको अप्रिशिएट करें और इसके बारे आप में आप बता सकते हो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और साथ ही साथ बैल नोटिफिकेशन जरूर ऑन कर लीजिएगा ताकि मैं समझ आऊँगा कि आप भी इस फिल्म को लेकर एक्साइटेड हो साथ ही कैटरीना के उनके आइकोनिक कैरेक्टर्स यानी कि जो यानी कि टाइगर की वाइफ के रोल मदद रहेंगे और बेसिकली ये भी एक एक्स आई एस आई एजेंट के रोल में नजर आएंगे जो कि ऑलरेडी सबको पता है इमरान हास में आपको इस फिल्म में आतीस के रोल नजर आएँगे रिवाथी रिद्धि डोगरा विशाल जेतवा एंड कुमुद मिश्रा, रणवीर शौरिया इसके साथ ही अनंत विजात शरद कलकर इसके साथ ही गेबी चंचल वीरेंद्र सिंह एंड शाहरुख खान ऑल्सो पठान का कैमियो वर्स देखने को मिलती है जहाँ पर यह भी सुनने को मतलब तो मिला था कि पठान यानी कि शाहरुख खान का जो कैरेक्टर है पठान उसका आपको इस फिल्म में एक्सटेंडेड कैमियो देखने को आपको यहाँ पर मे भी आपको देखने को मिलेंगे इस फिल्म में और साथ ही दोस्तों अगर बात करें मूवी की प्रोडक्शन के ऊपर डिटेलिंग देते हैं तो दोस्तों फिल्म के प्रोडक्शन को सबसे पहले इस फिल्म की प्रोडक्शन को अनाउंसमेंट किया था बिहान दी और की प्रोडक्शन की बात करें तो सबसे पहले इस फिल्म की अनाउंसमेंट हुआ था एसरज फिल्म्स के द्वारा और इसके साथ ही सलमान खान एंड कैथरीना कैफ के चार मार्च सात हज़ार बाईस को इस चीज़ को उन्होंने अपने सोशल मीडिया हैंडल्स के द्वारा इस चीज़ को ऑफिशियली अनाउंसमेंट किया गया था और इसके साथ ही फिल्म की कास्टिंग से रिलेटेड तो कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स की अगर बात करें तो दोस्तों सलमान खान एंड कैटरीना कैप जो कि ऑलरेडी कन्फर्म थे उनके आइकोनिक कैरेक्टर्स जो ऑलरेडी आप सभी ने दोनों पार्टों के अंदर ऑलरेडी देखा हुआ इनको कैरेक्टर्स को और इसके साथ ही इमरान हाशमी को अब असाइन किया गया दैन मेन एंटेगे यानी कि मेन बिलन रोल के लिए फरवरी साल सौ इक्कीस में इसके साथ ही रणबीर सरोजा को भी कन्फर्म किया गया था उनकी गोपी आर्यन कैरेक्टर के लिए जो कि ऑलरेडी वो कैरेक्टर प्ले कर चुके एक था टाइगर फिल्म के अंदर साथ ही विशाल जीतवत को भी ज्वाइन किया था अक्टूबर में साथ ही रवि थी एंड रिद्धि को भी कास्ट किया था नवंबर में और शाहरुख सा, खान को एज अनौंसमेंट किया था मेकिंग ऑफ कैमरे अपेरेंस के लिए एज ए पठान कैरेक्टर का जो कि ऑलरेडी आपको पता है कि एक एक सिनेमेटिक यूनिवर्स में जो बनाते हो तो फिल्म के कनेक्शन छोटे छोटे कैमरे आपको देखने को मिलते लाइक मार्वल की फिल्म कोई एग्जाम्पल के लिए ले सकते हो और साथ ही फिल्मिंग की अगर बात करें तो दोस्तों फिल्म की फिंसल फोटोग्राफी को स्टार्ट किया तो मार्च साल इक्कीस में दिल्ली एंड मुंबई में और पर फिल्मिंग के बाद के करिए जो लुक पेलेस है लाइक तुर्की में भी आपको देखने को मिलती है लाइक कार सेंस जो देखने को मिलती है वो सभी चीज़ें किया गया साथ ही सेंड पुरव में भी किया हुआ था अगस्त में इसके अलावा फिल्म के जो एडिशनल और सेंस है जिसको फिल्माइक यानी कि फिल्म किए गए थे इंडिया यानी कि ऑस्ट्रेलिया में भी किया गया था सेप्टेम्बर मंथ में और जहाँ पर फिल्म की रिज्यूम की अगर बात करते फिल्म की जो उस शेड्यूल के बाद सितंबर साल 2000 के जो शेड्यूल था उस शेड्यूल के बाद सीधे यहाँ पर इंडिया के अंदर इस शेड्यूल को, को स्टार्ट किया था फरवरी साल दो में नई दिल्ली डेली में और जहाँ पर उस उस शेड्यूल के अंदर एक्शन सीक्वेंसेज भी शूट किए गए थे और उसके साथ ही मुंबई में मुंबई अप्रैल सालों में भी शूट किया गया था और साथ ही कैमियो को यहाँ पर मुंबई के स्टूडियोज के अंदर भी शूट किया गया था इस फिल्म को जहाँ पर उनको पूरी तरह से कंस्ट्रक्शन क्रिएट किया गया था स्पेशल उस एक्शन सीक्वेंस के लिए और जहाँ पर पूरी फिल्म की शूटिंग वगैरह कम्प्लीट हो चुकी थी रैपअप हो चुकी थी मैं साल उड़तीस में ही और इस फिल्म की बात करें टाइगर थ्री की इस फिल्म की मार्केटिंग और मार्केटिंग स्ट्रैटी की बात करें तो सबसे पहले टाइगर थ्री का जो रिलीज डेट था वो 21 अप्रैल साल सौ तेईस में रिलीज़ करने वाले थे ईद में और किसी भी कारण से रिलीज डेट को पोस्टपोन किया गया था जो कि फाइनल रिलीज डेट भी आप सभी को पता चल चुका है जो कि 12 नवंबर साल सौ तेईस है जो कि कंसिडर किया गया है दिवाली को टारगेट करके और इस फिल्म की टीज़र टाइटल को रिलीज़ किया गया था जो कि आप सभी को पता होगा कि टीज़र का नाम दिया गया था टाइगर का मैसेज जिसको कि सत्ताईस सेप्टेम्बर साल तेईस में रिलीज़ किया गया था जहां पर इस फिल्म का ट्रेलर भी, भी रिलीज़ किया गया था और ऑफिशियल ट्रेलर रिलीज़ किया हुआ था सोलह अक्टूबर साल तेईस को और फिल्म की रिलीज़ डेट की अगर बात करें तो ऑलमोस्ट फिलीस मतलब फिल्म को रिलीज़ होने में अगर कर बात करें तो बीस बाईस दिन ऑलमोस्ट डेज मतलब बचे हैं फिल्म को रिलीज़ होने में बाकी देखते हैं कि इस फिल्म के मेकर्स किस तरह से दिया पर वायरफ के द्वारा काफ़ी बेहतरीन तरीके से यानी कि परफॉर्मेंस प्रमोशन वगैरह कर रहे यहाँ तक कि सलमान खान सर के द्वारा भी मतलब अपने ग्राउंड लेवल पर भी परफॉर्मेंस करे और साथ ही पोस्टर बैनर वगैरह आपको हर थिएटर्स हर लोकेशन में आपको देखने को मिल जाते हैं जो कहूँगा कि काफ़ी अच्छी बात है और मतलब बहुत ही बढ़िया तरीके से इस फिल्म की मार्केटिंग में लगे हुए इस फिल्म के मेकर्स के द्वारा जो कहूँगा कि बेस्ट तरीक़ा है और फिल्म को इसी तरह से प्रमोट करना चाहिए और अगर आप सभी को नहीं पता एंड ऑलमोस्ट सबको पता है तो चलिए मैं आपको फिर से नॉलेज के लिए फिर रिपीट कर दे रहा हूँ अगर आप सभी को बताओ कि बैक टू बैक जो सलमान खान की जो फिल्म आई थी लाइक राधे और किसी का भाई किसी की जान इन दोनों ही बड़ी यानी कि दोनों फिल्मों से सलमान सलमान सर, सर को काफ़ी मतलब ट्रोल का सामना करना पड़ा था और बिकॉज इस चीज़ को उन्होंने खुद ही खुद ही खुलासा किया गया था कि इस तरह की फिल्में कमी चलती है और उन्होंने इस चीज़ को अपने मुंह से ही कहा हुआ था कि इंटरव्य आए थी फीफा की आई थिंक अवार्ड्स शो का जो मतलब था उसमें उन्होंने इस चीज़ को ही खुलासा किया हुआ था एंड सलमान खान सर भी जानते हैं कि मेरे फैंस मेरे से क्या एक्सपेक्ट करते हैं और किस तरह के कंटेंट डिलीवरी मतलब पसंद करते लोग देखना मेरे से चाहते और दुखना देखना पसंद करते हैं इसमें नो डाउट है कि सलमान खान सर को ऑडियंस जो चाहती है उनकी मासी फिल्म ही ज़्यादा मतलब फिल्में देखना पसंद करते हैं तो ये वो सभी मतलब जो फैन सलमान खान से एक्सपेक्ट करते जो चाहते हैं तो डेफिनेटली टाइगर थ्री फिल्म के अंदर आपको वो सभी चीज़ आपको कम्प्लीटली वो भी बेहतरीन तरीके से आपको देखने को मिल जाएगी जो कि अगर आपसे मैंने ट्रेलर को देखा है तो आपको आइडिया फिर नॉलेज मिल गया होगा कि वाकई फिल्म के ट्रेलर के अंदर वो पोटेंशियल है जो एक फैंस चाहते हैं सलमान खान से और इसके साथ ही अगर बात करें इस फिल्म के टेक्निकल डिपार्टमेंट म्यूज़िकल डिपार्टमेंट की अगर बात करें और दोस्तों बात करते इस फिल्म के टेक्निकल डिपार्टमेंट और म्यूज़िकल डिपार्टमेंट की अगर बात करते हैं तो दोस्तों हालांकि टीजर और ट्रेलर ही रिलीज़ हुआ इस फिल्म का तो उसी कंटेंट के हिसाब से ही यहाँ पर आपको इस फिल्म के टेक्निकल डिपार्टमेंट और म्यूज़िकल डिपार्टमेंट को पूरी डिटेलिंग दी जाएगी बाकी जब फिल्म रिलीज़ हो जाएगी उसके बाद ये आपको पूरी तरह से जो एक होता है ना पूरी फिल्म का डिटेलिंग आपको फिल्म रिलीज़ होने पर ही आपको मिलेगी बाकी मैंने भी अभी तक फिल्म को नहीं देखा है और आपने भी नहीं देखा है तो मैं आपको कैसे पूरी तरह से मतलब एक फिल्म की पूरी तरह से और डिटेलिंग दे सकता हूँ तो जो भी कंटेंट रिलीज हुआ है उसी के हिसाब से आपको इस फिल्म में टेक्निकल डिपार्टमेंट और म्यूजिकल डिपार्टमेंट के ऊपर बात की जाएगी इस वीडियो में तो ट्रेलर की अगर करे बात करें सबसे सब पहले जो हमें देखने को मिलती है टीजर के अंदर लाइक ट्रेलर के ट्रेलर के अंदर जो हमें देखने को मिलती हैं उसी के हिसाब से अगर बात करें तो सबसे पहले डायरेक्शन की अगर बात करें मनी शर्मा जो कि एक मतलब तो जो फिल्म के डायरेक्टर है उसके ऊपर बात करें सबसे सब पहले तो उन्होंने मतलब अपने कैरियर में जितनी भी उन्होंने फिल्में डायरेक्ट किया हुआ अब तक लाइक कि फैमिली ड्रामा रोमांटिक जैसे फिल्मों के ही उन्होंने डायरेक्ट किया हुआ था और ऑडियंस मतलब काफ़ी हद तक ये डाउट में थे कि मनीष शर्मा को इतनी बड़ी फिल्म को आखिर डायरेक्ट क्यों करने दिया गया है इस फिल्म के मेकर्स के द्वारा यानी कि फिल्म के प्रोडक्शन के द्वारा क्यों दिया गया है तो ऑडियंस के भी थोड़ा बहुत वो, तो वो डाउट था लेकिन जब टीज़र को रिलीज़ किया गया था तो ऑडियंस के बीच वो होप क्रिएट था कि हाँ वाकई फिल्म का जो एक्शन थे वो काफ़ी अच्छे थे ओवरऑल फिल्म का डायरेक्शन भी काफ़ी अच्छा था एंड लुक एन मतलब लुक एंड गुड फील वाइब मतलब वाइब दिला रही थी इस फिल्म के ट, मैसेज यानी कि टाइगर का मैसेज मतलब लोगों को दिख वो दिख रहा था वैसे आती बी एफ एक्स भी ऑलमोस्ट काफ़ी अच्छे थे टीज़र के अंदर और जैसे जैसे फाइनली जब लोगों ने ट्रेलर को देखा है तो लोगों का जो एक्सपेक्टेशन है और डायरेक्शन का जो डाउट था उसके ऊपर लाइक एक्शन सिक्वेंस को तो ट्रेलर को यानी कि पूरी फिल्म के ट्रेलर को देखने के बाद ऑडियंस के भी जो शक था वो पूरी तरह से दूर हो चुका है बिकॉज एक्शन की अगर बात करें जो कमाल के एक्शंस मतलब देखने को मिलते हैं एक्शन स्टैंड देखने को मिलते हैं और बेहतरीन तरीके से कोरियोग्राफी सैनिमाटोग्राफी आपको काफ़ी बेहतरीन की देखने को मिलती है तो इसमें नो डाउट है कि डायरेक्शन ने काफ़ी बेस्ट तरीके से उन्होंने इस फिल्म को डायरेक्ट भी किया हुआ है और साथ ही एक एक सीन्स को काफ़ी बेहतरीन तरीके से भी कोरियोग्राफ भी किया हुआ और है और सैनिमाटोग्राफी की बात करें तो उनकी जितनी भी तारीफ करनी चाहिए उतनी कम है लाइक कलर ग्रेडिंग से लेकर बिहाइंड दीन्स की अगर बात करें जो कंस्ट्रक्शन क्रिएट किए गए थे जो इक्विपमेंट्स आपको देखने को मिलती है वो सभी चीजें मतलब एक फील होती है कि हाँ वाकई वायरफ की फिल्म है और मुई की प्रोडक्शन वैल्यू भी नज़र आती है और अगर आप लोग फिल्म के टीज़र को कलर ग्रेडिंग या फिर नोटिस करोगे या फिर हर एक शॉट हर एक सीन्स के अंदर काफ़ी बेहतरीन से काम किया गया जो कि बेस्ट चीज़ें आपको देखने को मिलती है ऐसा नहीं कि कुछ कुछ जगह कमियाँ हैं बट एक बार देखने पर आपको फील नहीं होती है जो कि एक जनरल या फिर नॉर्मल ऑडियंस के लिए इस चीज़ को मतलब नोटिस करना मतलब काफ़ी टफ काम हो जाएगी जो कि मैंने भी जब फर्स्ट टाइम देखा था तो मुझे काफ़ी बेहतरीन ट्रेलर ओवरऑल लगा था लाइक वी एफ एक्स सी जी के मालूम में बट जैसे मैंने बार बार रिपीटेड मोड के साथ देखा हुआ था तो उसके बाद मुझे कुछ कैसे जो सीन से जो नोटिस होती है कि वाकई फिल्म की सीजी थोड़ा बहुत कुछ कुछ सीन्स के अंदर हमें थोड़ा बहुत मतलब थोड़ा बहुत वो थो भी मेरे ख्याल से वो चलता भी है जो हमें देखने को मिलते हैं लाइक पठान फिल्म भी भी ऐसा आपको कुछ कुछ एंस जो देखने को मिलती है कुछ इलॉजिक्स भी देखने को मिली थी तो इस फिल्म से यानी कि उस फिल्म से बैटरी भी आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी इतना तो मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ बिकॉज कंटेंट के अंदर पोटेंशियल है और मेकर्स के द्वारा हर एक चीज यहाँ पर बारीकी से नोटिस किया हुआ है और फैंस को एक बेस्ट फिल्म देने की जो पोटेंशियल है वो हमें ट्रेलर में भी देखने को मिल रही है तो मेकर्स के द्वारा काफ़ी बारीकी से हमें ध्यान में रखते हुए इस फिल्म को फिल्म को एडिट किया और फिल्म मेकर्स के द्वारा बनाए ही बनाया हुआ है तो ट्रेलर के हिसाब से डायरेक्शन काफ़ी आउटस्टैंडिंग है एक्शन आउटस्टैंडिंग है स्टैंड आउटस्टैंडिंग है और उसके साथ सिनेमाग्राफिक तो मतलब जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है क्योंकि कमाल की आपको देखने को मिलती है और साथ ही फिल्म के एडिटिंग की अगर बात करें तो जहाँ सो फिल्म के एडिटिंग भी काफ़ी अच्छी है मूवी की टेक्निकल डिपार्टमेंट के अंदर जो सबसे चीज मैटर करती है एडिटिंग तो फिल्म की टीज़र ट्रे, ट्रे, ट्रेलर को जिस तरह से एडिट किया हुआ है दोस्तों वो कहूँगा कि बेस्ट था और काफ़ी वन ऑफ द बेस्ट डायरेक्टर के द्वारा यानी कि एडिटर डायरेक्टर के द्वारा इसमें को किया हुआ है जो कहूँगा कि काफ़ी बेहतरीन का एडिटिंग हुई है डायरेक्टर और यहाँ पर एडिटर के बीच मतलब माइंड मेरे ख्याल से उसका मतलब मतलब सिंपल जो दिख रहा है वो आपको ट्रेलर लेवल पर ही आपको पता चल जाता है कि वाकई फिल्म के डायरेक्शन और फिल्म के रिडिंग काफ़ी बेहतरीन हुई है वो तो मैं इतना मैं तो डेफिनेटली बेहतरीन कहूँगा बिकॉज है आप मानो या ना मानो दोस्तों इसके साथ ही अगर दोस्तों अगर बात करें इस फिल्म के म्यूज़िक की यानी कि म्यूज़िकल डिपार्टमेंट की अगर बात करें तो यहाँ पर आपको इस फिल्म में बैकग्राउंड स्कोर की अगर बात करें तो जो कि आप सभी ने टाइगर वन टाइगर टू फिल्म के अंदर देखा है तो टाइगर थ्री के अंदर आपको मॉडिफाइड बैकग्राउंड स्कोर आपको सुनने को मिलते हैं जो कि सुनने में मतलब काफ़ी अच्छा फ़ील होती है और आपको पुरानी फिल्मों का भी टच दे जाती है जो कहूँगा कि काफ़ी बेस्ट है और बेस्ट ही आपको बैकग्राउंड म्यूज़िक सुनने को मिलेगी हालाँकि अभी भी गाने वगैरह ड्रॉप नहीं किए गए बट आपको बहुत ही जल्द आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि इस मैंने मतलब ये मैना खत्म होते होते आपको मेरे ख्याल से इसी इसी बीच आपको एक इस फिल्म के गाने वगैरह आपको सुनने को मिले और जो कि ट्रेलर में भी हमें दो ऐसे गाने का तो हिंट देखने को मिल देखने को मिल रहा बट देखते हैं कि तो टोटल इस फिल्म में गाने कितने होंगे आई थिंक दो दो या तीन ही गाने होंगे मेरे ख्याल से ज्यादा इस फिल्म में गाने नहीं होंगे जो कि अगर दो तीन गाने अगर होते तो डेफिनेटली कहूंगा कि बेस्ट चॉइस रहेंगे और अगर आप सभी को पता नहीं है तो मैं आप सभी को बताना तो चाहूँगा जो कि ऑलमोस्ट सबको पता है कुछ ऐसे उनको नहीं पता होती है जो कि मैं बात करूँ कि गाने वगैरह की अगर आप लोग पठान फिल्म के गाने वगैरह को अगर देख लो तो गाने वगैरह कितने पॉपुलर हुए थे कितनी बड़ी हिट हुई थी और अभी मिलियंस ऑफ व्यूज़ लेकर वो पठान फिल्म के गाने वगैरह को मतलब व्यूज़ से लिए हुए यूट्यूब पर तो मेकरस यही चाहेंगे कि गाने वगैरह अच्छे आएँ और गाने वगैरह अच्छे होते हैं तो आप सभी को पता होगा कि गाने वगैरह के मतलब ऊपर लोग मतलब डांस इवर डांस करते हैं तो मैं तो काफ़ी एक्साइटेड हूँ और देखते कि स्पेशली इस फिल्म के गाने वगैरह कैसे होते हैं और बाकी दोनों फ्रेंचाइजों से मतलब गाने वगैरह काफ़ी ब्लॉकबस्ट हुई है एक टाइगर थ्री का वो स्वैग से करेंगे सबका स्वागत तो वो गाना तब मेरे ख्याल से काफ़ी हद तक मतलब वन बिलियन व्यूज़ का टच करने वाली है और बहुत ही जल्द कर ही लेगी जिस हिसाब से इस टाइगर थ्री ने हाइप क्रिएट किया हुआ है और साथ ही जब मैं वीडियो बना रहा हूँ तो आज के डेट के डेट में एक और एक पोस्टर को रिलीज़ किया गया जिसमें कि दोनों तरफ टाइगर बीच में आपको यहाँ पर इमरान हाशमी का कैरेक्टर आपको देखने को मिलती है तो ये सब चीज़ आपको यहाँ पर देखने को मिलती है ट्रेलर में ही और साथ ही अगर बात करते फिल्म की कहानी के ऊपर प्लॉट के ऊपर बात करते हैं जो कि आपको पोस्टर लेवल पर ही आपको पता चल गया था जो कि ये इस फिल्म की जो कहानी है दोस्तों यहाँ पर जो टाइगर जिंदा है वार और पठानस के बाद की आपको यहाँ पर इस फिल्म में कहानी देखने को मिलती है जो कि बड़े बड़े लेटर्स के अंदर यहाँ पर पोस्टर्स के अंदर चीज़ को दर्जा दिया गया है कि जो कहानी मतलब देखने को मिलेगी आपको टाइगर जिंदा है वार पठान के बाद की कहानी आपको देखने को मिलेगी कि इस फाइव यूनिवर्स में आगे क्या होगी और उसके साथ ही ये भी सुनने को मिल रहा है बट कंफर्म नहीं किया मेकर्स के तरफ से बट आपको इस फिल्म में या फिर जूनियर एन या फिर ऋतिक रोशन का डेफिनेटली कैमियो तो आपको देखने को मिलेगी जो कि आपको हिट देगी कि आगे मतलब फिल्मों की लाइक वार टू का हिंट आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी इस फिल्म में जो कि मेरे ख्याल से पोस्ट पोस्ट क्रेडिट या फिर एंड क्रेडिट में आपको मतलब देखने को मिलेगी इतना तो कन्फर्म है अगर एन का भी अगर कन्फर्म नहीं है तो डेफिनेटली यहाँ पर और ऋतिक रोशन का तो इतना कन्फर्म है कि उनका आपको इस फिल्म में डेफिनेटली कैमियो ही आपको देखने को मिलती है पोस्ट क्रेडिट या फिर क्रेडिट के अंदर देखने को मिलेगी इतना तो कन्फर्म है और इसके साथ ही फिल्म की स्नोपस की अगर बात करें तो वही जो कि स्नोप्स देखने को मिलती है कि टाइगर जिंदा वार और पठान टाइगर और जोया की घटनाओं के बाद एक बदला लेने वाला आतंकवादी द्वारा गद्दार के रूप में फंसाया जाता है जहाँ जा वह अपनी बेगुनाही साबित करने के लिए एक जीवन धमकी धर्मयुद्ध पर सेट करते हुए कहानी आपको यहाँ पर देखने को मिलती है तो इस तरह की प्लॉट स्नोप्स है जो कि मैं कहूँ काफ़ी अच्छा बात है और ये देखने में इंटरेस्टिंग होगी कि आदित्य चोपड़ा के द्वारा इस फिल्म को किस तरह की कहानी को यहाँ पर लिखा गया है तो फिल्म तो वो रिलीज़ हो रही है दोस्तों यहाँ पर बारह नवंबर को तो बारह नवंबर को ये सभी चीज़ें पता चलेगी बाकी आप बता सकते हो कि ऑफिस में को देखने के लिए कितना एक्साइटेड है और आफिसन को फ़र्स्ट डे दे देखने वाले हो या फिर सेकंड डे खास खासकर उस दिन दिवाली है तो बहुत बड़ी दिवाली का एक मतलब दिवाली आप सभी को मिलने वाली है जो कि सिनेमाघरों में आप सभी को मिलेगी तो मैं तो काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हूँ और मैं अभी तक फ़र्स्ट डे का टारगेट कर रहा हूँ बाकी देखते हैं क्या होता है वो तो मतलब वक्त मतलब जैसे जैसे मतलब दिन नज़दीक आएंगे उसके बाद ही तो बता सकता हूँ और मैं चाहूँगा कि गाने वगैरह अच्छे हो और लोगों को गाने वगैरह पसंद हैं ताकि फिल्म को और पब्लिसिटी मिलने में मतलब हेल्प मिले हालांकि ट्रेलर की अगर बात करें तो आरोन इस फिल्म का ट्रेलर मतलब आई थिंक फोर्टी फाइव मिलियन का व्यूज़ तो ऑलरेडी क्रॉस कर चुका है बट आई थिंक मेरे ख्याल से फिफ्टी सिक्सटी दिखते कि अभिषेक अग्रवाल ने जहाँ पर आपको इस फिल्म में लीड रोल में नजर आएंगे रवि अनुपमा खेर नपुर सेनन एंड रेनु देसाई गुप्ता और इस फिल्म में आपको सिनेमाटोग्राफी देखने को मिलेगी आर माधवे की इसके अलावा फिल्म को एडिट किया है दोस्तों कोटागिरी बैंकृश राव ने जहाँ पर आपको इस फिल्म में बैकग्राउंड म्यूजिक कम्पोजिंग साउंड ट्रैक मूवी की बीजे में आपको सुनने को मिलेगी जीवी प्रकाश कुमार की इस फिल्म को दोस्तों अभिषेक अग्रवाल आर्ट्स प्रोडक्शन बैनर के नीचे इस फिल्म को बनाया जहाँ पर फिल्म की एक्ट शूट

प्रोडक्शन हाउस की अगर बात करें तो दोस्तों अगर बात करें सबसे पहले राइट की हिंदी डबिंग राइट्स की तो दोस्तों इस फिल्म जो हिंदी डबिंग राइट्स को खरीदा है आर के डी स्टूडियो ने तो फिल्म की हिंदी डबिंग राइट्स स्टूडियो के पास है और इसके साथ ही अगर बात करें इस फिल्म की सैटेलाइट या फिर डिजिटल राइट्स की अगर बात करें तो इस फिल्म के डिजिटल राइट्स को खरीदा है तो प्राइम वीडियो ने तो अमरसन प्राइम के पास इस फिल्म की डिजिटल राइट्स है और ये देखने में काफी और ये देखना काफी इंटरेस्टिंग होगी कि इस फिल्म की अमरदान प्राइम बीडो के पास तेलुगु के अलावा या फिर सभी साउथ इंडियन भाषा के साथ साथ हिंदी राइट्स है

जू गुप्ता मुराली शर्मा हरसीदर कुछ कैरेक्टर तो की को कंफर्म, अभी कंफर्म नहीं हुआ के रिसर्च किया उसके अकॉर्डिंग काफी सारे जो एक्टर्स है उनके कैरेक्टर को ऑलरेडी कन्फर्मी हो चुका है की कौन सा किरदार यहाँ पर फिल्म में प्ले करने वाले तो जिसका भी पता चला है चलो इसके ऊपर बात करते हैं तो सबसे पहले बात करिए मेन लीड एक्टर यानी हीरो की

बात करे रेनू की तो रेनू दिशा आपको इस फिल्म में हलमंता लवन के रोल में नजर आएंगे विश्वनाथ शास्त्री के रोलमदा के रोल में मनी के रोल नजर आएंगे नागदेव नायर आपको इस फिल्म में कशी के रोल मदद आएंगे एन अनुकीर्ति वाश आपको इस फिल्म में जयवन्नी के रोल और नसर आपको इस फिल्म में गाजला प्रसाद के रोल मदद बाकी बात करे अदू और या पर प्रदीप राव

फिल्म की शूटिंग के दौरान यहाँ पर अभी तेजा को इंजरीज भी होता था खासकर एक्शन सिक्वेंस में बिकॉज ट्रेलर लेवल पर ही आप सभी को देखने को मिल रहा है कि फिल्म के अंदर किस तरह की कि आपको एक्शन देखने को मिल रही है खासकर एक्शन की अगर बात करें तो एक्शन के अंदर काफी हद तक पोटेंशियल नजर आ रहा है कि हाँ वाकई फिल्म का एक्शन काफ़ी अलग लेवल की होने वाली है और इसके साथ ही ब्रोटालिटी भी आपको काफी हद तक बेहतरीन देखने को मिलती है ट्रेलर लेवल पर तो हमें देखने को मिलती है बाकी ये देखने में इंटरेस्टिंग होगी कि फ़िल्म में हमें किस तरह की प्रोटालिटी देखने को मिलती है तो इस चीज़ यानी कि इस चीज़ को देखने के लिए मैं काफ़ी हद तक एक्साइटेड हूँ बिकॉज एक्शन की कोरियोग्राफी जिस तरह से हमें ट्रेलर के अंदर देखने को मिल रही है वो आउटस्टैंडिंग है दोस्तों मैं आपको पहले ही बता रहा हूँ आपको फिल्म की कहानी भले अच्छा हो या फिर मतलब घटिया निकले बट एक्शन आपको दमदार लेवल के देखने को मिल रही है जो कि ये मेरा ओपिनियन बिकॉज ट्रेलर लेवल पर देखने को मिल रहा है कहानी की बात करें ऐसा नहीं कि कहानी हमें मतलब कुछ है नहीं कहानी के अंदर ऐसा नहीं कहानी भी काफ़ी हमें देखने को मिल रही है बिकॉज ट्रेलर में कहानी का मतलब तो पता नहीं चलने देता कि फिल्म के एक्चुअल कॉन्सेप्ट क्या कहानी है जो कि कहूँगा कि काफ़ी अच्छा है और एडिट काफ़ी स्मार्ट तरीके से फिल्म को यानी कि ट्रेलर को एडिट किया हो जो कहूँगा कि काफ़ी काबिल तारीफ़ है तो अगर ट्रेलर लेवल पर ही अगर फिल्म की अगर कहानी को प्लॉट को यहाँ रिवील कर दे तो थिएटर्स में जाने का क्या फ़ायदा तो मेकर्स का ये स्ट्रैटी होती है कि कहानी को कम से कम रिवील करे ताकि ऑडियंस कहानी जानने के लिए फिल्म थिएटर्स मतलब तो देखने आए तो सिनेमा घरों में तो मैं कहूँगा किसी मार्केटिंग स्ट्रेटजी को यहाँ पर यूज़ किया गया जो कि हर फिल्म के मेकर्स यही करते हैं और इस फिल्म के मेकर्स भी वही स्ट्रेटजी को प्ले किया बिकॉज मतलब ऐसा ही करना होता है तो मैं कहूँगा कि ठीक है काफ़ी बढ़िया है और बाकी ये तो फिल्म देखने को मिल ही रही है और जब मैं वीडियो बना रहा हूँ आई थिंक आज की डेट के बाद की तो आज बारह अक्टूबर है मतलब फिल्म रिलीज़ होने में मतलब कुछ ही है, पाँच छः दिन ही मतलब बाकी रह गए बाकी तो मैं तो देखूंगा इस फिल्म को डेफिनेटली देखूंगा मैं काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हूँ बिकॉज़ ट्रेलर टीज़र काफ़ी माल का कर, निकल कर आया था एंड अगर आप सभी ने अभी तक तो इस फिल्म का ट्रेलर या फिर टीज़र वगैरह को नहीं देखा है तो मैं सजेस्ट करूंगा कि यूट्यूब पर सर्च करके इस फिल्म के ट्रेलर और यहाँ पर बात करें टीज़र को डेफिनेटली देखें अगर आप सभी ने देख ऑलरेडी लिया है तो इसके बारे में आप हमें बता सकते हो कि इस फिल्म का ट्रेलर आपको कैसा लगा ट्रेलर के अंदर जो एक्शन है वो आपको कैसे देखने को मिलती है किस तरह की कि आपको मतलब फ़ील कराती है कि हाँ ये फिल्म आपको एक्साइटेड कर पाई है कि नहीं आपको फिल्म का ट्रेलर किस लेवल का लगा आपका एक्सपीरियंस का था ट्रेलर देखते वक्त आप मतलब क्या आपके थाट्स थे क्या ओपिनियंस थे अगर इससे रिलेटेड कोई जानकारी अगर कर आप हमें बताना चाहते हो तो बता सकते हो हालांकि इस वीडियो का कमेंट सेक्शन डिसेबल रहेगा बट आप हमारे चैनल पर जाकर कैमेडे सेक्शन पर जाकर किसी भी एक पोस्ट पर जाकर आप कुछ भी लिख सकते हो यानी कि इस इस फिल्म के ट्रेलर से रिलेटेड कुछ भी ओपिनियन शेयर कर सकते हो कि आपको इस फिल्म का ट्रेलर वगैरह आपको मतलब लगा कैसा आपको फील देखते वक्त फील कैसा हुआ था तो बताना चाहते हो बता सकते हो आपके लिए मतलब ओपन रहेगा इसके अलावा अगर दोस्तों अगर बात करें फिल्म की म्यूज़िक की अगर बात करें तो अभी तक दो ही गाने को यहाँ पर मेकर्स के द्वारा रिलीज़ किया गया मे भी हो सकता है कि आने वाले दिनों में जो रिलीज़ से पहले मेरे ख्याल से गाने वगैरह रिलीज़ मतलब मे भी हो सकता है बट पूरे तरह से कन्फर्म नहीं हो बिकॉज दो गाने ऑलरेडी रिलीज़ हो चुके हैं दोनों गाने आपको हिंदी में भी सुनने को मिल जाएंगे और हिंदी के अलावा तेलुगु में भी सुनने को मिल जाएंगे गाने को सुनना चाहती तो आप यूट्यूब पर सर्च करके भी देख सकते हो आई थिंक ये स, इस फिल्म के जो सभी गाने आपको सारी गामा म्यूज़िक के यूट्यूब चैनल पर आपको देखने को मिल जाएंगे या फिर सुनने को मिल जाएगा बिकॉज और लिरिक्स फॉर्मेट के साथ इस को अपलोड किया गया है यूट्यूब पर तो देख सकते हो अगर आप का सुनने का मन है तो और गाने की अगर बात करें टाइटल की तो सबसे पहले गाने का डर नाम रख रा रखा है एकदम एक एकदम एक इस गाने को लिल्स को लिखे थे भर्ष भाटलिया ने और साथ ही इस गाने को गाया था अनुराग कुलकर्णी ने और साथ ही इस गाने की लेंथ की अगर बात करें तो चार मिनट बीस सेकेंड है दूसरे गाने की बात करें टाइटल की दूसरे गाने का नाम रखा था वंदू एंड चंद्र बोस इस गाने को अगर बात करें सिंगर्स की तो अनुराग कुलकर्णी ने गाया हुआ साथ ही तीन मिनट अट्ठारह सेकेंड का आपको गाने मतलब सुनने को मिल जाएंगे और इस फिल्म की रिलीज डेट शेड्यूल की अगर बात करें तो 20 अक्टूबर साल दो को डब्ल्यू वर्धन के साथ रिलीज़ की जाएगी लाइक आपको तमिल में भी सुनने को ये फिल्म देखने को मिलेगी हिंदी में तो आई रे जो कि ऑलरेडी बता चुका है अन कन्नड़ा मलयालम के साथ भी आप इस फिल्म को देख सकते हो बिकॉज एक पैन इंडिया फिल्म है तो पैन इंडिया लेवल पर रिलीज़ की जाएगी हालाँकि इस फिल्म की प्रमोशंस की अगर इस इस्पेसिल अगर बात की जाए इसके ऊपर तो रवि तेजा खुद अपने से मतलब जितना भी होता है वो प्रमोशन करते हैं खासकर इस फिल्म उनको हिंदी वर्ल्ड के अंदर मतलब ज़्यादा प्रमोशन करने को उनकी मतलब ट्राई कर रहे बिकॉज आप सभी को पता होगा कि ट्रेलर लॉन्च यहाँ पर मुंबई में रखा हुआ था तो मतलब रवि तेजा सर खुद से ट्राई करें कि इस फिल्म की प्रमोशन ज़्यादा से ज़्यादा हो और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों उस तक मतलब पहुँचे रीच मिल सके बिकॉज हिंदी ऑडियंस को अगर फिल्म अच्छी लगती है तो डेफ़िनेटली हिंदी मार्केट में भी ये फ़िल्म अच्छा खासा मतलब कलेक्शन कर सकती है और बिकॉज रिसेंटली अगर बात करें रवि तेजा सर की जितनी भी खास कर में रिलीज़ हुई है जो बोल सकती है कि सो कोल्ड पैन इंडिया थी बट वो डिज़र्व नहीं करती थी वो सभी फिल्म में बट उन सभी फिल्मों को रिलीज़ किया गया था बट जिस लेवल की रिस्पांस मिलना था उस लेवल की रिस्पांस यहाँ पर इस फिल्म को यानी कि जितनी भी फिल्म को रिलीज किया था नहीं मिला था बट टागे सन्ना राव की अगर कर बात करें तो उसमें आपको अलग देखने को मिलती है बिकॉज हिंदी ऑडियंस का भी इस फिल्म को लेकर काफी ज्यादा इंटरेस्ट है और एक्साइटेड भी है बिकॉज ट्रेलर काफी अच्छा था यूनिक था लोगों को पसंद आई थी और खासकर ट्रेलर के अंदर जो ब्रोटैलिटी देखने को मिलती है तो मैं कहूँगा कि काफी अच्छा था और खासकर तो इस तरह के एक्शन तो मुझे पर्सनली काफ़ी हद तक पसंद है और ब्रोटैलिटी एक्शन मुझे काफी हद तक पसंद है अगर मैं आप सभी को ऑनेस्ट लेकर मैं आप सभी को बताऊँ कि वो सभी इसे देखने में मतलब कुछ अलग की फील होती है तो मेरा तो अपना चॉइस है बट कुछ का मतलब सबका नहीं है बट मेरा मतलब इस तरह के एक्शन मुझे काफ़ी हद तक पसंद है और जिस हिसाब से इस फिल्म के अंदर जो एक्शन ट्रेलर के अंदर हमें देखने को मिलती है मैं तो और फिल्म को देखने के लिए एक्साइटेड हूँ बाकी मैं होप करता हूँ कि फ़िल्म की कहानी काफ़ी तगड़ी निकल कर आए हैं और आप सभी को पता होगा कि ये फिल्म टाइगर्स नागिस के ऊपर बेस्ड है यानी कि उनके बायोपिक आप मतलब बोल सकते हो उनके ऊपर एक बुरी कहानी आप पर देखने को मिलती है जो कि एक आई थिंक मैंने ज़्यादा मतलब टाइगर नागेश्वर राउस की जो कहानी है इनकी जो बायोपिक बना रहे बट कुछ ज़्यादा रिसर्च नहीं किया है जी हाँ सो मैं अगर आप सभी को ऑनेस्टली बताऊँ तो मैंने टाइगर नागेश्वर मतलब कुछ भी नहीं सर्च किया कि क्या है क्या था वो तो बट ये मैंने कहीं सुना था कुछ आर्टिकल में पढ़ा था कि टाइगर नागेश्वर एक ज़माने में मतलब बहुत बड़ा चोर था जी हाँ सो चोर था बाकी क्या ये सच है कि नहीं ओके वो, वो तो फिल्म में पता चलेगी कि किस कि तरह की कि टाइगर नागेश्वर आपको कहानी को प्रेजेंट किया गया किस तरह की उसको बायोपिक पर किया गया तो वो देखने में काफ़ी इंटरेस्टिंग होगी और देखते हैं कि बट ये मैंने पक्का सुना थी कि एक जमाने का बहुत ही बड़े ख़तरनाक मतलब चोर थे चोर थे कि क्या थे अच्छे इंसान थे भले इंसान थे वो तो फिल्म में ही पता चले कि बिकॉज मैंने कुछ ज़्यादा मतलब रीड कराने टाइगर नागेश्वर जो कैरेक्टर है जो रियल लाइफ का जो कैरेक्टर हो प्ले तेजा ने कि रियल लाइफ में क्या हुआ था क्या था बट वही सुना था जो कि ऑलरेडी मैं आप सभी को बता चुका हूँ इसके साथ ही अगर दोस्तों अगर बात करें इस फिल्म की टेक्निकल डिपार्टमेंट की म्यूजिकल डिपार्टमेंट की अगर बात करें तो मैं आप सभी को बताना चाहूँगी कि मैंने ऑनेस्टली मैंने ट्रेलर और टीज़र को ही देखा है और उसके अकॉर्डिंग मैं आप सभी को बताऊंगा जो कि मैं आपको वीडियो की शुरुआती में बता चुका था कि जो भी इस वीडियो के अंदर डिटेलिंग दी जाएगी जो भी इन्फॉर्मेशन मतलब इस वीडियो में आप सभी को बताई जाएगी वो सभी ट्रेलर से रिलेटेड इंटरनेट से रिलेटेड और लोगों की रिएक्शन से रिलेटेड ही बताई जाएगी बिकॉज आपने ना फिल्म देखी या फिर मैंने देखी है बिल्कुल अब तक की फिल्म रिलीज हुई नहीं तो आप कैसे देख सकते हो तो मैं कैसे देख सकता हूँ बट जो चीज़ें बता रहा हूँ अपना फैन थ्योरी प्रिडिक्ट कर रहा हूँ कि ये पॉसिबल हो सकती है ये नहीं हो सकती है बट इसी के ऊपर अपना ओपिनियन मैं आप सभी को बता रहा हूँ बाकी आपका ओपिनियन भी अगर बताना चाहो तो जो कि ऑलरेडी मैं आप सभी को बता चुका हूँ कि अगर आप ओपिनियन शेयर करना चाहते तो बता सकते हो इसके साथ अगर बात करें इस फिल्म के टेक्निकल डिपार्टमेंट की म्यूजिकल डिपार्टमेंट की तो फिल्म के डायरेक्शन की अगर बात करें तो वन सी के डायरेक्शन में पोटेंशियल है जी हाँ सो अगर आप मानो या ना मानो आपको ट्रेलर लेवल पर ही देखने को मिलती है कि डायरेक्शन किस लेवल के क्या हुआ है और खासकर एक्शन एक्शन तो पर्सनली मैं काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हूँ तो एक्शन काफ़ी अच्छे हैं उनको एक्शन को बेहतरीन तरीके से कोरियोग्राफ भी किया हुआ है जो कि हमें साफ साफ ट्रेलर में हमें नज़र आ रहा है और इसके साथ ही अगर बात करें इस फिल्म की परफॉर्मेंस की जितनी भी आपको इस फिल्म में कैरेक्टर्स नज़र आते हैं हालाँकि सभी कैरेक्टर्स बेहतरीन के कास्ट किया गए एक एक कैरेक्टर आपको ट्रेलर लेवल पर ही देखने को मिलती है कि वाकई कास्ट डायरेक्टर के द्वारा फाइनेस्ट अपर कास्ट को अपर कास्ट के इस फिल्म के अंदर एक्टर्स या फिर एक्ट्रेस की अगर बात करें इसके साथ ही अगर बात करें अनुपम खेर का तो ये कैरेक्टर मुझे ट्रेलर के अंदर काफ़ी इंटरेस्टिंग लगा जो कि एक सी ऑफिसर का रोल प्ले कर रहे हैं और ये कैरेक्टर ऐसा होगा कि टाइगर नागेश्वर का हिस्ट्री को यही कैरेक्टर रिवील करेंगे लोगों से जानने की यहाँ पर कोशिश करेंगे जो कि हमें ट्रेलर में ही पता चलता है कि जब उनको उस कैरेक्टर को इंट्रोड्यूस किया जाता तो है ट्रेलर के अंदर तो पुलिस स्टेशन में पहुँचता है और पुलिस स्टेशन में जैसे पहुँचते हो यानी कि टाइगर नागेश्वर से रिलेटेड जो भी केस फाइल हुई थी उसको मतलब खूब मतलब जैसे टेबल पर रखते हैं तो काफ़ी सारे से फाइल्स होती है जो कि पूछती है तो मतलब वो के डायलॉग्स फिल्म के अंदर के इतने सारे मतलब केसेस फिल्म के डायलॉग्स याद नहीं बट डायलॉग्स है तो ये कैरेक्टर से फिल्म के अंदर बाकी सभी की परफॉर्मेंस मुझे तो काफ़ी ट्रेलर लेवल के मतलब काफ़ी कमाल के देखने को मिल रही है खासकर लुक्स की अगर बात करें तो सभी की लुक्स के काफ़ी डिफरेंट रखा गया और काफ़ी यूनिक भी देखने को मिल रही है देखते हैं कि फ़िल्म में कैसा होता है बाकी फिल्म की अगर बात करें सैनमेटोग्राफी की तो जी आप मैं कहूँगा कि आर महाधवी के द्वारा जिस तरह से सैनिमाटोग्राफी यूज़ किया गया कैमरा एंगल्स जिस तरह की बिहार देखा माहौल को सेट किया गया जो कलर ग्रेडिंग देखने को मिलती है जो सैनिमेटिक्स कलर देखने को मिलती है जो शॉर्ट्स देखने को मिलती है वो कहूँगा कि बेस्ट था जो डायरेक्टर का विजन है यहाँ पर आर माधवी ने उसको प्रेजेंट करने में यहाँ पर पूरी तरह से कामयाब भी हुआ है जो कि आपको ट्रेलर टीजर में देखने को मिलता भी है बिकॉज मैं तो काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हूँ कि आर माधवी ने बेस्ट वर्क किया इस फिल्म के अंदर बाकी ये देखने में इंटरेस्टिंग हो कि इस फिल्म के अंदर किस तरह की एक्सपीरियंस हमें कराती है एज ए सैनेमाटोगग्राफी के जरिए और फिल्म की कहानी की अगर बात करें तो फिल्म की कहानी का विजन्स या पर बात करें आइडिया स्टोरी राइटिंग ये सभी की है बाकी मेरे ख्याल से असिस्टेंट या फिर इम्प्रोमेंट इम्प्रोवाइज के लिए यहाँ पर श्रीकांत वीसा को हायर किया हुआ या फिर मैं भी हो सकता है कि दोनों ने कहानी को लिखा बट कॉन्सेप्ट आइडिया डायरेक्शन स्क्रीन प्ले ये सब चीज़ आपको बम्पी के देखने को मिलती है बाकी डायलॉग्स की अगर बात करें तो यहाँ पर श्रीकंत वीसा ने डायलॉग्स को लिखा है और इस फिल्म की डबिंग की अगर बात करें तो डबिंग की अगर बात करें तो पर्सनली डबिंग मुझे इस फिल्म के अंदर खासकर हिंदी डबिंग की लगी हालांकि इस फिल्म के अंदर रवि तेजा ने अपने कैरेक्टर को खुद ही आवाज़ दिया हुआ है तो मतलब डबिंग से मतलब कुछ शिकायत नहीं बट यहाँ पर बात करते इस फिल्म की भोजपुरी यानी कि भोजपुरी एक्शन को यहाँ पर यूज़ किया गया आपको ट्रेलर पर ही पता चलता है जो कहूँगा कि काफ़ी अच्छा है और कुछ कुछ जगह ऐसा फील होता है कि अगर अगर इसमें को हिंदी में भी रखते तो काफ़ी अच्छा होता बट कुछ जगह ऐसा भी होता कि वाकई डबिंग ठीक है बिकॉज ऐसा भी होता है कि उस जमाने के जो गावस मतलब गाओ वगैरह थे उस टाइम के जो और भाषाएं थे मे बी उस तरह के बोलते होंगे तभी तो यहाँ पर डाले गए हैं तो बाकी देखते हैं कि क्या होता है फिल्म के अंदर तो मतलब मुझे तो डबिंग और भोजपुरी रि एक्शन काफ़ी हद तक सही लगा है बट कुछ पोर्शंस के अंदर ट्रेलर के अंदर हमें फ़ील होती है तो देखते हैं कि फिल्म में एक्चुअली किस तरह की है? मतलब यूज़ किया गया है इसके साथ ही अगर बात करें दोस्तों इस फिल्म की म्यूज़िक की तो म्यूज़िकल डिपार्टमेंट के अंदर आपको जो जीवी प्रकाश कुमार की बीजियम सुनने को मिलेगी मैं कहूँगा कि बीजियम बेस्ट है जी हाँ सो जितनी भी हमें कंटेंट सुनने को मिलती है कंटेंट के अंदर जो म्यूजिक सुनने को मिलती है विजियम सुनने को मिलती है वो मैं कहूँगा कि बेस्ट है बिकॉज एक्सपीरियंस कराती है और फिल्म के माहौल के साथ सिचुएशन के साथ काफ़ी हद तक मैच कर सकती है और वही टाइम म्यूज़िक के जरिए उसको एलिवेट करने में भी कामयाब होते हैं जो कहूँगा कि बेस्ट है बाकी देखते हैं कि ओवरऑल फिल्म के अंदर किस तरह की कि आपको आपको या मुझे विजियम कैसे मतलब सुनने को मिलती है एडिटिंग की अगर बात करें तो कोटागिरी वेंकटेश राव ने इस फिल्म को एडिट किया हुआ है और कोटागिरी वेंकटेश राव काफ़ी बेहतरीन के एडिटर है और काफ़ी बेहतरीन फिल्म को डायरेक्ट किया सॉरी एडिट किए हुए बड़े बड़े एक्टर्स के साथ की फिल्मों को एडिट किया गया है एंड मैं समझता हूँ कि आज की डेट के जो मेरे ख्याल से जो टफ होती है डायरेक्टर के अलावा सैनमग्राफर के अलावा और फिल्म की एडिटिंग जो है सो काफ़ी बेहतरीन मतलब उसको बोल सकते हो उनका ज़्यादा मतलब वर्क होती है बिकॉज़ फिल्म की डायरेक्शन का क्या होता है कि आप एक जो स्क्रीन प्ले लिखा है जो शॉर्ट्स लेना है उसको ले लिए हो मतलब फोट ले लिए हो कितने टेक्स लिए गए बट वो सभी जैसे फोटेजेस आती है एडिटर के पास तो एडिटर उन सभी फोटेज़ को एडिट करता है कहानी को भी मिस मतलब कहानी को भी दिखाना है कि किस तरह की कहानी आपको दिखाना है तो मैं कहूँगा कि एडिटर का भी बहुत ही एक फिल्म में उनका मतलब फिफ्टी परसेंट वर्क उन्हीं का होता है बिकॉज अगर आज के डेट में अगर एडिटिंग अगर आपका अच्छा नहीं हुआ तो फिल्म आप जितनी भी अच्छी मतलब बना लो तो फिल्म लोग क्रिटिसाइज़ करेंगे वो भी नेगेटिव मतलब नेगेटिव ही आपको रिव्यू मिलेगी तो एडिटिंग भी काफ़ी मेरे ख्याल से आज के ज़माने में इंप्रूवमेंट हुई है नए नए टेक्नोलॉजी यूज़ किया गया है नए नए तरीके भी यूज़ करे जो कि ऑडियंस को काफ़ी हद तक पसंद ये सभी चीज़ें आ रही है तो मैं कहूँगा कि आप ही बेस्ट है तो फिल्म में देखना काफ़ी इंटरेस्टिंग होगी बाकी ट्रेलर को तो काफ़ी अच्छे से एडिट किया होगा कलर ग्रेडिंग सभी चीज़ वी वगैरह काफ़ी अच्छे हैं बाकी तो एक्साइटेड हूँ इस फिल्म को मतलब मैं देखने के लिए काफ़ी से एक्साइटेड हूँ और आप अगर है तो इसके बारे में बता सकते हो बिकॉज़ फ़िल्म का कंटेंट के अंदर पोटेंशियल है दोस्तों आप Manuja nam je, je sečr. बाकी इस फिल्म की अगर बात करें एडवांस बुकिंग की आई थिंक इंडिया के अंदर एडवांस बुकिंग स्टार्ट नहीं किया गया बट यहाँ पर यू के अंदर इस फिल्म की एडवांस बुकिंग स्टार्ट हो चुकी है बट जो यू एस में रहते हैं उसको मतलब टिकट वो बुक कर सकते हैं अभी एक पोस्टर के जरिए फिल्म में प्रोडक्शन हाउस के द्वारा जिसको ऑफिशियली कन्फर्म भी किया हुआ है और आप एक्सपेक्ट कर सकते हो किसी भी मतलब इस फिल्म की एडवांस बुकिंग स्टार्ट मेरे ख़्याल से हो जानी चाहिए बाकी देखते हैं कि क्या होता है बाकी इस फिल्म की इस डेट की रिलीज़ डेट की बात करते हैं इस फिल्म के साथ और दो बड़ी फिल्म में क्लैश हो रही है लाइक तलब दे की विजय और साथ ही नंदमोड़ी बाला कृष्ण सर की भगवंत केसरी तो ये दो बड़ी क्लैश हो रही है इस फिल्म के दे, रिलीज डेट से आ रही है बाकी देखते क्या इस फिल्म को क्लैश से कुछ मतलब इफेक्ट होता है कि नहीं वो तो मतलब आने वाले दिनों में पता चलेगी जो कि होने वाली है ट्वेंटी अक्टूबर को बाकी मैं तो एक्साइटेड हूँ बाकी इससे रिलेटेड अपडेट वगैरह आएगी तो डेफिनेटली बीच बीच में आपको अपडेट मिलेगी और वीडियो बनाकर अपडेट वगैरह आपको हमारे चैनल पर मिली जाएगी तो अपडेट वगैरह आपको पाना चाहते हो अपडेटेड रहना चाहते हो तो अगर आप सभी ने अभी तक ईशान को सब्सक्राइब नहीं किया तो शान को सब्सक्राइब कर ले और साथ से जो बैल नोटिफिकेशन देख रहा है, उसको भी ऑन कर ले ताकि हर वीडियो को नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे बिकॉज क्योंकि कभी भी एक फ़िल्म की कभी भी कुछ भी अपडेट आ सकती है तो अगर आप मैं वीडियो उस पर बना दूँ तो आपको फिर पता कैसे चलेगा कि क्या अपडेट आया है इस फिल्म से रिलेटेड क्या होने वाला है तो ये सभी चीज़ों को अगर आप लोग इंटरेस्टेड हो जानने के लिए तो डेफ़िनेटली सब्सक्राइब कर सकते हो सब्सक्राइब करने में मतलब कुछ नहीं जाता एक बटन ही दबाना है हालांकि हम जितने भी मेरे व्यूवर्स हैं मतलब फिफ्टी परसेंट से ज़्यादा मतलब सब्सक्राइब नहीं किए बट वीडियोस को देखते हैं बट सब्सक्राइब नहीं किए मैं कहूँगा कि सब्सक्राइब कर लो और नोटिफिकेशन को ऑल पे सेलेक्ट जरूर कर ले आई थिंक इस फिल्म से रिलेटेड जो भी इंटरेस्टिंग फैक्ट्स की कहानी के ऊपर हालाँकि बात नहीं की है बट चलिए कहानी हालांकि मैं बात नहीं करूँगा बट कहानी की स्नोप के ऊपर बात करेंगी कि किस तरह की यहाँ पर कॉन्सेप्ट आपको देखने को मिलती है और किस तरह की किस टाइम लाइन पर यह कहानी सेट रखा गया है तो ये कहानी आपको देखने को मिलती है उन्नीस के दशक के दौरान टाइगर नागेश्वर राव एक चोर है जो स्ट्रोरापुरम में आतंक के दायरे पर हवाई और सासी डकैती की एक श्रृंखला का मास्टरमाइंड भी हैं कहानी का बाकी सा टाइगर की रोमांचक भागदौर और उसके और पुलिस के बीच आकर्षित बिल्ली और चूहे के खेल के इर्द गिर्द कहानी को लिखा गया है बनाया है जहाँ पर फिल्म की डिस्ट्रीब्यूशन की अगर बात करें तो फिल्म को डिस्ट्रीब्यूट किया गया था रेड जैन मूवीज़ एंड आई ग्र इंटरनेशनल प्रोडक्शन बैनर ने और साथ में फिल्म की एग्जैक्ट रिलीज डेट की अगर बात करें तो दोस्तों दोस्त फिल्म को रिलीज़ किया गया था अट्ठारह अगस्त साल दो हज़ार बाईस को सिनेमाघरों में तमिल के अलावा इस फिल्म को रिलीज़ किया गया तेलुगु तमिल के साथ रिलीज़ किया गया था सिनेमा घरों में और साथ ही फ़िल्म की बजट की अगर बात करें तो दोस्त ओस्मिन को बनाया हुआ था 40 करोड़ बजट के साथ यानी कि 40 करोड़ बजट के साथ इस फिल्म को बनाया था जहाँ पर इस फिल्म ने टोटल बॉक्स ऑफिस पर कलेक्शन किया था वन, वन, 110 करोड़ यानी कि 110 करोड़ का कलेक्शन किया हुआ था ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर एक बहुत ही बड़ी सफल फिल्म साबित हुई थी एक कमाल का ब्लॉकबस्टर फिल्म हुआ था बॉक्स ऑफिस पर यह फिल्म और दोस्तों की आई एम डी रेटिंग की बात करें तो उसमिन को आई एम डी रेटिंग की तरफ सेवन पॉइंट नाइन आउट ऑफ टेन की रेटिंग मिली हुई है और यह फिल्म ऑडियंस के अलावा केलेटू के फिल्म काफ़ी ज़्यादा पसंद आई थी इसके साथ ही रोटी एंड टमाटो की तरफिन को हंड्रेड परसेंट लोगों ने यहाँ पर पसंद भी किया और साथ ही टाइम्स ऑफ इंडिया की तरफ से उसमिन को थ्री पॉइंट फाइव आउट ऑफ फाइव स्टार की भी रेटिंग मिली हुई है तो दोस्तों इस फिल्म को डिटेलिंग रिव्यू करें या फिर इस फिल्म को वन लाइन रिव्यू करें तो डेफिनेटली कहूँगा कि ये फिल्म आपके लिए वन ऑफ द बेस्ट फैमिली रोमांटिक कॉमेडी ड्रामा फिल्म हो रहने वाली है आप सभी के लिए बिकॉज फिल्म का कंटेंट काफ़ी अच्छा है और साथ ही अगर आप सभी को स्पेशली लव स्टोरी फिल्म देखना पसंद करते हो और एक अच्छी लव स्टोरी के अलावा एक बहुत ही बढ़िया इमोशनल देखना अगर आपको पसंद है कॉमेडी भी काफ़ी आपको अच्छा देखना है तो मैं कहूँगा कि ऑफिस फिल्म को डेफिनेट ट्राई करेगा फिल्म काफ़ी अच्छी है और फिल्म के अंदर आपको सभी चीज़ें बेस्ट ही देखने को मिलती है लाइक परफॉर्मेंस से लेकर परफॉर्मेंस के अलावा इस फिल्म में रोमांस कॉमेडी ड्रामा फैमिली ड्रामा काफ़ी कमाल के आपको यहाँ पर इस फिल्म में देखने को मिलेगी तो दोस्तों अगर ऑफिस फिल्म को देखना चाहते हो तो ये फिल्म आपको ऑफिशियली देखने को मिल जाएगी प्राइम वीडियो पर तो ओ पर देख सकते हो प्राइम वीडियो पर ये फिल्म आपको ऑफिशियली देखने को मिल जाएगी और प्राइम वीडियो पर ये फिल्म आपको तेलुगु तमिल के अलावा आप इस फिल्म को हिंदी में भी देख सकते हो और हिंदी के अलावा आप इस फिल्म को कन्नडा मलयालम के साथ भी यहाँ पर ऐड कर दिया गया है तो लाइक सभी भाषाओं के साथ आप इसमिन को प्राइम वीडियो पर स्ट्रीमिंग कर सकते हो तो देखना चाहते हो प्राइम वीडियो पर जाकर देख सकते हो ऑफिशियली सब यूज़र के लिए फ्रीली अवेलेबल कर दिया गया है और इससे पहले अगर बात करें जब इस फिल्म को रिलीज़ किया गया था तो रेंट पर रखा हुआ था बट फाइनली ये फिल्म सभी यूज़र के लिए अवेलेबल कर दिया गया है तो जाकर देख सकते हो प्राइम वीडियो पर इसके अलावा अगर बात करें इस फिल्म की हिंदी डब्ड्यू वर्जन की ओ की अलावा बात करें सेटेलाइट राइट्स या फिर बात करें यूट्यूब राइट्स की तो दोस्तों अभी तक बैनर कन्फर्म नहीं हुआ कि कौन से बैनर के पास इस फिल्म की हिंदी डबिंग की यूट्यूब राइट्स है और या फिर सेटेलाइट राइट्स है तो फिलहाल इससे रिलेटेड कोई अपडेट वगैरह आई नहीं है बट आने वाले दिनों में इससे रिलेटेड लाइक यूट्यूब से रिलेटेड या फिर टेलीविजन से रिलेटेड वर्ल्ड टेलीविजन प्रीमियम से रिलेटेड कोई अपडेट आती है तो डेफिनेटली दोस्तों इसकी भी अपडेट आपको सबसे पहले हमारे चैनल के थ्रू मिल जाएगी अपडेट वगैरह को मिस नहीं करना चाहते या फिर अपडेटेड रहना चाहते हूँ तो डेफिनेटली अगर आप सभी ने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और साथ ही जो बेल नोटिफिकेशन दिख रहा है दोस्तों उसको भी ऑन कर लीजिएगा ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे या फिर आपको मिलता रहे और इसके साथ ही अगर बात करें इस फिल्म की पूरी कास्ट की पूरी कास्ट लिस्ट की अगर बात करें तो दोस्तों आपको इस फिल्म में नजर आएंगे धनुष नित्या मैन प्रकाश राज भड़िति राज और राशी खन्ना प्रिया भवानी शंकर मिसकीन सरजनी स्टेंट सिवा अनुरशा पीछे पप्पू विक्रम राजा ये रवि थी मोस्ट रामा स्वामी रैना थी इसके साथ थी आपको मुरथन आर जवहार का कैम्यू भी आपको देखने को मिलेगा इस फिल्म में कैरेक्टर की अगर बात करें तो धनुष आपको इस फिल्म में चित्रबलम सीनियर पजम के रोल नजर आएंगे इसके अलावा आपको इस फिल्म में नित्या म्यान शोभना के रोल में आएंगे इसके साथ ही आपको प्रकाश राज इस फिल्म में इंस्पेक्टर नीला कदन के कैरेक्टर में नजर आएंगे साथ ही आपको इस फिल्म में भरत राजा यानी कि जूनियर आपको थिरुचित्रम बलम के रोल में नजर आएंगे राशि खन्ना आपको इस फिल्म में अनुष्का का रोल में नजर आएंगे इसके साथ ही आपको प्रियंका भवन शंकर रजीनी के किरदार को प्ले कर रही है प्ले कर रही है मिसकिन आपको इस फिल्म में सोभरा राज के रोल नजर आएंगे सरेजनी आपको इस फिल्म में राजेश्वरी के रोल मर जाएंगे स्टेंट सेवा आपको इस फिल्म में कैरेक्टर दिया गया है कि चाइल्ड का मतलब कितना ऐबर का रोल दिया गया इस फिल्म में और इसके अलावा इस फिल्म में अरन तगी निशा आपको इस फिल्म में धनलक्ष्मी के रोल मर जाएंगे बीजे पप्पू या प्रकृष्णा के रोल नजर आएंगे विक्रम राजा आपको इस फिल्म में अनुषा का बॉयफ्रेंड का रोल प्ले कर रही है इस फिल्म में प्ले करे इसके साथ ही रविती आपको शोगम के रोल मिल जाएंगे रामा स्वामी आपको इस फिल्म में पजम मेटल ग्रैं फादर का रोल प्ले कर रहे हैं रवीति आपको इस फिल्म में वेल यानी कि पजम का मदर का रोल मिल जाएंगे इस फिल्म में और आर मूर्तन एज ए ट्रैफिक पुलिस ऑफिसर का कैरेक्टर या फिर सॉरी कैम आपको देखने को मिलती है पुलिस ऑफिसर के कैरेक्टर में इसके अलावा दोस्तों अगर बात करें इस फिल्म की प्रोडक्शन की तो दोस्तों इस फिल्म की प्रोडक्शन को स्टार्ट किया था दिसंबर साल दो में और जहाँ पर फिल्म की प्रोडक्शन को स्टार्ट किया था सन पिक्चर स्टूडियो ने जिसको कि है, हैंडल कर रहे और प्रोडक्शन का हेड की अगर बात करें तो प्रोड्यूसर एक मारन है और जिसको कि इस फिल्म को अनाउंसमेंट किया गया था प्रोजेक्ट के साथ यानी कि एक न्यू प्रोजेक्ट के साथ यानी कि धनुष के साथ इस फिल्म को एक न्यूज प्रोजेक्ट के साथ अनाउंसमेंट किया गया था फ़िल्म की प्रोडक्शन हाउसेस की तरफ से और इसके अलावा अगर बात करें इस फिल्म की धनुष और सन पिक्चर्स की अगर बात करें तो अर्ली दोनों की कोलेब्रेशन हमें देखने को मिल चुके हैं जो कि साल दो नौ में पड़ी कौन फिल्म इसके अलावा अदुल कलाम मुल्लाई जो कि साल दो ग्यारह में आई हुई थी और इसके अलावा अगर बात करें फिल्म की डायरेक्शन की या फिर डायरेक्टर की अगर बात करें उनकी डायरेक्शन में बनी फिल्म की अगर बात करें तो उन्होंने ऑलरेडी दो बड़ी फिल्म के अंदर काम किया हुआ था और साथ ही फ़िल्म की अगर बात करें उनके डायरेक्शन में जो फिल्में बनाई गई थी तीन बड़ी फिल्में आई हुई थी याड़ी नैनी मोहिनी जो कि साल दो आठ में रिलीज़ किया गया था इसके साथ ही कुट्टू जो कि उसी साल, थी, हुई थी साल रिलीज हुई थी और इसके अलावा उत्थमपुरम जो कि साल दो दस में रिलीज़ हुई थी और इसके अलावा फिल्म के बाद बात कर ये भी रूमर था जो सौ सब सबसे पहले ये रूमर था कि इस फिल्म को लेकर कि एक्टर खुद ही इस फिल्म को डायरेक्ट करने वाले यानी कि धनुष इस फिल्म को खुद ही डायरेक्ट करने वाले तो इस तरह का काफ़ी तक रूमर था बट बाद में चीज़ को खुलासा किया गया था मेकर्स की तरफ से कि ऐसा नहीं कि धनुष सुस्मिन को डायरेक्ट नहीं करेंगे फिल्म को डायरेक्ट करने के लिए एक तगड़े यानी कि राइटर को सॉरी डायरेक्टर को अपर की जाएगी जो कि यहाँ पर होने वाला है जो कि ऑलरेडी फिल्म के डायरेक्शन या फिर बात करें मृतन डायरेक्ट खुद ही मतलब एज अ डायरेक्टर यू खुद ही इस फिल्म में डायरेक्ट करेंगे इसके अलावा अगर बात करें इस फिल्म की अनिरुद्ध को यापर बैगरिस को साउंड ट्रैक और कंपोजिंग के लिए अक्टूबर साल दो में उसको साइन किया गया था इस फिल्म में और साथ ही फिल्म की टाइटल को भी रिलीज़ किया गया था रिवील किया गया था पब्लिक के लिए भी रिवील किया गया था और अनाउंसमेंट भी किया गया था जो कि थिरुचित्रमिल रखा हुआ था अनाउंसमेंट किया गया था पाँच अगस्त साल दो को ही और दोस्तों मैं आप सभी को बताना चाहूँगा इस फिल्म को डायरेक्टली ही रिलीज़ किया गया था तेलुगु और तमिल दोनों भाषाओं के साथ रिलीज़ किया गया था तमिल

एक नहीं दो नहीं तीन बार ऑफर किया गया था जो सो तीन बार ऑफर किया गया था इस फिल्म को लेकर और साथ ही अगर आप सभी को पता होगी कि, कि धनुष और नित्या म्यान की कुछ मतलब पास्ट में कुछ ऐसे हुई मतलब कुछ बात ही, या फिर बात करें कुछ कॉन्ट्रोवर्सीज भी हुई थी या फिर कुछ रीज़न से उसके वजह से यहाँ पर तीन बार उन्होंने रिजेक्ट किया था स्क्रिप्ट को यानी कि नित्या नित्यामनननन ने रिजेक्ट किया गया था और यहाँ पर धनुष की अगर बात करें तो वो प्लान कर रहे ऑलरेडी आप सभी को बताया कि धनुष ने डायरेक्ट किया था दो फिल्म के साथ उन्होंने क्लावरेट भी किया हुआ था तो इसके चलते आ, कुछ यहाँ पर डिमांड कर रहे थे जहां जो एक्चुअल जो रीज़न था जो नित्या नित्यामन जब कहानी को नरेट किया गया था तो एटलीस्ट दो या तीन बार ऑलरेडी उनको नरेट किया गया था और उनको ऑफर भी किया गया था बट उनको स्क्रिप्ट नहीं पसंद आई थी और साथ ही ये भी जो जैसे कि मैंने आपसे भी क्यों जो कि धनुष डायरेक्ट करने वाले थे उसको लेकर भी कुछ थी और यहाँ पर फिल्म की बात करें स्क्रिप्ट को जैसे तो इस फिल्म के जो स्क्रिप्ट को यहाँ पर बाद में चेंजेस किया गया था खासकर मिन यानी कि नित्या मैन को कैरेक्टर यानी कि कैरेक्टर्स के साथ यहाँ पर चेंजेस भी किया गया था तो उसके चलते जब चेंजेस भी किया गया था तो उसके चलते उसको री किया गया था और साथ ही उसको री स्क्रिप्ट को सुनाया गया था तो उसके बाद जो कैरेक्टर चेंजेस करने के बाद वो कैरेक्टर उनको काफ़ी ज़्यादा पसंद आई थी तो फाइनली उन्होंने हाँ करी थी इस फिल्म को करने के लिए एज ए लीड फ़ीमेल लीड हीरोइन के लिए और फाइनली इस डेट को उन्होंने कन्फर्म भी किया गया था कि वो एज ए मेन फीमेल लीड रोल में यहाँ पर होने वाले और कैरेक्टर को भी उन्होंने कहा हुआ था कि जो कैरेक्टर है धनुष यानी जो कैरेक्टर प्ले करने वाले उसका धनु का यानी कि जो फ्रेंड के कैरेक्टर होगी और इसके साथ ही राशि खन्ना एंड प्रिय भवानी को ऐपर कास्ट किया गया था इस फिल्म में सपोर्टिंग रोल्स के लिए विद प्रकाश राज के अलावा भरित राजा भी आपको देखने को मिल जाएंगे साथ ही दोस्तों इसमें की फिल्मिंग की अगर बात करें तो इसमें की प्रिंसिपल फोटोग्राफी को स्टार्ट किया गया था पूजा सेरे पूजा सरेमनी में चेन्नई साल दो में पाँच अगस्त को और 10 अगस्त को पर प्रकाश राज के द्वारा इस फिल्म की अगर बात करें शॉर्ट ब्रेक भी हुई थी लाइक उनकी सर्जरी भी हुई थी शूटिंग के दौरान और कुछ फ्रैक्चर भी हुई थी शोल्डर वगैरह यानी कि शोल्डर भी फ्रैक्चर हुआ था शूटिंग के दौरान तो इसके अलावा राशिक खन्ना भी ज्वाइन किया गया था सेट्स में इन चेन्नई पच्चीस अगस्त में और इस फिल्म के अंदर बात करें फिल्म की क्रीव्यू एंड यहाँ पर जो फिल्म की जो क्रीव्यू थी वहाँ पर एक सॉन्ग सीक्वेंसेस के लिए यहाँ पर पोंडाचिरी में भी गए हुए थे और साथ ही चेन्नई का जो शेड्यूल था उसको कंप्लीट भी किया गया था लेट अगस्त में इसके साथ ही उस शेड्यूल्स के अंदर यानी कि चेन्नई के जो लास्ट शेड्यूल थे जहाँ पर गाना शूट किए गए थे तो उस शेड्यूल के अंदर फीचर किया गया था धनुष एंड राशि खन्ना भी ज्वाइन और उसके साथ ही उन दोनों की यानी कि फिल्म से रिलेटेड इमेजेस वगैरह लीक भी हुई थी इंटरनेट पर सेप्टेम्बर्स को एक शूटिंग किया गया था एक गाने का शूट किया गया था जिसमें के फीचर किए थे धनुष एंड नित्य अमैन जिसको क्रियोग्राफ किया गया था जानी मास्टर ने और जिसको कि फिल्म किया गया था आउटकिस्ट पॉन्ड्रिचरी में इसके अलावा फ़िल्म की बात करें शूटिंग की तो फिर गाने के की शूटिंग की अगर बात करें कुछ इसके भी कुछ लीक फुटेजेस भी मतलब इंटरनेट पर लीक हुई थी और लोगों ने काफ़ी हद तक भी देखा हुआ था लाइक इमेजेस वगैरह भी देखा हुआ था जो कि आप सभी को अगर आपको अगर आप सभी ने देखा है तो आपको पता नहीं बट हुई थी इसके अलावा अगर बात करें और फिल्म को यानी कि 50 डेज़ का शूटिंग ऑलरेडी कंप्लीट हो चुकी थी अर्ली अक्टूबर साल 21 इक्कीस में और 10 फरवरी साल 22 बाईस में फिल्म की अनाउंसमेंट हुई थी डबिंग बैरा को स्टार्ट किया था और डबिंग बैरा की जो शॉर्ट्स थे जो उनका रेशियो था वन पॉइंट एट फाइव पॉइंट वन एस्पेक्ट रेशियो के साथ मतलब शूट किया गया था और साथ ही इस फिल्म की म्यूज़िक से रिलेटेड कुछ बात इंटरेस्टिंग बातों के ऊपर अगर बात करें तो दोस्तों इस फिल्म की जो सॉन्ग थी और जो ओरिजिनल स्कोरर्ड या फिर कंपोज अगर बात करते इन सभी को किया अनुरुद रविचंद्र ने और आप सभी को बताया कि उन्होंने रिटर्न किया हुआ था धनुष के साथ जो कि सिक्स ईयर्स के बाद उन्होंने काम किया था एक फिल्म जो कि थंगा मगन के फिल्म के अंदर काम किया हुआ था तो उस फिल्म के साथ इस फिल्म के साथ उन्होंने रिटर्न भी किया हुआ है ऐसा है, बात करते कोलावरेशन की अगर बात करते और इसके साथ अगर बात करें धनुष एंड यहाँ पर अनिरुद्ध की तो उनके आपको यानी फा, कि फाइव यानी कि पाँच बार उनकी कोलावरेशन आपको देखने को मिल जाएगी और धनुष और फिल्म डायरेक्टर मिरुथन जावाहर की उनकी फ़र्स्ट टाइम आपको कोलावरेशन देखने को मिली है इस फिल्म से और इस फिल्म की रिलीज़ डेट से जुड़ी कुछ इंटरेस्टिंग बात की अगर बात करें तो इस फिल्म वार को वर्ल्ड वाइड रिलीज जो रिलीज़ किया गया था आठ अगस्त साल दो को और धनुष की फ़र्स्ट रेटिकल जो रिलीज़ डेट थी कर्णन जो कि साल दो में रिलीज़ किया गया था उसके बाद जगमे थ्रिंदम जो कि साल दो में भी रिलीज़ किया गया था तरंग जो कि साल दो में भी रिलीज़ किया गया था मारन जो कि साल हर में रिलीज़ हुआ था और इसके साथ ही द ग्रे फिल्म भी साल दो में भी रिलीज़ किया गया था और जो कि आप स्ट्रीमिंग कर सकते हो जो कि डायरेक्टली उस को स्ट्रीम किया था और पर इसके साथ ही इस फिल्म की होम मीडिया की अगर बात करें तो इस फिल्म की सैटेलाइट राइट्स और खरीदा था सन टीवी नेटवर्क ने और इस फिल्म की स्ट्रीमिंग स्ट्रीमिंग राइट्स राइट्स को तो सन एन एक्स टी वी ने खरीदा था और जिसको कि प्रीमियर किया था तेईस सप्टर साल हजार को और जिसको कि सन टी पर प्रीमियर किया था सैटेलाइट आन पर पंद्रह जनवरी साल हज़ार को जो कि पांगल के फेस्टिवल प्लेस को रिलीज भी किया हुआ था दोस्तों इसमें बॉक्स ऑफिस कलेक्शन से रिलेटेड कुछ जानकारी या फिर कुछ इंटरेस्टिंग बातें के ऊपर अगर बात करें तो दोस्तों इस फिल्म की फर्स्ट डे की मूवी की कलेक्शन की बात करें तो अर्न किया था कि कलेक्शन किया था नाइन करोड़ का जो कि ओपनिंग डे किया था इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर एंड यहाँ पर बात करें ग्रॉस कलेक्शन किया था सिर्फ सिर्फ तमिलनाडु में छः करोड़ का और इसके साथ ही मूवी की सेकंड डे की कलेक्शन की अगर बात करें तो मूवी को सेकंड डे का जो रिलीज़ मिला हुआ था जो इस फिल्म ने क्रॉस किया था ओवर ट्वेंटी करोड़ का कलेक्शन किया था एट द बॉक्स ऑफिस पर और फिल्म थर्ड रिलीज के थर्ड डे रिलीज़ की अगर बात करें जो कलेक्शन किया था इस फिल्म ने ओवरऑल जो कलेक्शन किया था इस फिल्म ने थर्टी करोड़ का कलेक्शन किया था बॉक्स ऑफिस पर और फिल्म की ओपनिंग वीकेंड की बात करें तो क्रॉस कलेक्शन किया था इस फिल्म ने फिफ्टी करोड़ का कलेक्शन किया हुआ था और साथ ही डायरेक्टली अगर बात करें इस फिल्म की टेन डे का कलेक्शन की रिलीज़ के टेन डे बात, करे, बात करें यानी कि दस दिन रिलीज़ की अगर बात करें के कलेक्शन की तो वो क्या था इस फिल्म ने ग्रॉस कलेक्शन किया था सिक्सटी पॉइंट फोर सेवेंटी टू करोड़ के आसपास जो कि तमिलनाडु में किया हुआ था और इसके साथ ही अगर बात करें इस फिल्म की थर्टीन यानी कि तेरह दिन की अगर बात करें फिल्म रिलीज़ उनकी कलेक्शन की अगर बात करें तो फिल्म क्रॉस किया था हंड्रेड करोड़ का जो मार्क है इसने वर्ल्ड वाइड क्रॉस किया था और फिल्म की फिफ्टी यानी कि पंद्रह दिन की रिलीज़ के बाद रिलीज़ की इस फिल्म की टोटल बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की अगर बात करें तो इस फिल्म ने टोटल बॉक्स ऑफिस पर कलेक्शन किया था एक से दस करोड़ जो कि वर्ल्ड वाइड रोशन कलेक्शन किया हुआ था और ये फिल्म बिकम वन ऑफ़ द हाइस्ट ग्रोसिंग तमिल फिल्म ऑफ द ईयर कार्टूट टैग है इन्होंने अपने नाम किया हुआ था और साथ ही पिंक वेला की तरफ से इस फिल्म को एटी थ्री को वर्ल्ड वाइड कलेक्शन किया हुआ था और साथ ही अगर बात करें धनुष की हाइएस्ट यानी कि एट्टीन का जो मैंने एटी इन का बिकम हाइस्ट ग्रॉसिंग वर्ल्ड वाइड फिल्म भी क्या होता था उन्होंने बीट किया था अपनी फिल्म रंजीत थामा फिल्म जो कि साल हज़ार तेरह में रिलीज किया था और इसके साथ अगर बात करें इस फिल्म की क्रिटिक रिस्पॉन्स की क्रिटिक की बात करें रेटिंग की तो लाइक रेटिंग के ऊपर बात करते हैं कि, कि किस क्रिटिक के द्वारा इस फिल्म को कितना मतलब रेट किया हुआ था उनकी तरफ से और पॉजिटिव या फिर निगेटिव रिव्यू मिला था कि नहीं इंडियन एक्सप्रेस की अगर बात करें तो फोर आउट ऑफ टेन की रेटिंग मिली हुई थी इसके साथ ही अगर बात करें इंडिया टुडे की अगर बात करें तो थ्री पॉइंट फाइव आउट टू फाइव स्टार की रेटिंग मिली हुई थी टाइम्स ऑफ इंडिया की तरफ से थ्री पॉइंट आउट ऑफ फाइव स्टार की भी रेटिंग मिली हुई थी पिंक वैक की तरफ से थ्री आउट ऑफ फाइव स्टार की रेटिंग मिली हुई थी समय राजेंद्र की तरफ से यानी कि मिन्स मिनट की तरफ से फोर आउट ऑफ फाइव स्टार की रेटिंग मिली थी सिनेमा एक्सप्रेस की तरफ से उनको थ्री आउट ऑफ फाइव स्टार की रेटिंग मिली हुई थी और इसके अलावा क्विंट की अगर बात करें तो उनकी तरफ से भी फोर पॉइंट फाइव आउट ऑफ फाइव स्टार की भी रेटिंग मिली हुई है तो आप इसे भी आइडिया लगा ही सकते हो इसके साथ ही अगर बात करें दोस्तों इस फिल्म की कहानी के ऊपर बात करते कि फ्री की फिल्म की पूरी का कहानी का एक्सप्लेनेशन देते हैं तो चलिए उसके ऊपर बात करते हैं कि आपको किस तरह की प्लॉट देखने को मिलेगी तो ये कहानी आपको देखने को मिलती है थीरो चित्रम बलम उर्फ पज़म की तो साप्ताहिक रूप से तामिल यानी कि एक फिल्म है अगर उस वर्ड को ट्रांसलेट करें तो पज़म यानी कि जूनियर थिरुचित्रम्बलम एक डिलीवरी एजेंट है जो एक खाद्य वितरण कंपनी में कंपनी में है जो अपने सख्त वफादार इंस्पेक्टर नीलकदन और पितृक्त दादा के साथ रहता है जिसका नाम है थिरुचित्रम्बलम, यानी कि उनके पिता की उनके पिता की लापरवाही के कारण उनकी माँ और बहन की एक दुर्घटना में मृत्यु हो गई अपने पिता को माफ करने में असमर्थ पजम उसे बात करने से बचता है भले ही एक ही छत के नीचे रहते हो उनका एक मात्रा आराम उनका बचपन का दो सोबना है जिसके साथ वह खुल खुलता है जिसके साथ वह खिलता है जैसे कि पजम अपने जीवन के माध्यम से नेविगेट करता है वह अपने बचपन के क्रश अनुसार के लिए गिरता है एक अविरत व्यक्ति के रूप में वह शोभना की मदद चाहता है और वह अनुषा को अपने प्यार का प्रस्ताव करने के लिए विचार देता है एक तारीख पर पजम ने अपनी भावनाओं को उसके लिए स्वीकार कर लिया लेकिन वह अस्वीकार करती है और छेड़खानी करने के लिए उसे माफ़ी मांगती है और उसे यह सोचने के लिए प्रेरित करती है कि उसकी रोमांटिक रुचि है बाद में एक रेस्ट्रोक में पीड़ित होने के बाद पजम ननिकन के बाद संजय स्थापित करता है और वह शोभना के साथ एक शादी के लिए अपनी माँ के गांव के लिए रवाना होते हैं और पजम शादी में रंजीनी से मिलता है और उसके लिए गिरते यानी कि प्यार में गिरते हैं और पजम फिर से शोभना से मदद लेना चाहते है शोभना चेन्नई के लिए रवाना होने से कुछ मिनट पहले उनके बीच एक बैठक की व्यवस्था करता है पजम ने रंजनी से अपना फ़ोन नंबर के लिए पूछा लेकिन वह अपने अनुरोध पर कहती है कि वे दोनों अजनबी हैं और उनके पास संपर्क में रहने का कोई कारण नहीं जो पजम को शर्मिंदा करता है अपने घर वापस जाने पर पजम ने अपने दादा सीनियर त्रिचित्रम के प्यार खोजने में अपनी बुरी किस्मत के यानी कि सामना किए जो पजम से शोभना के साथ अपने रिश्तों पर पुनर्विचारित करने के लिए कहता है पजम जिन्होंने शोभना को तब तक अपने दोस्त के रूप में देखा उनमें एक रोमांटिक रुचि विकसित करना शुरू कर दिया पजम ने शोभना को अपनी भावनाओं को स्वीकार कर लिया लेकिन शोभना ने उसे अस्वीकार कर दिया ही उनके रिश्तों में अजीबता और तनाव का कारण बनता है और वे दोनों एक दूसरे से थोड़ी देर के लिए बात करने बंद कर देते हैं शोभना ने अपने काम के लिए कनाडा के लिए रवाना होने का फैसला किया और पजम को हवाई अड्डे पर उससे मिलने के लिए कहा हवाई अड्डे के रास्ते में पजम के वाहन को पुलिस द्वारा रोक दिया आता है और शोभना उड़ान भरता है पजम ने शोभना के साथ अपने रिश्तों को बिगाड़ते हुए पछतावा किया केवल बाद में शोभना के भाई के माध्यम से जानने के लिए वह पजम से प्यार कर रही है जो छहवीं कक्षा के बाद बाद से वर्षों से अपनी भावनाओं को अनदेखा कर रही है और उसने वर्षों से उसे पत्र और उपहारों को कीमती पत्र और उपहार दिए हैं वह आगे पानी के पजम को बताता है कि उसने उसे अस्वीकार कर दिया क्योंकि वह एक रिबॉन्ड रिश्ता में नहीं रिबोन्ड रिश्ते में नहीं रहना चाहती चूँकि पजम ने प्यार और प्रस्ताव पर कई बार अपने सभी संदेशों से पूछा था कि शोभना ने चित्रबलम के बारे में सोचना बंद कर दिया एक महीने बीत जाता है और पजम शोभना को बुलाता है जहां वह उसे बताती है कि वह कनाडा से नफरत करती है और वह भारत वापस लौटना चाहती है घटनाओं के एक मोड़ पर पजम उसे वापस मोड़ने के लिए कहता है और वह उसे यहाँ देखकर हैरान हैं। पज़म ने अपनी भावनाओं को नजरअंदाज करने और इन सभी वर्षों में अपनी भावनाओं के बारे में न पूछने के लिए स्वार्थी होने के लिए माफ़ी मांगी और पज़म ने अपने रिश्तों को फिर से जगाया वे भारत लौट आए और अंत में शादी कर लेते हैं और पूरी फिल्म की कहानी ये ख़त्म हो जाती है बाकी पूरी फिल्म को अगर जानना है अच्छे से आपको एक्सपीरियंस करना है साथ ही फ़िल्म की कॉन्सेप्ट फिल्म की ड्रामा कॉमेडी कास्ट की परफॉर्मेंस इन सभी को एक्सपीरियंस करना है तो डेफ़िनेटली इसके लिए तो आपको फिल्म देखनी पड़ेगी और फिल्म आपको देखने को मिल चुकी प्राइम वीडियो पर और फिलहाल यूट्यूब और सैटेलाइट से रिलेटेड कोई अपडेट नहीं है जो कि ऑलरेडी मैं आप सभी को बता चुका हूँ फिल्म की बात करें टेक्निकल डिपार्टमेंट म्यूज़िकल डिपार्टमेंट के ऊपर बात करते हैं तो फिल्म के टेक्निकल डिपार्टमेंट के अंदर फिल्म के सबसे पहले बात करें फिल्म के डायरेक्शन की तो फिल्म का डायरेक्शन काफ़ी अच्छा है और साथ ही आपको फिल्म की स्टोरी भी काफ़ी अच्छी देखने को मिलती है स्क्रीन पर स्क्रीन प्ले भी काफ़ी इंगेजिंग है आपको देखने का जो इंटरेस्ट है जो एक्साइटेड करती है और साथ ही आपको फिल्म की ड्रामा कॉमेडी लव स्टोरी ये सभी चीज़ें आपको इस फिल्म में जिस तरह से प्रेजेंट किया गया है जिस तरह से आपको देखने को मिलती है तो वो काबिल तारीफ़ है जो कि आपको अच्छी फील महसूस कराती है तो देख सकते हो काफ़ी अच्छी फिल्म है तो टेक्निकल डिपार्टमेंट के अंदर डायरेक्शन और स्टोरी परफॉर्मेंस आपको बेस्ट ही देखने को मिलती है और साथ ही फिल्म के सिनेमाटोग्राफी यानी कि ओम प्रकाश के सिनेमाग्राफी काफ़ी अच्छा देखने लायक है कलर ग्रेडिंग से लेकर फिल्म की इवन लाइटिंग भी काफ़ी बेस्ट तरीके से किया गया है एंड फिल्म के अंदर हमें कुछ ऐसे सीन्स देखने को मिलती है जो यानी कि नाट यानी कि नाइट के अंदर शूटिंग यानी कि उसको शूट किए गए हैं वो सभी चीज़ को बैलेंस केयर बात कर लाइक राइटिंग की अगर बात सॉरी लाइटिंग की अगर बात करें उसको किस तरह से प्रेजेंट किया गया है जिस तरह से दिखाया ना तो डेफिनेटली कहूँगा कि सिनेमाग्राफी ने काफ़ी बढ़िया काम किया हुआ है फिल्म के रेडिंग की बात करें तो पर्सनल के के भी काफी अच्छा था फिल्म की लेंथ को काफी बैलेंस वे के साथ प्रेजेंट किया गया है जिस लेंथ की स्टोरी मतलब रहनागा इस फिल्म में अनिरुद्ध रविचंदर की और इस फिल्म को दो ग्रीन स्टूडियो प्रोडक्शन बैनर के नीचे इस फिल्म को बनाया जहाँ पर फिल्म के डिस्ट्रीब्यूशन की अगर बात करें तो फिल्म के डिस्ट्रीब्यूशन काफी ऐसे जो कंपनी तो देखने को मिलेगी बिकॉज रिलीज से पहले इस वीडियो को बना रहा हूँ तो प्रोडक्शन यानी कि डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी की अगर बात करें तो फिलहाल कन्फर्म नहीं है बट काफी सारे डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी होने वाला है हिंदी की अगर बात करें तो हिंदी में आपको डेफिनेटली इतना तो कन्फर्म है की इस फिल्म को हिंदी में डिस्ट्रीब्यूट की जाएगी गोल्डमेंट की तरफ से और बाकी तेलुगु में जैसे कि लाइक यहाँ पर सब इन स्क्रीन के द्वारा भी किया जा सकता है और लाइक अलग अलग स्टेट में आपको अलग अलग जो स्टेट के जो बड़े बड़े प्रोडक्शन हाउसेस है जो बैनर से उसके द्वारा इस फिल्म को डिस्ट्रीब्यूट की जाएगी इतना तो, तो गारंटी है बट जैसे फिल्म रिलीज हो जाएगी और प्रोडक्शन कंपनीज में सामने निकल के इस 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 बैनर द्वारा फिल्म को यहाँ पर इस लैंग्वेज के साथ डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा ये होने वाली है तो डेफिनेटली इसके ऊपर भी आपको वीडियो आने वाले दिन में मिली जाएगी और दोस्तों पहले फिल्म की कंफर्म रिलीज डेट की अगर बात करें तो दोस्तों मुझे लगता है की आप में से काफी सारे लोगों को ऑलरेडी इस फिल्म का जो एग्जैक्ट मूव जो रिलीज डेट है आप सभी को पता है बट जिसको भी अगर अगर पता नहीं नहीं है, जिसको अगर याद नहीं, तो मैं महत्व तो। अक्टूबर को, 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 को तेलुगु हिंदी कनाडा मलयालम के साथ देख सकते हो ऑफिस को डायरेक्टली देखने को मिल जाएगी और दोस्तों बजट की बात करें तो हालांकि बजट द्वारा अभी भी कंफर्म नहीं किया गया कि मूवी का एक्सैक्ट बजट कितना है बट जो एक्सपेक्टेशन की अगर बात करें तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हो जहां तक मैंने रिसर्च किया हो तो जहां तक मुझे पता चला है कि इस फिल्म का दो पचास से लेकर तीन करोड़ के अराउंड मूवी का बजट हो सकती है बाकी मैं श्योर नहीं की इतना है फिर इससे ज्यादा कम भी हो सकते बट आने वाले दिनों में जैसे कन्फर्म हो जाएगी मूवी के बजट पूरी तरह से कन्फर्म हो जाएगी तो डेफिनेटली इसकी भी जानकारी या फिर इसके ऊपर वीडियो बनाकर जो कि आपको मिली जाएगी जो कि ऑलरेडी बता चुका हूँ फिल्म से रिलेटेड जो भी नई जानकारी आएगी तो डेफिनेटली नेक्स्ट यानी कि अगली बार इस फिल्म के ऊपर जब वीडियो बनाऊंगा

फिल्म जो होने वाले लोकेश कनक राज की की यूनिवर्स फिल्म आप थर्ड फिल्म मार्केट चल सकती हो लाइक आप सभी को पर आपसे फिल्म से देखने तो को मिली हुई थी और साथ ही विक्रम फिल्म से तो उसका सबको पता है और साथ ही ये फिल्म उनकी थर्ड पार्ट होने वाली है यानी कि लोकेश सिनेमेटिक यूनिवर्स के और इसके साथ ही अगर बात करें दोस्तों इस फिल्म में फिल्म की टाइटल वगैरह को अनाउंसमेंट या फिर फिल्म की प्रोडक्शन की अगर बात करें या फिर पूरी कास्ट की अगर बात करें कैरेक्टर की अगर बात करें तो हालांकि कुछ के जो इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है लाइक लीड कैरेक्ट कैरेक्टर एंड मेन बिलियस जो इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स है उनका ऑलरेडी कैरेक्टर का हमें पता चल चुका कि कौन सा कैरेक्टर उनका होने वाला है फिल्म में तो सबसे पहले पहले अगर बात करें तलपति विजय की तो जायासु तलपति विजय सर आपको इस फिल्म में लियो दास के रोल नजर आएंगे या फिर फिल्म में आपको और एक कैरेक्टर देखने को मिलेगा जो कि पार्थी आपको मतलब नेम उसका सुनने को मिलेगा जो कि आपको ट्रेलर में भी आपको सुनने को मिला है त्रिशा आपको इस फिल्म में पार्थी की वाइफ के रोल नजर आएंगे और इसके साथ ही आपको इस फिल्म में संजय दत्त सर आपको इस फिल्म में एंटनी डांस के रोल नजर आएंगे जो कि ऑलरेडी सबको पता हो वगैरह भी आउट किया हुआ था जो कि सब ने देखा था हम सब ने देखा हुआ था तो कैरेक्टर तो ऑलरेडी कन्फर्म हो चुका था और साथ ही अर्जुन सारजा का भी कैरेक्टर कन्फर्म हो चुका है जो कि हेरल्डास का कैरेक्टर प्ले करने वाले इस फिल्म में वासुदेव की अगर बात करें तो वासुदेव मेन सर आपके इस फिल्म में एक पुलिस ऑफिसर के रोल में नजर आएंगे लाइक मंसूर अली खान मिस्किन मैथ्यू थॉमस प्रिया आनंद सैंडी मास्टर बाबू एंटनी मोनोबला जॉर्ज मरियान इसके साथ ही अब्रमनियम अजफ़र सिद्दीक इसके अलावा आयुल वशंता माया शंथी देंजिल मनोवला अनुराग साथी ही किरण राथुर एंड सचिन मणि जैसे आपको कलाकार नजर आएंगे बट इनकी अभी तक तो कैरेक्टर कन्फर्म नहीं हुआ कि फिल्म तो रिलीज़ हो रही है लगभग फिल्म रिलीज़ होने में आई थिंक मेरे ख्याल से बारह या तेरह दिन बचे हुए हैं मतलब बचा हुआ अभी भी उसके बाद ये फिल्म रिलीज़ हो जाएगी तो जब रिलीज़ हो जाएगी फिल्म तो उसके ऊपर प्रॉपर आपको डिटेलिंग मिलेंगी लाइक फिल्म की कहानी से लेकर फिल्म की हर एक डिटेलिंग भी मिलेगी और साथ ही में उनकी उस वीडियो के अंदर कैरेक्टर के ऊपर भी बात करने वालों की जो जो कास्ट आपको इस वीडियो के अंदर बता रहा हूँ उन सभी के नाम तो उस वीडियो में ये बताने वालों की इस फिल्म में उनका रोल क्या है कौन से रोल प्ले करे तो उसके ऊपर भी आपको पूरी डिटेलिंग दी जाएगी और साथ ही इस फिल्म की प्रोडक्शन की अगर बात करें तो दोस्तों इस फिल्म की प्रोडक्शन को स्टार्ट किया गया था मास्टर फिल्म के साथ आप सभी को पता होगा कि साल दो इक्कीस में मास्टर फिल्म कितनी बड़ी ब्लॉकबस्टर फिल्म हुई थी और वर्ल्ड टाइम ब्लॉकबस्टर हुई थी जो कि आप सभी को पता है और साथ ही विजय लोकेश की मास्टर फिल्म से काफ़ी तक पॉपुलैरिटी भी गेन किया हुआ था और साथ ही लोकेश को एक बहुत बड़ा नाम मिला हुआ था बिकॉज उससे पहले लोग कम ही जानते थे बिकॉज़ उससे पहले उनकी एक ही फिल्म आई हुई थी यानी कि दो फिल्म आई हुई थी बट उन दोनों फिल्म हालांकि दोनों ही फिल्म काफ़ी ब्लॉकबस्ट हुई हुई थी बट डायरेक्टर को यहाँ पर नॉर्थ के अंदर मतलब कम ही जानते थे तो इस फिल्म को काफ़ी हद तक पॉपुलरिटी मिली हुई थी बिकॉज मास्टर काफ़ी धमाल था और यहाँ पर हिंदी में भी काफ़ी अच्छे कलेक्शन किए हुए थे बट जैसे कि आप सभी को पता होगा कि जब मास्टर फिल्म को रिलीज़ किया गया था तो उस टाइम कोविड नाइन्टीन था तो उसके चलते यानी कि पैंडमिक था तो उसके चलते तो स्क्रीन से सिनेमाघर थे बंद थे और कुछ ही लिमिटेड सिनेमास को यहाँ पर उस टाइम मतलब ओपन किया गया तो इसके चलते हिंदी में जो कलेक्शन की बात करें जिस हिसाब से ये फिल्म डिजर्व करती थी तो उस हिसाब से ये फिल्म हिंदी वर्ल्ड के अंदर कलेक्शन नहीं कर पाया था तो इसके चलते हालांकि लोगों ने ओ पर देखा हुआ था यूट्यूब पर भी देखा है जो कि लोग जान चुके हैं कि डायरेक्टर का क्या पोटेंशियल है किस तरह के उनकी आइडियाज़ है किस तरह की फिल्म मेकिंग बना सकते हैं जो तो कि आपको देखने को मिल ही रही है बिकॉज आप ले लो उनकी जो विक्रम फिल्म आई थी कितनी बड़ी हिट हुई थी और साथ ही उनकी फिल्म लाइ लियो आ रही है तो ट्रेलर लेवल बढ़िया आप सभी को पता चल गया होगा कि लोकेश कंगराज किस तरह के डायरेक्टर है डायरेक्टर का क्या पोटेंशियल है जो कि आप सभी को पता हो चुका है मे बी आप सभी को उसके साथ ही अगर बात करें सक्सेस की अगर बात करें तो मास्टर फिल्म के अर्ली सक्सेस को देखते हुए लोकेश कंगराज को तलपति के साथ रिविजिट किए गए थे और साथ ही इनको एक कहानी भी निरेट किया हुआ था जिसको कि एक्टर सिक्स ईयर सिक्स फिल्म के तौर पर आप रखा हुआ था और साथ ही उन्होंने ऑलरेडी कमिटमेंट रखा हुआ था बिकॉज ऑलरेडी यानी कि लोकेश का यानी कि सॉरी बात करें तलेब अदीब सर मास्टर फिल्म से डायरेक्ट उन्होंने यहाँ पर काम किया हुआ था 20 फिल्म के अंदर और बीस फिल्म से डायरेक्ट उन्होंने काम किया हुआ था वारिस फिल्म के अंदर तो ऑलरेडी उन्होंने साल तीस के अंदर उन्होंने कमेड रखा हुआ था वारिस फिल्म के लिए तो उस फिल्म को करने के बाद ही यहाँ पर डायरेक्टर के द्वारा फिर से रिविज़िट किया गया था और विज़िट को काफ़ी तक कंटिन्यू रखा हुआ था लाइक मार्च में फिल्म की डिस्कस हुई थी फिल्म फिल्म को लेकर और फिर से कहानी को नेरेट किया गया नेरेट किया गया था डायरेक्टर और एक्टर के साथ और साथ ही इस फिल्म को डायरेक्ट करने के भी डिस्कस किया हुआ था और ये चीज़ पूरी तरह से कन्फर्म हो चुकी थी कि अब तलापति जो उनकी जो नेक्स्ट फिल्म आ रही है यानी कि लोकेश कंगराज और यहाँ पर तेलपति विजय की सर जो फिल्म आ है तलपति सिक्सटी सेवन जो कि मूवी का सॉरी फिल्म का इंटीडिप टाइटल भी रखा गया था और जिसको कि प्रोडक्शन कंपनीज भी मिल चुकी थी लाइक एस एस ललित कुमार जो कि सेवन स्क्रीन स्टूडियो के ओनर और साथ ही डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी यानी कि प्रोड्यूसर मास्टर को भी यहाँ हमें देखने को मिली थी जो कि इस फिल्म के मैनेजर या फिर आ, को प्रोड्यूसर भी देख यानी कि आपको देखने को मिलेगी इस फिल्म में और साथ ही चीज़ को मेकर्स के द्वारा पब्लिकली अनाउंसमेंट किया गया था तीस जनवरी साल और तेईस को ऐसे कन्फर्म करते हुए कि प्रोजेक्ट आ रही है और जिसको ऑफिशियली टाइटल के साथ भी रिवील किया गया था और टाइटल भी ऑलरेडी कन्फर्म किया गया था कि लियो फिल्म का टाइटल है और जिसको कि रिवील किया गया था तीन फरवरी साल और में और यहाँ तक फिल्म के बजट को भी मेकर्स ऑलरेडी मतलब हिंट दिया हुआ था कि इसमें जब बजट है अराउंड 250 से लेकर 300 करोड़ के आसपास फिल्म का बजट होगा और इसके अलावा अगर बात करें तो इस फिल्म की प्रोडक्शंस की तो प्रोडक्शन बेसिक पर भी 50 करोड़ के अराउंड यहाँ पर कुछ प्रॉफिट वगैरह भी किया गया था और साथ ही यहाँ पर जो जो मतलब जो कलेक्शन होगी रेवेन्यू शेयरिंग पर यहाँ पर इस फिल्म के अंदर आपको देखने को मिलेगी बाकी देखते हैं कि इसका क्या रेवेन्यू शेयरिंग है जो कि फ़िल्म रिलीज़ होने पर ही पता चलेगा अभी भी पूरे तरह से कन्फर्म नहीं है बट जैसे फिल्म रिलीज़ हो जाएगी उसके बाद पूरे डिटेल हमें मिल जाएगी कि क्या एक्चुअली किसके साथ क्या हुआ था प्रोडक्शन हाउसेज ने इस फिल्म को किस तरह की रिलीज़ दिया हुआ है शेयर बेसिस पर दिया हुआ है या फिर राइट्स बेस कर या फिर एक्टर का भी इस फिल्म में शेयर होने वाली है तो ये सब चीज़ें आपको मतलब फिल्म रिलीज़ होगी उसके बाद पता चले गया फिर प्रॉफिट में से कुछ शेयर की जाएगी एक्टर को क्या होने वाले है? तो अभी पूरी तरह से कन्फर्म नहीं है और और एक इंटरेस्टिंग फैक्ट्स में आप सभी को बताना चाहूंगा इस फिल्म के बारे में विजय ने ऑलरेडी ये कहा हुआ था कि एक पैन इंडिया फिल्म नहीं है, एक, एक तमिल फिल्म है लेकिन इस चीज को एक्टर को कन्विंस किया गया था और डायरेक्टर को भी कन्विंस किया गया था प्रोडक्शन हाउसेस के द्वारा जो कि फिल्म बना रहे हैं और ऑलरेडी सबको पता है कि तलपति विजय नॉर्थ के अंदर उनकी इतनी फैन फॉलोइंग इवन मैं उनका बहुत बड़ा फैन हूँ तलपति सर का और हर एक फिल्म को मैंने ऑलरेडी देखा हुआ है और तलपति विजय सर की यूट्यूब पर आप जितनी भी फिल्में ले लो यूटूब पर उठाकर देख लो कितने आपको मिलियन व्यूज़ देखने को मिल जाएंगे तो ऐसे गिने चुने जो एक्टर्स हैं जो कि यूट्यूब पर राज करते हैं खासकर व्यूज़ के मामले में बट मैं एक यूट्यूबर मुझे पता कि कौन से एक्टर का मतलब कंटेंट बनाने पर मूवी अपलोड करने पर जो मूवी अपलोड करते हैं ऑफिशियली उसको पता है कि पॉपुलरिटी कितनी मतलब पॉपुलरिटी कितनी किस लेवल की है खासकर मतलब इंडिया के अंदर के इंडिया के अंदर ओवर सीरीज के अंदर तो चीज़ को ऐपर किया हुआ था और जैसे कि जैसे कि पहले तो तमिल फिल्म थी बट जैसे पैन इंडिया फिल्म का जो टाइटल इस फिल्म को नाम से जोड़ा गया उसके बाद फिल्म की स्क्रिप्ट पर और कुछ चेंजेस किया गया था तो इस चीज़ को जो सब चेंजेस किया गया था डायरेक्टर के द्वारा नहीं या पर प्रोड्यूसर के द्वारा किया गया था क्योंकि प्रोड्यूसर ने मांग किया था कि इस फिल्म को हम लोग पैन इंडिया रिलीज़ करेंगे और साथ ही फिल्म की स्टोरी की अगर बात करें तो फिल्म की स्टोरी और उसको भी लोगों ने प्रेडिक्ट किया हुआ था कि जो कि ऑलरेडी बिक्रम फिल्म से रोलैक्स का कैरेक्टर और साथ ही यहाँ पर कैथी का जो कैरेक्टर उन दोनों का कैमियो दिखाया गया था तो इस चीज़ को ऑलरेडी वहाँ पर कंफर्म किया गया था कि लोग इसका काफ़ी हद तक प्लान है जो कि एक सिनेमेटिक यूनिवर्स बना रहे हैं तो इस चीज़ को ऑलरेडी कन्फर्म भी मिली हुई थी और साथ ही ये भी कन्फर्म मिली हुई थी कि उस टाइम की यानी कि लियो का ये पहला पार्ट है और इस फिल्म का सेकेंड पार्ट भी बहुत ही जल्द आपको देखने को मिलेगी मे बी लाइक लोकेश कंगराज तो मे बी भी आपको बिजी रहेंगे लाइक कैथी टू उसके बाद विक्रम टू पर काम करेंगे उसके बाद ये फिल्म पॉसिबल हो सकता है कि लियो पार्ट टू के अंदर काम करे तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि ये साल दो हज़ार तक आप एक्सपेक्ट कर सकते हो बाकी देखते हैं कि ये फिल्म कब तक निकल कर आती है और इसके साथ ही अगर दोस्तों अगर बात करें इस फिल्म की प्री प्रोडक्शन की तो फिल्म की जो प्री प्रोडक्शन थी लोकेश कनगराज के लोकेश कनगराज के द्वारा नियरली सिक्स मंथ के द्वारा फिल्म की राइटिंग और फिल्म की प्रोड़, प्री प्रोडक्शन को लिखा हुआ था और साथ ही को राइटर यहाँ पर रत्ना और कुमार को भी इस फिल्म को मतलब काम किया हुआ था उनके साथ उन्होंने काम भी किया हुआ है इसके साथ ही अगर बात करें डायरेक्टर की अगर बात करें उनकी थर्ड कॉन्सिटिव कोलेब्रेशन आपको देखने को मिलता है डायरेक्टर एंड धीरज वेडे के साथ जो कि ऑलरेडी उन्होंने काम किया था जिल जंग फिल्म जो कि साल 2016 में रिलीज़ हुई थी तो उनके द्वारा भी फिल्म की राइटिंग पर काम किया हुआ है इसके साथ ही लोकेश कंगराज ने ऑलरेडी कहा हुआ था कि जो फिल्म का जो कम्प्लीटली स्टाइल जो होने वाले लाइक अनलाइक मास्टर विच इज़ द कंसिडर ऑफ फिफ्टी परसेंट विजय ऑन फिफ्टी परसेंट ऑफ हिस मूर्त पूजा के साथ साथ ही फिल्म की महूर्त पूजा को यहाँ पर दिसंबर सात सौ बाईस में किया गया था ये बी एम स्टूडी चेन्नई में और साथ ही फिल्म के कास्ट एंड करियो को दिसंबर और टीम के द्वारा तो प्रमोशनल वीडियो भी जारी किया गया था थ्री डेज का जो शूटिंग यहाँ पर था इसके साथ ही मीड जनवरी साल तेईस में मनोज प्रशमा अनाउंसमेंट किया था सिनेमाटोग्राफी के तौर पर और साथ ही उनकी फर्स्ट कोलावरेशन आपको देखने को मिलेगी लोकेश के साथ एंड लोकेश के अगर बात तो थर्ड आफ्टर द नंबियन फिल्म एंड बीस के साथ साथ यहाँ पर देखने को मिलेगी आपको इस फिल्म में और अनिरुद्ध का भी आपको उनकी कोलावरेशन देखने को मिलेगी जो कि अनिरुद्ध मदर मतलब डायरेक्टर के साथ काम करते हैं जो कि आप सभी को पता होगा कि बड़े बड़े डायरेक्टर के साथ अनिरुद्ध काम करते हैं और हर कोई चाहता है कि अनिरुद्ध उनकी फिल्मों के अंदर अपना बैकग्राउंड म्यूजिक दे बिकॉज बंदे में दम है आप मानो या ना मानो आप लोग उनके अगर पिछले फिल्मों को उठा लो लाइक विक्रम फिल्म को ले लो इसके साथ ही जीलियर फिल्म को ले लो कि आपको किस फिल्म की मतलब किस तरह के बिजन देते हैं इसके अलावा अगर बात करें इस फिल्म की सैनग्राफी और एडिटिंग के लिए पर फिलिपिन राज को यहाँ पर हायर किया था और इस्टन कोरियोग्राफी के लिए अरब और डांस कोरियोग्राफी के लिए दिनेश कुमार को किया हुआ था इस फिल्म में और साथ ही फिल्म की कास्टिंग की अगर बात करें तो फिल्म की कास्टिंग से रिलेटेड भी आपको काफ़ी ऐसे इंटरेस्टिंग बातें जानने को मिलेंगी इस फिल्म से रिलेटेड और फिल्म की बात करें कास्टिंग की तो कास्टिंग से रिलेटेड भी काफ़ी कुछ आपको यहाँ पर जानने को मिलेगी तो बिजे विजयों के स्पोर्ट किया गया था उनके ग्रेस सैडो एंड हेयर स्टाइल की बात करें उसकी इस फिल्म के लिए कैरेक्टर के लिए उन्होंने काफ़ी हद तक लुक वगैरह को डिफरेंट भी किया हुआ था और साथ ही अगर बात करें इस फिल्म की तो यहाँ पर इस फिल्म के लिए वितलापति विजय ने थर्टी डिफरेंट लुक्स ट्राई किया हुआ था उसके बाद थर्टी लुक्स के बाद उन्होंने इस फिल्म के लिए अपना लुक मतलब क्या हुआ था फ़ाइनलाइज किया हुआ था और त्रिसा का ऐसा कास्ट किया था फीमेल लीड हीरोइन के लिए और साथ ही उन्होंने प्रिपे किया हुआ था विजय के साथ जो कि ऑलरेडी उनके साथ पॉजिटिव यानी कि ऑपोजिट में हमें देखने को मिले थे लाइक गिल्ली त्रिपच्ची आथी कुरुबी तो यानी कि काफ़ी सारे उन्होंने मतलब देखने को मिले उनके पास मतलब उनकी फीमेल फीमेल लीड हीरोइन के साथ काम कर चुके तलापति विजय के साथ और इसके अलावा बॉलीवुड एक्टर जियास संजय दत्त को भी एज ए कास्ट किया गया था प्ले ऑफ मेन यानी कि एनोक इंस्टीन की मेन बिलन के तौर पर कास्ट किया था और तलपति विजय उनकी पहली तमिल डेब्यू फिल्म है जो कि उन्होंने ऑलरेडी फिल्म के जी चैप्टर टू के अंदर उन्होंने अपना सक्सेस डेब्यू भी किया हुआ था कनाडा के अंदर जो कि उनको काफ़ी हद तक पॉपुलरिटी मिली हुई थी और उनको काफ़ी सारे लोगों ने भी पसंद किया हुआ था जो कि आप सभी को पता है और साथ ही यहाँ पर एहसेंद के द्वारा एग्री किया गया था इस पार्ट ऑफ द प्रोजेक्ट ऑलरेडी हो चुका है और साथ ही उनकी जो नरेशन थी उन्होंने वन लाइन नरेट किया था फिल्म की कहानी उसके बाद ही उन्होंने मतलब उस वन लाइन नरेशन के साथ साथ उन्होंने फिल्म की फिल्म को करने के लिए उन्होंने जो हामी थी ऑलरेडी उन्होंने दे दिया था कि जी हाँ फिल्म के कॉन्सेप्ट के अंदर दम है और वो ऑनलाइन सुनने के बाद उन्होंने ओके कर दिया कि हाँ मैं इस फिल्म में काम करूंगा साथ ही प्रिया आनंद को भी एज ए ज्वाइन किया था इम्पोर्टेंट रोल्स के लिए और साथ ही अर्जुन को भी एज ए कास्ट किया था इम्पोर्टेंट रोल के लिए और यहाँ पर डिफरेंट उनकी जो डिफरेंट फ्रेस आ, लुक भी दिया गया तो साथ ही यहाँ पर एक्शन किंग को भी यानी कि अर्जुन सर एक्शन किंग को भी यहाँ पर कास्ट किया है इसके साथ ही मिस किंग सैंडी मास्टर गौतम वाशद मेनन मंसूर अली खान इसके साथ ही मलयालम के एक्टर मैथ्यू थॉमस को भी एज अ कास्ट किया था और बात करें मैथ्यू थॉमस की तो उनकी पहली तमिल डी फिल्म है उनकी और इसके साथ ही ऑल ऑफ देयर इंक्लूशनस वेर द कन्फर्म तो बाई द प्रोडक्शन हाउसेस इन लेट जनवरी टू थी और मनोबला को भी एज ए कास्ट किया था जो कि इस फिल्म को प्राइमरी रोल के लिए उनको सूट किया हुआ था तो काफ़ी सारे जो एक्टर्स है आपको देखने को मिलते हैं खासकर बड़े बड़े एक्टर्स के नाम आपको देखने को मिल लाइक और भी एक एक्स्टर को उसके बाद मतलब एक्टर को कास्ट किया है तो लाइक जॉर्ज मरियन इसके साथ ही अब्रहीन वेंकटेश और बाबू एंटनी और कोस्क किया हुआ था और साथ ही अगर बात करें उस फिल्म की तो कश्मीर शेड्यूल के साथ ही अब मनोबला ने इन्हें की कस्मे थे शेड्यूल के बाद मनोवाल की डेथ हो चुकी थी तीन में साल बाईस में और उनकी मैथ्यूस की फिल्म है उनकी लास्ट फिल्म है मोई की पेंसिल फोटोग्राफी की अगर बात करें उसको किया। था फर्स्ट शेड्यूल में दो जनवरी साल सौ तेईस में और ई बी एम फिल्म सेट के अंदर चेन्नई में क्या हुआ था और इस फिल्म के जो माइनर पोर्शन थे उसको शूट किया था कोड़ी कनल में और साथ ही फिल्म का जो लास्ट वीक ऑफ जनवरी था उसको मिसकिन के द्वारा शूट किया था और वहाँ पर उनके जो सम पोर्शन थे उनके सूट किया गया था और साथ ही ट्राम यानी कि ट्रैवल भी करना पड़ा था फिल्म की पूरे करियर के बिकॉज यहाँ पर कश्मीर के अंदर मेन आपको यहाँ पर शूटिंग किया हुआ था और साथ ही वहाँ पर जो शेड्यूल रखे हुए थे और साथ ही फिल्म के सेकंड सेकेंड को कश्मीर एक जनवरी एक फरवरी में रखा हुआ था ड्यूरिंग शेड्यूल में और फुटिजेस भी आपको देखने को मिली थी लेकिन फुटेजेस एंड वायरल फुटेज भी क्या हुआ था और साथ ही प्रमोटिंग यानी किस फिल्म के प्रमोटिंग ऑफिशियल टेक्नीशियन सिक्योरिटी पार्टनर वन पीपल एग्ज शेयरिंग भी किया हुआ था लेकिन कंटेंट की वजह से और साथ ही उसको डिलीट भी किया हुआ था और फिल्म के मोस्ट ऑफ द कास्ट इनके रिमेम्बर्स यहाँ पर थे और साथ ही मोबाइल मन सेट वगैरह प्रिवेंट के साथ साथ वीडियो को शूट ऑफ सत्ताईस फरवरी सात सौ तेईस में क्या हुआ था और साथ ही में इसके रिट्यूट क्या आया था कि उनकी जो कंप्लीट उनका जो पोर्शन था उन्होंने ऑलरेडी कंप्लीट करवा लिए है और इसके साथ ही अर्ली मार्च अलग के द्वारा मैंने उसके द्वारा अनाउंसमेंट किया गया था उनका जो पोर्शन था इस फिल्म के तो उनकी भी पूरी तरह से कम्प्लीट हो चुकी है और मनोज प्रमोश के द्वारा यानी कि एक, एक बहुत ही बड़ा आई मैक्स सर्टिफाइड रेट वी रेडपोर्ट बोर्ड एट के कैमरा इस फिल्म के सिग्नी पोर्शन के लिए स्पेशल किया होता है और ये फर्स्ट तमिल फिल्म है जिसको शूट किया गया है ग्यारह मार्स ग्यारह मार्च संजय दत्त स्टार्ट किए तो उनका फिल्मिंग जो उनका पोशन था कश्मीर एंड यहाँ पर बात करें कंप्लीट किया तो उनका पोर्शन विद इन यहाँ पर सिक्स डेज का यहाँ फिल्म किया गया था लगभग हाफ हाफ़ एंड टेन की ट्वेंटी वन तो मार्च ड्यू टू माइनर आर्थविक था उस लोकेशन में बट इसको रिज्यूम किया गया था और एन एक्शन सिक्वेस एंड टेन करोड़ के आसपास क्या हुआ था वहाँ पर और आपसे बताओ कि कश्मीर का जो उस टाइम ट्रच टेम्परेचर की अगर बात करें तो ट्वेंटी डिग्री सेल्सियस वहाँ पर था मतलब आप समझ सकते हो कि कितने ठंड के मतलब दिनों में फ़िल्म की शूटिंग बैरा को कंप्लीट किया था खासकर कश्मीर शेड्यूल के अंदर तो शूटिंग में भी काफ़ी अच्छे हुए थे और साथ ही काफ़ी इस फिल्म को लेकर नए नए टेक्नोलॉजीज़ और नए नए कुछ चीज़ें यहाँ पर यूज़ किए गए जो कि इस फिल्म से यूज़ किया गया और ऐसा होना भी चाहिए बिकॉज़ इस फिल्म को लेकर ऑडियंस का काफ़ी तगड़ लेवल का हाइप है और आप सभी को पता कि इस फिल्म को लेकर खासकर नॉर्थ की अगर बात करें नॉर्थ के अलावा हर लैंग्वेज की अगर बात करें तो लोग पेश्री इस फिल्म को लेकर इंतज़ार कर रहे हैं और मैं आपको और एक इंटरेस्टिंग फैक्ट्स बताना चाहूँगा इस फिल्म से रिलेटेड साथ ही मैं आपको यहाँ पर बताना चूँगा इस फिल्म के रिलेटेड तलापति विजय सर के रिलेटेड आपको यह पर बीच में एक न्यूज़ सुनने को मिली थी कि तलापति विजय सर उनकी इस फिल्म के अलावा जो बैंकट प्रभु के साथ फिल्म आएगी उसके साथ वो पॉलिटिक्स में जाने वाले फिल्म इंडस्ट्री में छोड़ने वाले तो इस तरह के रूमर्स काफ़ी उस टाइम तगड़े थे बट मैं नहीं चाहूँगा कि एक्टर अभी पॉलिटिक्स में जाए बिकॉज तलपति विजय आज के डेट में जिस तरह के स्टार है जिस तरह के स्टार उभर का है दोस्तों वो अगर चाहेंगे तो अभी भी 10-15 साल इंडस्ट्री में राज कर सकते बिकॉज तलपति विजय का फैन फॉलिंग अलग लेवल पर जा चुका है और साथ ही दोस्तों इस फिल्म की अगर बात करें सिक्वेंसेज के लिए कैमरा की अगर बात करें तो एक्शन सिक्वेंसेज के लिए हाई रिलीजियस हाई रिलीज रेजोल्यूशन के साथ भी शूट किया था और बिकम ए फर्स्ट इंडियन फिल्म है जिसको इस तरह की यूज के कैमरा में यूज़ किया गया था और साथ ही फिल्म की प्रोडक्शन जो मूव किए थे तेलंगाना में और फिल्म की जो फाइनल शेड्यूल था उसको हैदराबाद में रखा था और फिल्म का जो क्लाइमैक्स पोर्सन है उसको राजा मुझी फिल्म सिटी के अंदर किया हुआ है रामोजी फिल्म सिटी के अंदर किया हुआ है और यहाँ पर कंप्लीट शूटिंग यहाँ पर पोर्सन टेंथ जुलाई में क्या होता है साथ ही मोए की जो पेंसिल फोटोग्राफी उसको रैपअप किया था चौदह जुलाई सौ को और मूवी की फिल्मिंग जितनी थी ऑलरेडी यानी कि एक वर्किंग डेज तक फिल्म भी थी लाइक वन मंथ तक टीम रिटर्न किए थे कश्मीर में और साथ ही पैशव का जो फिल्म था उसको किया था और साथ ही मैं प्रोडन यानी कि प्री प्रोडक्शन का काम पोस्ट प्रोडक्शन का काम स्टार्ट किया हुआ था एडिटर के साथ इन फरबर सालों देश में टाइम्स ऑफ इंडिया की तरफ से ये रिपोर्ट निकल कर आया था कि इस फिल्म का जो है एक्शन यानी कि एक्सटेंट एक्शन तेज जो पोस्ट प्रोडक्शन है उसको ड्यू टू लोकेश गस के द्वारा वो चाहते ही उनको सी वगैरह में काफ़ी अच्छे हो और शादी विजय की जो डबिंग स्टार्ट किया था जुलाई सालों तेईस में उसका जो डबिंग कम्प्लीट हुई थी दस जुलाई को और इसके साथ ही मनोज एस बी के द्वारा श्रीनिवास के द्वारा फिल्म के विजुअल एफेक्ट सुपरवाइज़र के तौर पर भी आपको इस फिल्म में देखने को मिलेगी और पिक्चर कंपनी सी आई जरा वी एफेक्ट एंड हाई स्क्रिन भीट्स काफ़ी सारे कंपनी देखने को मिलती दे खास कर काम भी किया हुआ है और साथ ही स्प्रिंग को कलर ग्रेडिंग को स्टार्ट किया था अगस्त साल और तेईस में और साथ ही के डबिंग वगैरह के जो त्रिशा के जो लाइंस थे तीन लैंग्वेजेस के वहाँ पर उन्होंने खुद ही डब किया लाइक कन्नडा तेलुगु एंड लियो की अगर बात करें तो दो लियो के साउंड ट्रैक की अगर बात करें तो उसको अनिरुद्ध के द्वारा आपको देखने को मिलेगी और साथ ही डबिंग वगैरह की बात करें तो आल के रिकॉर्ड चुनने में क्या हुआ था और अभी भी गाने की बात करें तो इस फिल्म के टोटल दो तो या फिर बोल सकते हो तीन ही गाने को रिलीज किया गया था ने तीन ही रिलीज किया गया था सभी गाने की, की बात को गाया था अनिरुद्ध रविचंद्र सिद्धार्थ वशरुण ने और साथ ही गाने के की बात करें तो तीन मिनट सॉरी दो मिनट पचास सेकेंड थे दूसरी गाने की बात करें टाइटल की तो दूसरे गाने का मरा नारेड्डी को लिल्स को लिखे विष्णु उदयन जिसको किया हुआ था और उसके साथ अगर बात करें विजय अनुरोध की तो अनुरोध के द्वारा असल के अलावा उनके द्वारा गाया हुआ था साथ ही लेंथ की अगर बात करें तो चार मिनट सत्रह सेकंड थे और बैडिस गाने की अगर बात करें तो लिरिक्स को लिखे थे वैष्णव इवन ने और साथ ही गाने को था ध्यान आयन प्रिव्यू चंद्र ने और साथी गाने की लेंद की बात करें तीन मिनट उन पचास सेकंड आपको देखने को मिल जाएंगे और सो दोस्तों इस फिल्म की मार्केटिंग स्ट्रेटी की अगर बात करें तो इस फिल्म की मार्केटिंग इस्ट्रेटी को स्टार्ट किया था यानी कि 16 सितंबर साल इक्कीस में फिल्म की एलिथ साउथ इंडियन इंटरनेशनल मूवी अवार्ड के तौर पर लोके स्कॉन ने अनाउंसमेंट किया था और साथ पर अपडेट भी दिया हुआ था और साथ ही उस ऑफिशियली मरटन मर्चेंटाइज लियो फिल्म के कुछ विलेस को भी किया हुआ था उस टाइम और लियो ब्लैड स्वीट प्रोमो को भी तीन फिलहाल तेज में रिवील किया हुआ था और फिल्म का टेल फर्स्ट लुक पोस्टर को भी रिवील किया हुआ था लाइक ट्विटर इस फिल्म को मोस्ट सो मोस्टो बिकम मोस्ट लाइक फर्स्ट लुक ट्वेंटी फोर का जो रिकॉर्ड इन्होंने नाम किया हुआ था साथ ही मतलब काफ़ी अच्छे मतलब किए थे इस फिल्म के रिकॉर्ड और आपसे भी पता कि यूट्यूब पर भी इस फिल्म ने काफ़ी तक रिकॉर्ड किया हुआ है मास्थी यानी कि सेवन आवर की अगर बात करें सेवन आवर भी तो इंडियन सॉन्ग का ट्रेलर काफ़ी हद तक उन्होंने तो अचीव भी किया हुआ जो कि आपको पता चल, चल चुका है अगर आप लोग तो ट्विटर वगैरह को फॉलो करते हैं तो इस फिल्म की थ्रीडिकल रिलीज डेट से जुड़ी कुछ इंटरेस्टिंग बात अगर बात करें तो लियो का जो थ्रीडिकल जो शेड्यूल था उसको 19 अक्टूबर साल तेईस को रिलीज़ की जाएगी जो कि आप सभी को पता हो और स्टैंडर्ड एम वर्जन के साथ साथ कुछ प्रीमियर प्रीमियम फॉर्मेट के साथ भी इस को रिलीज की जाएगी और आप सभी को बताओ कि इस फिल्म तामिल के अलावा तेलगू कन्नडा मलयालम एंड हिंदी लैंग्वेज में भी रिलीज़ की जाएगी साथ ही इस फिल्म का जो अनकट वर्जन है जो थर्टिकल उसको यूके में की जाएगी और बाकी जो फर्स्ट फिल्म का जो वर्जन है यापर यूको वर्जन के साथ रिलीज़ की जाएगी जिस फिल्म के काफ़ी ऐसे कट आपको देखने को मिले जो कि इस फिल्म का अनकट वर्जन है यानी कि कोई कट्स नहीं उसको यापर यूको पर, 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 पर रिलीज़ की जाएगी और उसको सर्टिफिकेट भी उनके तरफ से मिला हुआ है साथ ही इस फिल्म की प्री बुकिंग की बात करो तो उसको स्टार्ट किया था यूके के द्वारा एम एम से के द्वारा सात सप्टेम्बर सात तेईस को और आपसे बीस के बाद रिलीज़ की बात करें तो ओवरऑल हंड्रेड्स का यानी कि टेन यानी कि टेन टेन थाउजेंड का टिकट उन्होंने ऑलरेडी किया हुआ था फर्स्ट डे का किया हुआ था यानी कि फिल्म ओवरसीज़ मार्केट में भी काफ़ी दम मचाई गई और साथ ही हाइप तो काफ़ी ग्रैंड लेवल का और आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि कितना हाइप है और साथ ही इसमें अगर बात करें ओ टी या फिर डिजिटल या फिर यूट्यूब राइट्स तो की अगर बात करिए तो दोस्तों इसमें कि डिजिटल राइट्स यहाँ पर स्ट्रीमिंग राइट्स नेटफ्लिक्स के पास है और सैटेलाइट जो राइट्स हैं सन से पिक्चर्स के पास है तमिल वर्जन की अगर बात करूँ और हिंदी वर्जन तो की अगर बात करें तो उसमें हिंदी वर्जन का सेटेलाइट राइट्स और यूट्यूब राइट्स आपको गोल के पास है जो कि उनके द्वारा हिंदी में भी रिलीज़ किया जाएगा अब ट्रेलर वगैरह से आप पता चल गया होगा तो थिएटर रिलीज़ के बाद जब भी ये फिल्म आएगी यूट्यूब पर तो आपको गोल मैन के यूट्यूब चैनल पर देखने को मिलेगी और बाकी सेटेलाइट चैनल पर अगर बात करें हिंदी रब वर्जन की तो आपको गोलमैन के इस को 25 फरवरी साल दो को रिलीज किया था में 140 मिनट रन टाइम के साथ तेलुगु में और इस फिल्म को 75 करोड़ बजट के साथ बनाया था यानी कि 75 करोड़ में बनाया हुआ बजट में और इस फिल्म को कलेक्शन किया हुआ था टोटल बॉक्स ऑफिस पर इस फिल्म ने कलेक्शन किया हुआ था बॉक्स ऑफिस पर वन करोड़ यानी कि एक करोड़ का कलेक्शन किया था इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर जो की एक बहुत ही बड़ी ब्लॉक फिल्म साबित हुई थी साल दो हजार इक्कीस के साल दो हजार बाईस ये फिल्म पवन कल्याण की काफी

को देखना पसंद करते हो तो मैं कहूंगा कि एक बार ट्राई कर सकते हो और साथ ही पवन कल्याण और नित्या मैन कामेंस काफी कि करके और है तो देखना अगर आपको पसंद है तो एक बार कंसिडर कर सकते हो और ये फिल्म आपको देखने को मिल जाएगी डिजनी प्लस हॉट पर और डिजनी प्लस हॉट के अलावा आप इस फिल्म को आहा ओ डी प्लेटफॉर्म पर देख सकते हिंदी डॉ वर्जन की अगर बात करें तो अगर आप को याद नहीं है तो चलिए मैं आपको याद दिला देता हूँ दोस्त तो इस फिल्म को तेलुगु के अलावा इस फिल्म को डायरेक्ट हिंदी में भी रिलीज किया गया था और फिल्म जो हिंदी में रिलीज किया गया था वी फोरी मूवीज के द्वारा तो आप सभी को पता चलेगा कि हिंदी में कौन कौन सा बैनर था तो वी मूवीज ने इस फिल्म की हिंदी डब वर्जन को रिलीज करने के साथ साथ डबिंग से लेकर डिस्ट्रीब्यूशन इन्हीं के द्वारा किया गया था तो इस फिल्म की जो हिंदी डबिंग राइट यहाँ पर वी फोर्टी मूवीज के पास है तो अगर आप इस फिल्म को यूट्यूब पर देखना सोच रहे हो तो डेफिनेटली यूट्यूब पर भी आपको देखने को मिलेगी तो जब भी इस फिल्म को रिलीज की जाएगा रिलीज की जाएगी तो ये फिल्म आपको सिर्फ और सिर्फ देखने को मिल जाएगी

अपडेट वगैरह नहीं है बट आप मे भी चांसेस है कि ज्यादा जो चांसेस है आपको ये फिल्म सोनी मैक्स की टीवी चैनल पर आपको ये फिल्म देखने को मिलेगी और इससे रिलेटेड भी अपडेट नहीं है कि कब तक ये फिल्म आ सकती है कब प्रीमियर की जाएगी क्या रिलीज डेट होने वाला है तो इससे रिलेटेड भी कोई अपडेट नहीं है मेरे पास बट अपडेट वगैरह आएगी तो डेफिनेटली इस फिल्म के अपडेट के ऊपर भी बात की जाएगी आने वाली वीडियो में या फिर उसके ऊपर प्रॉपर वीडियो बनाकर आपको अपडेट की जानकारी आपको फिर आपको मिल सके तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेगा और इस फिल्म की अगर बात करें पूरी कास्ट की तो आपको इस फिल्म में नजर आएंगे दोस्तों सुपरस्टार पवन कल्याण रानवती नित्या मैन संयुक्त मेनन संयुक्त मुराली शर्मा रघु बाबू बाबूला वर्णानी अनंत बाबू हर्षवर्धन रवि वर्मा शत्रु संजय स्वरूप तीजा कनकुमारीरा श्रीनु एन कुमेंद्र किरण एन उत्ती लक्ष्मण मसला इसके साथ ही रामाचंद राजू अपी, अपी अपी शर्मा एन बर्मा का कैम्यो सुनील का क्या संपत गिरी का कैम्यो और हाइपर आदि का भी कैम्यू है इस फिल्म में कैरेक्टर की अगर बात करें तो पवन कल्याण आपको इस फिल्म में आशा शरद भीमला राना राघुपति आपको इस फिल्म में इसके साथ ही नित्या मेनन आपको डेनियल के वाइफ नजर आएंगे संयुक्त रकानी आपको इस फिल्म में जीवन कुमार यानी कि डैनियल का फादर का रोल प्ले करे इस फिल्म में रावरोमेस आपको इस फिल्म में नगर नागार्जु नजर आएंगे मुरली शर्मा आपको इस फिल्म में सी आई राम किरण मदराएंगे रघुबाबू बालाजी

मलयालम फिल्म आए पूनम फिल्म के राइट्स को खरीदा था प्रोडक्शन हाउसेस के द्वारा और साथ ही सागर की चंद्र अर्ली डायरेक्ट की हुई थी अपाल्टा चंद्र की फिल्म जो कि साल सौ सोलह में रिलीज हुई थी और इसके साथ ही उस प्रोजेक्ट में उन्होंने काफ़ी हद तक इम मतलब आधा ही उस प्रोजेक्ट के अंदर उन्होंने काम किया हुआ था सारवे ऐसे उसके बाद सर्व एक्टर के तौर पर भी रवि तेजा नंद नंदा मोड़ी बालाकृष्ण एंड रामद्रगुपति को भी अप्रोच किया था ख़ास कर इस फिल्म और इस रोल के लिए लेकिन बाद में ऑफिशियली अनाउंसमेंट किया गया था कि उन सभी एक्टर के अलावा किसी ने भी लाइक रवि तेजन नंदा मोड़े बालाकृष्ण के द्वारा इस फिल्म को करने के लिए कोई उनकी तरफ से कोई कन्फर्मेशन नहीं मिला हुआ था बट बाद में ऑफिशियली कन्फर्मेशन मिला गया था यानी कि पवन कल्याण सर आपके इस फिल्म में लीड रोल नजर आएंगे और जो कैरेक्टर है पुलिस ऑफिसर का रोल है जो इस रोल को किया था मलयालम वर्जन में बिज मैन इन डिसम्बर दगुपति को ऐसे कन्फर्म किया गया था कि अदर लीड के रोल में जो कि ए, उस फिल्म के अंदर कैरेक्टर प्ले किए थे पेद विश्व कुमार तो वो कैरेक्टर आपको राणा दगोपति में यानी कि राणा दगुपति प्ले करे तो उसका साथ ही रिबिल भी किया था और बोर्ड में उसका नाम भी आ चुका था इस प्रोजेक्ट में और साथ ही कल्याण को भी कास्ट किया था साइन किया था और साथ ही यहाँ पर कैरेक्टर डैनल शेखर को भी किया हुआ था साथ ही अरली अर्जुन प्रसाद को करने वाले थे लेकिन उसको नहीं किया हुआ था और लीडर फिल्म के डेबेड को भी यहाँ पर उसको देखते हुए कास्ट किया था उस फिल्म के अंदर और साथ ही डैनियल को भी एज ए इस फिल्म में कास्ट की हुई थी और इस फिल्म की फिल्मिंग को जो लॉन्च किया था पूजा सर में इस पूजा सरेमी ने हैदराबाद में और फिल्म की जो वर्किंग टाइटल था जो जो प्रोडक्शन टाइटल थे और द ऑफिशियल टाइटल रखा था भीमला नायक और जिसको कि पंद्रह के साल और इक्कीस में क्या हुआ था फिल्म के अगर बात करी कास्टिंग की तो राइटर डायरेक्टर त्रिवेणी श्रीवास के द्वारा हायर किया हुआ था इस फिल्म के स्क्रीन प्ले और स्पेशली डायलॉग्स के लिए और ऐसा नाम को साइन किया था इस फिल्म में कंपोजिंग एंड म्यूज़िक के लिए और सैनमग्राफर के तौर पर प्रसाद मुरला को एपर, किया हुआ था और साथ ही एडिटिंग के लिए फ़िल्म को नबी नूली के लिए हायर किया था और ये सभी चीज़ प्रोडक्शन हाउसेस के द्वारा किया हुआ था और फिल्म की जो प्रोडक्शन डिजाइनिंग थी उसको हैंडल किया था यस प्रकाश ने जुलाई साल सौ में मुरला को एज ओप टी आउट प्रोजेक्ट के तौर पर कास्ट किया हुआ था और साथ ही सिनेमाग्राफिक के तौर पर के रवि चंद्र रिप्लेस किए थे उसके जगह साई पल्लव के साहिब पल्लवी को अप्रोच किया था अपोजिट कल्याण के बट और शुगना कैरेक्टर के लिए बट उसके बाद ऐश्वर्य राजेश को भी मिला हुआ था जो कैरेक्टर प्ले कर रहे इस फिल्म में नित्या मैन उसको ऑफ़र किया गया था इन मार सा एक केस में रिपोर्टिंग कराई थी कि साहिब पल्ले भी इन्हें डिनाई कर दिया वो कैरेक्टर को और साथ ही वो डायरेक्टर एस के साथ वो रिटर्न नहीं करना चाहते थे तो इसके साथ ही उन्होंने कहा हुआ था बाकी उस चीज़ को अलग अलग कैरेक्टर को हायर किया हुआ था जैसे कि आप सबको तो नित्या मैनन और संयुक्त तो मैन को कास्ट किया हुआ था जो कि उनके रिप्लेसमेंट में रोजोर टाइम देखने को मिली ऑफिशल कन्फर्मेशन मिली हुई थी अक्टूबर में साल दो इक्कीस दिसंबर महीने में भरमान नाम को कन्फर्म किया गया था कि इसे इंटरव्यू के दौरान कहा गया था क्या आपको क्या इस फिल्म में आपका रोल है तो उन्होंने कन्फर्म किया था कि जी हाँ मैं भी इस फिल्म में एक छोटा सा रोल प्ले कर रहा हूँ दोस्तों इस फिल्म की फिल्मिंग की बात करते हैं इस फिल्म की प्रिंसिपल फोटोग्राफी को स्टार्ट किया था जनवरी साल इक्कीस में और वहाँ पर पच्चीस दिन का शूटिंग था और साथ ही एलमोनीम फैक्ट्री में भी हैदराबाद में भी फिल्म की एक्शन सिक्वेंस किया गया था मार्च में और साथ ही उस एक्शन सिक्वेंस में फीचरिंग करे थे कल्याण और रानदा दघुवती ने और जिसको भी कोरियोग्राफ किया था दिलीप शुभरनिया ने और फिल्म की सेकंड शेड्यूल को स्टार्ट किया था अप्रैल में और साथ ही लेटर फिल्म की शूटिंग जिसको उसको कोर्बीन के चलिए अब किया गया था और पैंडमिक के चलते क्या होता और थर्टी परसेंट फिल्म की शूटिंग ऑलरेडी कंप्लीट करवा ली गई थी और साथ ही जो कंपलीटेशन थी जिसमें साल दो में जो स्पेशल से शर्ट कंस्ट्रक्शन किया हुआ था हैदराबाद में और नेक्स्ट शेड्यूल फिल्म यानी कि फिल्मिंग किया गया था रिज्यूम किया था जो जुलाई साल इक्कीस में और न्यू शेड्यूल को स्टार्ट किया था दिसंबर साल दो इक्कीस में ही और जिसमें कि प्रमोशनल सॉन्ग्स को भी फीचर किया था कल्याण इन फरवरी साल बाईस में जिसको कि रैपअप किया था सत्रह फरवरी साल बाईस में एक वीक हैड रिलीज़ के साथ किया हुआ था और इसमें की बात करें म्यूज़िक के गाने वगैरह की बात करते इस फिल्म के जो साउंड ट्रैक को किया था उसमे ने, ने और सेकंड कॉलेवरेशन देखने को मिलती है पवन कल्याण जो कि ऑलरेडी काम कर चुके थे पहले फिल्म के अंदर वकील साहब फिल्म के अंदर और इस विल के ऑडियो राइट्स यहाँ पर अदिति मूवीज़ कंपनी के पास थे और इस फिल्म के बात करें थ्रिटिकल रिलीज़ डेट से जुड़ी कुछ इंटरेस्टिंग बातें बात के ऊपर अगर बात करें बातों के ऊपर अगर बात करें तो भीमला एक पच्चीस फरवरी साल हज़ार बाईस को रिलीज़ किया था बट वन डे लेट रिलीज़ का था वाली माई जिसमें कि अजीत कुमार और कार्तिक गुमा कुंडा थे और अर्ली जुलाई साल हज़ार में फिल्म का अनाउंसमेंट किया था बारह जुलाई साल हज़ार में फिल्म की कंसिस्टेंशिया में देखने को मिली थी, थी और साथ ही फेस्टिवल ऑफ संक्रांति को टारगेट करके रिलीज़ करने वाले थे और सात हज़ार केस में फिल्म की जो रिलीज़ डेट को ऊपर पोस्टपोन करना पड़ा था आफ्टर रिक्वेस्ट ऑफ प्रोड्यूसर डीबी के द्वारा वमशी एंड देवी थलर्स के द्वारा एंड आर आर फिल्म और आधा के शेड्यूल रिलीज डेट को सेम डेट पर आ रही थी बट लेटर जनवरी सात बाईस में फिल्म मेकर्स के द्वारा अनाउंसमेंट किया था और यहाँ पर वो फिल्म ला रहे थे पच्चीस फरवरी और या फिर एक फरवरी में वो रिलीज करेंगे थ्रटिकल जो रिलीज डेट मिली हुई थी कोविड नाइनटीन सिचुएसन के चलते भी इस डेट को भी पोस्टपोन करना पड़ा था और बाद में जाकर इस फिल्म को कन्फर्मेशन मिली हुई थी पच्चीस फरवरी सत्तर बाईस और जिस फिल्म फिल्म की इस जिसमें जो ग्लोबल थ्रिटिकल जो राइट्स को बेचा गया था एक से दो करोड़ रुपए में तो फिल्म से रिलेटेड भी काफी ऐसे इंटरेस्टिंग फैक्ट्स जो कि ऑलरेडी आप सभी को पता चले गया होगा साथ ही होम मीडियास की अगर बात करें तो इस फिल्म की डिजिटल डिस्ट्रीब्यूशन रॉइट से यहाँ पर डिजनी प्लस हॉट स्टार नहीं खरीदा था उसके साथ ही आहानी भी खरीदा हुआ था एज ए पार्टनर के तौर पर और इस फिल्म के सैटेलाइट राइट्स यहाँ पर स्टार के पास है और डिजनी हॉट स्टार को रिलीज भी किया हुआ था वहां पर भी रिलीज किया हुआ था एक डेट पर जो कि 25 फरवरी में रखा हुआ था बटा रिलीज स्ट्रीम किया हुआ था चौबीस मार्च साल और बाईस में यानी कि चौबीस पच्चीस मार्च के आने वाले थे बट आरली एक दिन रिलीज़ किया था इस्फिन को ओ कंपनीज के द्वारा फिल्म के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की बात करें तो भीमला नायक फिल्म ने क्रॉस कलेक्शन किया था वर्ल्ड वाइड और जो कि थ्रेटिकल जिसफिन ग्रंट था और ओपनिंग डे जो कलेक्शन किया था उस फिल्म ने क्रॉस कलेक्शन किया था ओपनिंग डे पर फिफ्टी करोड़ के आसपास और वर्ल्ड वाइड को कलेक्शन मिला बात करें तो उन्होंने मिलाकर ही कलेक्शन किया हुआ था और डोमेस्टिक कलेक्शन की बात करें तो उन्होंने फिफ्ट यानी फोर्टी थ्री पॉइंट वन करोड़ का कलेक्शन किया हुआ था सड़तीस करोड़ इंडिया के साथ यानी पोस्ट ओपनिंग भी किया हुआ था आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में बॉक्स ऑफिस पर तो फिल्म बॉक्स पर के बॉक्स ऑफिस पर कलेक्शन काफ़ी तकरीबी किया हुआ था इस फिल्म ने और तो चलिए बात, बात करते हैं फिल्म के टेक्निकल डिपार्टमेंट और म्यूज़िकल डिपार्टमेंट के ऊपर बात करते हैं फिल्म की डायरेक्शन की बात करें तो फिल्म का डायरेक्शन काफ़ी अच्छा था टेक्निकल डिपार्टमेंट के अंदर जो जो चीज़ें आपको इस फिल्म में देखने को मिली थी वो सभी चीज़ें काफ़ी परफेक्ट था और जिस तरह से फिल्म को रीमेक किया हुआ था तो काफ़ी हद तक रीमेक मतलब बेहतरीन तरीके से रीमेक किया हुआ था जो कि लोगों को इस फिल्म का रीमेक पसंद भी आया था जो को कहूँगा कि काफ़ी अच्छी बात है तो सभी चीज़ें एक रीमेक फिल्म है तो डेफिनेटली सभी चीज़ें आपको बेस्ट ही देखने को मिलती है बिकॉज बेस्ट जो बेस्ट फिल्म है उसी को बेस्ट करके मतलब तो रीमेक किया हुआ है तो वो सभी चीज़ आपको सेम ही देखने को मिलती है जो कहूँगा कि काफ़ी अच्छा था और हालांकि इस फिल्म के बजट के ऊपर आपको थोड़ा बहुत मतलब इंक्रीज़ देखने को मिले बिकॉज यहाँ पर कास्ट की फीस वगैरह को भी ध्यान में रखते हुए फिल्म का बजट भी यहाँ पर देखने को आपको मिल ही गया होगा तो चलिए फिल्म की बात करते फिल्म की कहानी के ऊपर बात करते कि आपको इस फिल्म किस तरह के प्लॉट वगैरह देखने को मिलेंगे उसके बाद फिल्म अगर होता है तो डेफिनेटली इस फिल्म के ऊपर कास्ट की परफॉर्मेंस के ऊपर बात की जाएगी इस वीडियो में तो सो डैनियल यानी कि डेनिश शेखर एक पूर्व हवलदार और उसका ड्राइवर एक रात में तेलंगाना में आंध्र प्रदेश तक राज्य की सीमा पर सीमा पार करता है चेक पोस्ट में पुलिस ने उन्हें अनुमिया कोटा से पड़े शराब ले जाने के लिए रोक दिया लेकिन एक शराबी डैनी जो गुस्से में है कि उसकी नींद परेशान है और उन्हें पीटता है सिभिमना नायक पहुँचता है और डैनी को मारता है अपने अपराध की व्याख्यात करता है डैनी ने यह कहकर मना कर दिया कि उसका गतिवेध तेलंगाना में था लेकिन नायक ने उसे गिरफ्तार कर लिया फिर भी क्योंकि डैनी ने शारीरिक रूप से सीमा पार कर लिया है एक कॉन्स्टेबल डैनी को अपनी लाइन लाइन कपड़े को हटाकर अपमानित करता है जो आगे उसके गुस्से को बढ़ाता है पुलिस ने एक एफआईआर फाइल की लेकिन अपने फोन फोन संपर्कों से गुजरने के बाद वह जान के हैरान है कि डैनी एक प्रभावशाली राजनेता का बेटा है और राजनीतिक रूप से शक्तिशाली पूर्व से जुड़ा है नायक ने सी आई राम को यह भी सूचित किया जो उससे सम्मान के साथ डैनी के साथ व्यवहार करने के लिए कहता है नायक डैनी के साथ समजस स्थापित करने की कोशिश कर है, लेकिन वह हिलने से इनकार कर देता है नायक ने उसे बंदूक से धमकी दी और वह एक साथ बैठता है डैनी तभी एक ड्रिंक के लिए नायक को परेशान करता है कोई विकल्प नहीं बचा है नायक शराब से एक बोतल खोलती है और यह कार्य करता है जो डैनी ने गुप्त रूप से अपने फोन पर फिल्म की है और अगले दिन डैनी को अदालत में ले जाया जाता है जहां उसे चौदह दिन के आ, कारावास की सजा सुनाई जाती है डेनी के वकील ने उन्हें बाहर निकाल दिया पुलिस स्टेशन में उनकी द्वितीय उत्पित के अधीन प्रतिशोध के एक अधिनियम में है डेनी ने प्रेस को रिकॉर्ड किया किए गए वीडियो जारी किए नायक को अपनी गाड़ियों की जांच कराने के आदेश के साथ गिरफ्तार किया गया डेनी ने नायक को पुलिस स्टेशन के सामने चुनौती दी ग्रामीण जो नायक के कट्टर समर्थन है डैनी पर हमला करने की कोशिश करते हैं लेकिन नायक ने वह यह कहते हुए रोक दिया कि उनकी लड़ाई व्यक्तिगत है एक स्थानीय शॉप के मालिक जो नायक के खिलाफ एक शिकायत के साथ डेनी के साथ डेनी के साथ हाथ मिलाता है एक वरिष्ठ राजनेता उनके बीच एक ट्विस्ट की व्यवस्था करता है जहाँ डैनी एस को सबूत भेजने में देरी करेगी और दो सप्ताह के लिए उसकी अनिवार्य उस तो उपस्थिति को माफ़ कर दिया जाएगा हालाँकि अपने पिता जीवन कुमार के आग्रह पर डैनी वैसे ही सबूत भेजता है और नायक को निलंबित कर दिया जाता है अगले दिन नायक ने विस्फोटक के साथ नागार्जुन के बारे में नागार्जुन के बाड़ को उड़ा दिया डेनी एक बस में नायक इन राउंड से मिलता है और यह कह कहकर अपने परवेद का दबाव करने का कोशिश करता है कि वह उसने नायक को अपनी नौकरी खो दी है नायक जवाब देता है कि भले ही लड़ाई हार गया हो युद्ध जीतने के लिए वापस आ जाएगा पुलिस ने डैनी को वाहन को जब्त कर लिया और प्रतिशोध में चालक को गिरफ्तार कर लिया इसी बीच जीवन एसपी से मिलता है और सबूत प्रस्तुत करता है कि नायक की पत्नी यानी कि शुगुना ने आवेद रूप से आदिवासियों से वन सामान खरीदकर तस्करी करने में है यानी कि लिप्त हो गए हैं जिसका परिणाम फलस्वरूप उसकी गिरफ्तारी वारंट है यह कहकर नायक और सुनंगनी अपने बच्चों के साथ जंगल में एक दूरस्थ स्थान पर जाते हैं जीवन के जीवन के लोगों जो अपने स्थान को ट्रैक ट्रैक करते हैं और शुगिना का फोन चुरा लेते हैं ने नायक को उसके जीवन के लिए धमकी दी आगरा नायक ने एक लॉन्च में जीवन के पुरुष पर हमला किया डैनी अपने पिता के कार्य से अनजान हैं और नायक से उन्हें पिटाई करने से रोकने के लिए कहता है लेकिन नायक डैनी के वाहन को उड़ा देता है और वह एक लड़ाई में शंगलन होते हैं पुलिस पहुंचती है और वह उन्हें रोकती है कि राम डैनी को बताता है कि नायक स्थानीय लोगों द्वारा गाँव के देवता कुरिकराव देवरा के बारे में देवरा के बड़ावर के रूप में सम्मानित किया जाता है इसलिए उसका स्थान एक झगड़ा करना बुद्धिमानी नहीं है डैनी को पता चलता है कि पंद्रह साल पहले नायक ने एक क्रूर ठेकेदार को मार डाला था उन्हें बचाने के लिए आदिवासी लड़कियों पर शिकार करता था और लोगों द्वारा उनके बेचे जाने वाले अवतार कार्तियों के रूप में देखा जाता है डेनी ने जीवन से पूछा कि क्या उन्हें समझौता करना चाहिए लेकिन यह मना कर देता है जीवन की मांग पर एसपी उनकी जगह पर जाता है और सुगना को गिरफ्तार करता है नायक को नाराज करता है वह वह जाता है और अपने घर पर जीवन से मिलता है और उसे बंदूक की नोक पर डेनी को बुलाने के लिए मजबूर करता है डेनी उनके पास हिरासत में नायक का बच्चा है ना उसे एक ठंडे में मिलने के लिए कहा जो दोनों राज्यों के पुलिस क्षेत्र अधिकारी के बाहर एक अंतिम द्वितीय के लिए एक जगह है वे घनता से लड़ते हैं और जिस तरह नायक एक हाथ को हटाने की अपने हस्तक्षेप तकनीकी का उपयोग करने वाला है डैनी की पत्नी आती है और वह दया के लिए विनती करती है नायक ने उसे आदिवासी लड़कियों में से एक के रूप में पहचानता है जिन्हें उसने बहुत पहले बचाया था और उन उन्हें छोड़ने की अनुमति दे देते हैं वह स्वेच्छ से एक दूसरे पर हमला स्वेच्छे से एक दूसरे पर मामलों को आपस ले, लेते हैं नायक जो तेलंगाना में स्थानांतरित हो जाता है और के घर पहुंचता है वह एक दूसरे को फिर से तो जी हाँ सो तो टाइगर जिंदा है टाइगर जिंदा एक सालों तेईस की अपकमिंग हिंदी लैंग्वेज की एक्शन इंस्पायर ड्रामा थ्रिलर फिल्म है और ये फिल्म सीक्वल है सालों सत्रह टाइगर जिंदा फिल्म की सीक्वल है और इसके अलावा ये फिल्म दोस्तों हिस्सा होने वाली है वायर ऑफ यूनिवर्स की तो वायर और ऑफ वाय यूनिवर्स की पांचवी फिल्म होने वाली है और इसके साथ ही फिल्म के डायरेक्शन स्क्रीन प्ले डायलॉग्स और कहानी की बात करें तो फिल्म की कहानी को लिखा है आदित्य चोपड़ा ने और इसके साथ ही फिल्म के डायलॉग्स को लिखा है दोस्तों अंशकोर चौधरी ने और साथ ही में आपको जो इस फिल्म में स्क्रीन प्ले देखने को मिलेगी सरिंदी राघवन की देखने को मिलेगी बाकी डायरेक्शन ये सभी चीज आपको मनी शर्मा की आपको इस फिल्म में देखने को मिलेगी इस फिल्म को प्रोड्यूस किया दोस्तों आदित्य चोपड़ा ने और आपको इस फिल्म में लीड रोल में आपको नजर आएंगे सलमान खान कैटरीना कैफ एंड इमरान हाउस में फिल्म आपको सिनेमाटोग्राफी देखने को मिलेगी अनय गोस्वामी की फिल्म को एडिट किया दोस्तों रामेश्वर एस भरत ने जहा पर आपको इस फिल्म में म्यूजिक सुनने को मिलेगी प्रीतम की तो आपको इस फिल्म में टोटल जितनी भी सॉन्ग्स हैं उन सॉन्ग्स के अंदर जो आपको म्यूजिक मिलेगी तो प्रीतम ने उन सभी सॉन्ग के अंदर म्यूजिक दिया हुआ है साथ ही इस फिल्म की बीजीएम की बात करें बैकग्राउंड साउंड की बात करें बैकग्राउंड स्कोर की अगर बात करें तो, तुनुच आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी इस फिल्म में इस फिल्म को दोस्तों फिल्म प्रोडक्शन बैनर के नीचे इसमें नवम्बर को बारह नवम्बर को ऑफ इसमिन को, तो को, इस को देख सकते हो सिनेमा घर में बेसिकली दिवाली के दिन फिल्म को रिलीज की जाएगी और इसके साथ इस फिल्म को हिंदी के अलावा तेलुगु एंड तमिल के साथ रिलीज की जाएगी जिसको की तीन सौ करोड़ बजट के साथ इस फिल्म को बनाया है दोस्तों और इसके अलावा फिल्म की टीजर फिल्म की ट्रेलर की अगर बात करें तो ऐसे कमी लोग तो करूंगा कि आप इस फिल्म को इस फिल्म का टीजर को या फिर ट्रेलर को देख सकते हो आपको आयर एफ यूट्यूब चैनल पर देखने को मिल जाएगी और हिंदी के अलावा आपको तेलुगु और तमिल के साथ अवेलेबल है और ट्रेलर या फिर बात करें टीजर की तो आउटस्टैंडिंग है एंड हर ऑडियंस के तरफ से लाइक सभी के तरफ से वर्ड माउथ यानी कि ट्रेलर को लेकर टीजर को लेकर लोगों ने काफी बेहतरीन की तारीफ यानी कि वर्ड माउथ निकल कर आई है वो भी पॉजिटिव ही आई हुई है यानी कि लोगों को इस फिल्म का टीजर ट्रेलर काफी पसंद आया हुआ है तो डेफिनेटली इस फिल्म को, को लेकर लोगों के बीच काफी बढ़िया एक्साइटमेंट क्रिएट किया हुआ है और लोगों को ये फिल्म देखना पसंद है बिकॉज ट्रेलर और टीजर के अंदर कंटेंट का डेफिनेटली पता चल ही जाता है कि एग्जैक्ट मतलब किस तरह की फिल्म हो सकती है क्या कंटेंट होने वाली है तो ट्रेलर टीजर को लोगों को पसंद आया है तो डेफिनेटली ये फिल्म दोस्तों मतलब काफी कमाल का फॉर्मेंस करेगी बॉक्स ऑफिस पर एंड मे भी हो सकता है कि यहाँ पर इस फिल्म की अगर बात करें वैसे और एक बात की जाए इस फिल्म की खासकर सलमान खान सर की बात करें तो अगर आप सभी को पता होगा कि शाहरुख खान की बैक टू बैक हजार करोड़ के ऊपर ही बिजनेस किया हुआ है तो इस फिल्म से लोगों का एक्सपेक्टेशन है कि डेफिनेटली ये, ये फिल्म रिकॉर्ड तो रही हालांकि जिस तरह से इस फिल्म को ट्रेलर और पर टीजर को रिस्पॉन्स मिला है तो उसके चलते मे बी इस फिल्म का यानी कि हजार करोड़ का आंकड़ा डेफिनेटली पार कर सकती है बाकी देखते हैं कि ऑडियंस इस फिल्म को कैसे लेते हैं और साथ ऑडियंस इस फिल्म को कैसे देखने जाते हैं क्या इस फिल्म को हजार करोड़ मतलब क्रॉस कर पाएंगे और पठान या बात करें जवान फिल्म का पाते है नहीं। और करेगी जिस तरह लोगों के, के एक्साइटमेंट क्रिएट किया हुआ इस फिल्म की टीजर ट्रेलर ने तो फिल्म को फर्स्ट डे देखने वाला हूँ तो डेफिनेटली इस फिल्म का ट्रेलर आपको कैसा लगा टीजर आपको कैसा लगा था इसके बाद बारे में अगर आप लोग कुछ बताना चाहते हो तो डेफिनेटली आप हमारे कम्युनिटी सेक्शन से जाकर इस फिल्म के ऊपर ओपिनियन मतलब दे सकते हो कि आ, आपको इस फिल्म का ट्रेलर लगा कैसे था अगर आपको अच्छा लगा तो उसके बारे में बता सकते हो एंड जो जो कमी आपको नजर आई है ट्रेलर के अंदर वो भी आप हमें बता सकते हो यानी कि ओवरऑल ट्रेलर काफी है और सभी को को लोगों ट्रेलर पसंद आया हुआ है इस फिल्म की तो मैं तो मैं काफी एक्साइटेड हूँ मैं आपको फिर से बता रहा हूँ इसके अलावा अगर बात करें दोस्तों इस फिल्म की पूरी कास्ट लिस्ट की तो आपको इस फिल्म में सलमान खान जो उनकी आईकोनिक कैरेक्टर अविनीश टाइगर सिंह राठौर जो की एक बेसिकली रोल एजेंट है जो की ऑलरेडी सबको पता है बिकॉज टाइगर से ही मतलब एक था टाइगर टाइगर जिंदा है और टाइगर थ्री यानी कि इस फाइव यूनिवर्स की अगर बात करें तो शुरुआत हुई थी टाइगर जिंदा है फिल्म से ही उसके बाद आप तो आपको देखने को मिली थी टाइगर जिंदा है वॉर वॉर के अलावा आपको देखने को मिलेगी पठान पठान के बाद आपको देखने को मिलने जा रही है टाइगर थ्री उसके बाद आपको देखने को मिलेगी वार टू वार टू के बाद आएगी आपको यानी कि पठान वर्सेस टाइगर भी आपको देखने को मिलेगी यानी कि वायर ऑफ़ यूनिवर्स की लाइनअप काफ़ी तगड़ी है जो कि मतलब लोग एक्साइटेड हैं बिकॉज वायर यूनिवर्स के लोगों को पसंद भी आ रही है और एक नए नए रिकॉर्ड तोड़ती जा रही है तो ये देखने में इंटरेस्टिंग होगी कि ये फिल्म मतलब रुक रिकॉर्ड अपने नाम एक नए रिकॉर्ड सेट कर पाता है कि नहीं ये देखने में मैं काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हूँ दोस्तों अगर आप भी मेरी तरह है तो डेफ़िनेटली इसको अप्रिशिएट करिए और इसके बारे मैं आप में आप हमें बता सकते हो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और साथ ही बेल नोटिफिकेशन जरूर ऑन कर लीजिएगा ताकि मैं समझ आऊँगा कि आप भी इस फिल्म को लेकर एक्साइटेड हो साथ ही कैटरीना के उनके आइकॉनिक कैरेक्टर्स यानी कि जोया यानी कि टाइगर की वाइफ के रोल में मददरेंगे और बेसिकली ये भी एक एक्स आई एस आई एजेंट के रोल नजर आएंगे जो कि ऑलरेडी सबको पता है इमरान हास में आपको इस फिल्म में आतीस के रोल नजर आएँगे रिवाथी रिद्धि डोगरा विशाल जेतवा एंड कुमुद मिश्रा, रणवीर शौरिया इसके साथ ही अनंत विजात सरद कलकर इसके साथ ही गेबी चंचल वीरेंद्र सिंह एंड शाहरुख खान आल्सो पठान का कैमियो अपीयरेंस देखने को मिलती है जहाँ पर ये भी सुनने को मतलब तो मिला था कि पठान यानी कि शाहरुख खान का जो कैरेक्टर है पठान उसका आपको इस फिल्म में एक्सटेंडेड कैमियो देखने को आपको पर मे भी आपको देखने को मिलेंगे इस फिल्म में और साथ ही दोस्तों अगर बात करें मूवी की प्रोडक्शन को ऊपर डिटेलिंग देते हैं तो दोस्तों इस फिल्म की प्रोडक्शन को सबसे पहले इस फिल्म की प्रोडक्शन को अनाउंसमेंट किया था बिहान दी और मुई की प्रोडक्शन की बात करें तो सबसे पहले इस फिल्म की अनाउंसमेंट हुआ था एसराज फिल्म्स के द्वारा और इसके साथ ही सलमान खान एंड कैटरीना कैफ के चार मार्च सात हज़ार बाईस को इस चीज़ को उन्होंने अपने सोशल मीडिया हैंडल्स के द्वारा इस चीज़ को ऑफिशियली अनाउंसमेंट किया गया था और इसके साथ ही फिल्म की कास्टिंग से रिलेटेड कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स की अगर बात करें तो दोस्तों सलमान खान एंड कैटरीना कैप जो कि ऑलरेडी कन्फर्म थे उनके आइकोनिक कैरेक्टर्स जो ऑलरेडी आप सभी ने दोनों पार्टों के अंदर ऑलरेडी देखा हुआ इनको कैरेक्टर्स को और इसके साथ ही इमरान हाशमी को अब असाइन किया गया दैन मेन एंटेगनस यानी कि मेन बिलन रोल के लिए फरवरी साल सौ इक्कीस में इसके साथ ही रणबीर सरोजा को भी कन्फर्म किया गया था उनकी गोपी आर्यन कैरेक्टर के लिए जो कि ऑलरेडी वो कैरेक्टर प्ले कर चुके एक था टाइगर फिल्म के अंदर साथ ही विशाल जीतवत को भी ज्वाइन किया था अक्टूबर में साथ ही रविथी एंड रिदी को भी कास्ट किया था नवंबर में और शाहरुख खान को एज अनौंसमेंट किया था मेकिंग ऑफ कैमियो अपेरेंस के लिए एज ए पठान कैरेक्टर का जो कि ऑलरेडी आपको पता है कि एक सिनेमेटिक यूनिवर्स में जो बनाते हो तो फिल्म के कनेक्शन छोटे छोटे कैमियोस आपको देखने को मिलते लाइक मार्वल की फिल्म कोई एग्जाम्पल के लिए ले सकते हो और साथ ही फिल्मिंग की अगर बात करें तो दोस्तों इस फिल्म की फेंसल फोटोग्राफी को स्टार्ट किया था मार्च साल और इक्कीस में दिल्ली एंड मुंबई में और पर फिल्मिंग की अगर बात करें एडिशनली जो लुक पेलेसेस से, से। लाइक तुर्की में भी आपको देखने को मिलती है लाइक कार कारसिकेंस जो देखने को मिलती है वो सभी चीज़ें किया गया साथ ही सेंड पुरतीब में भी किया हुआ था अगस्त में इसके अलावा फिल्म की जो एडिशनल और सेंस है जिसको फिल्माइक यानी कि फिल्म किए गए थे इंडिया यानी कि आस्ट्रोलिया में भी किया गया था सितंबर मंथ में और जहाँ पर फिल्म की रिज्यूम की अगर बात करते तो फिल्म की जो उस शेड्यूल के बाद सितंबर साल दो हज़ार के जो शेड्यूल था उस शेड्यूल के बाद सीधे यहाँ पर इंडिया के अंदर इस शेड्यूल को स्टार्ट किया गया था फरवरी साल दो बाईसवीं ने दिल्ली में और जहाँ पर उस उस शेड्यूल के अंदर एक्शन सीक्वेंसेस भी शूट किए गए थे और उसके साथ ही मुंबई में मुंबई अप्रैल सालों में भी शूट किया गया था और साथ ही कैमियो को ऐप पर मुंबई के स्टूडियोज के अंदर भी शूट किया गया था इस फिल्म को जहाँ पर उनको पूरी तरह से कंस्ट्रक्शन क्रिएट किया गया था स्पेशल उस एक्शन सीक्वेंस के लिए और जहाँ पर पूरी फिल्म की शूटिंग वगैरह कम्प्लीट हो चुकी थी रैपअप हो चुकी थी मेरे सालों तेईस में ही और इस फिल्म की बात करें टाइगर थ्री की इस फिल्म की मार्केटिंग और मार्केटिंग स्ट्रेटी की बात करें तो सबसे पहले टाइगर थ्री का जो रिलीज़ डेट था वो 21 अप्रैल साल और तेईस में रिलीज़ करने वाले थे ईद में और किसी भी कारण से रिलीज़ डेट को पोस्टपोन किया गया था जो कि फाइनल रिलीज़ डेट भी आप सभी को पता चल चुका है जो कि 12 नवंबर साल तेईस है जो कि कंसिडर किया गया है दिवाली को टारगेट करके और इस फिल्म की टीज़र टाइटल को रिलीज़ किया गया था जो कि आप सभी को पता होगा कि टीज़र का नाम दिया गया था टाइगर का मैसेज जिसको कि सत्ताईस साल तेईस में रिलीज किया गया था जहाँ पर इस फिल्म का ट्रेलर भी रिलीज़ किया गया था और ऑफिशियल ट्रेलर रिलीज़ किया हुआ था सोलह अक्टूबर साल हज़ार को और फिल्म की रिलीज़ डेट की अगर बात करें तो ऑलमोस्ट फिलीज मतलब फिल्म को रिलीज होने में अगर बात करें तो 20 बाईस दिन ऑलमोस्ट डेज मतलब बचे हैं फिल्म को रिलीज़ होने में बाकी देखते हैं कि इस फिल्म के मेकर्स के साथ साथ या फिर वायरफ के द्वारा काफ़ी बेहतरीन तरीके से यानी कि परम्स प्रमोशन वगैरह कर रहे यहाँ तक कि सलमान खान सर के द्वारा भी मतलब अपने ग्राउंड लेवल पर भी परफॉर्मेंस करे साथ ही पोस्टर बैनर वगैरह आपको हर थिएटर हर लोकेशन में आपको देखने को मिल जाते हैं जो कहूँगा कि काफ़ी अच्छी बात है और मतलब बहुत ही बढ़िया तरीके से इस फिल्म की मार्केटिंग में लगे हुए इस फिल्म के मेकरस के द्वारा जो कहूँगा कि बेस्ट तरीक़ा है और फिल्म को इसी तरह से प्रमोट करना चाहिए और अगर आप सभी को नहीं पता है एंड ऑलमोस्ट सबको पता है, तो चलिए मैं आपको फिर से एक नॉलेज के लिए फिर रिपीट कर दे रहा हूँ अगर आप सभी को पता है कि बैक टू बैक जो सलमान खान की जो फिल्म आई थी लाइक राधे और किसी का भाई किसी की जान इन दोनों ही बड़ी यानी कि दोनों फिल्मों से सलमान सलमान सर को काफ़ी मतलब ट्रोल का सामना करना पड़ा था और बिकॉज इस चीज़ को उन्होंने खुद, खुद ही खुद ही खुलासा किया गया था कि इस तरह की फिल्में कमी चलती है और उन्होंने इस चीज़ को अपने मुंह से ही कहा कि इंटरव्यू कदर आए थे, के आ थे आ, फीफा की आई थिंक शो का जो मतलब था उसमें उन्होंने इस चीज़ को ही खुलासा किया हुआ था एंड सलमान खान सर भी जानते हैं कि मेरे फैंस मेरे से क्या एक्सपेक्ट करते हैं और किस तरह की कंटेंट डिलीवरी मतलब पसंद करते लोग देखना मेरे से चाहते और दुखना देखना पसंद करते हैं इसमें नो डाउट है कि सलमान खान सर को ऑडियंस जो चाहती है उनकी मासी फिल्म ही ज़्यादा मतलब फिल्में देखना पसंद करते हैं तो ये वो सभी मतलब जो फ़ैन सलमान खान से एक्सपेक्ट करते हैं जो चाहते हैं तो डेफिनेटली टाइगर थ्री फिल्म के अंदर आपको वो सभी चीज़ आपको कम्प्लीटली वो भी बेहतरीन तरीके से आपको देखने को मिल जाएगी जो कि अगर आपसे मैंने ट्रेलर को देखा है तो आपको आइडिया फिर नॉलेज मिल गया होगा कि वाकई फिल्म के ट्रेलर के अंदर वो पोटेंशियल है जो एक फैंस चाहते हैं सलमान खान से और इसके साथ ही अगर बात करें इस फिल्म के टेक्निकल डिपार्टमेंट म्यूज़िकल डिपार्टमेंट की अगर बात करें और दोस्तों बात करते हैं इस फिल्म के टेक्निकल डिपार्टमेंट और म्यूज़िकल डिपार्टमेंट की अगर बात करते हैं तो दोस्तों हालांकि टीज़र और ट्रेलर ही रिलीज़ हुआ इस फिल्म का तो उसी कंटेंट के हिसाब से ही यहाँ आप पर आपको इस फिल्म के टेक्निकल डिपार्टमेंट और म्यूज़िकल डिपार्टमेंट को पूरी डिटेलिंग दी जाएगी बाकी जब फिल्म रिलीज़ हो जाएगी उसके बाद ही आपको पूरी तरह से जो एक होता है ना पूरी फिल्म का डिटेलिंग आपको फिल्म रिलीज़ होने पर ही आपको मिलेगी बाकी मैंने भी अभी तक फिल्म को नहीं देखा है और आपने भी नहीं देखा है तो मैं आपको कैसे पूरी तरह से मतलब एक फ़िल्म की पूरी तरह से को और डिटेलिंग दे सकता हूँ तो, तो जो भी कंटेंट रिलीज़ हुआ है उसी के हिसाब से आपको इस फिल्म में टेक्निकल डिपार्टमेंट और म्यूजिकल डिपार्टमेंट के ऊपर बात की जाएगी इस वीडियो में तो ट्रेलर की अगर करे बात करें सबसे सब पहले जो हमें देखने को मिलती है टीज़र के अंदर लाइक ट्रेलर के ट्रेलर के अंदर जो हमें देखने को मिलती हैं उसी के हिसाब से अगर बात करें तो सबसे सब पहले डायरेक्शन की अगर बात करें मनी शर्मा जो कि एक मतलब जो फिल्म के डायरेक्टर है उसके ऊपर बात करें सबसे पहले तो उन्होंने मतलब अपने कैरियर में जितनी भी उन्होंने फिल्में डायरेक्ट किया हुआ अब तक लाइक कि फैमिली ड्रामा रोमांटिक जैसी फिल्मों के जैसे फिल्म की ही उन्होंने डायरेक्ट किया हुआ था और ऑडियंस मतलब काफ़ी हद तक ये डाउट में थे कि मनीष शर्मा को इतनी बड़ी फिल्म को आखिर डायरेक्ट क्यों करने दिया गया है इस फिल्म के मेकर्स के द्वारा यानी कि फिल्म के प्रोडक्शन के द्वारा क्यों दिया गया है तो ऑडियंस के भी थोड़ा बहुत वो, तो वो डाउट था लेकिन जब टीज़र को रिलीज़ किया गया था तो ऑडियंस के बीच वो होप क्रिएट था कि हाँ वाकई फिल्म का जो एक्शन थे वो काफ़ी अच्छे थे ओवरऑल फिल्म का डायरेक्शन भी काफ़ी अच्छा था एंड लुक एंड मतलब लुक एंड गुड फील वाइब मतलब वाइब दिला रही थी इस फिल्म के मैसेज की यानी कि टाइगर के मैसेज मतलब लोगों को दिख वो दिख रहा था वैसे साथ ही बी एफ एक्स भी ऑलमोस्ट काफ़ी अच्छे थे टीज़र के अंदर और जैसे जैसे फाइनल जब लोगों ने ट्रेलर को देखा है तो लोगों का जो एक्सपेक्टेशन है और डायरेक्शन का जो डाउट था उसके ऊपर लाइक एक्शन सिक्वेंस को तो ट्रेलर को यानी कि पूरी फिल्म के ट्रेलर को देखने के बाद ऑडियंस के भी जो शक था वो पूरी तरह से दूर हो चुका है बिकॉज एक्शन की अगर बात करें जो कमाल के एक्शंस मतलब देखने को मिलते हैं एक्शन स्टैंड देखने को मिलते हैं और बेहतरीन तरीके से कोरियोग्राफी सिनेमाटोग्राफी आपको काफ़ी बेहतरीन की देखने को मिलती है तो इसमें नो डाउट है कि डायरेक्शन ने काफ़ी बेस्ट तरीके से उन्होंने इस फिल्म को डायरेक्ट भी किया हुआ है और साथ ही एक एक सीन्स को काफ़ी बेहतरीन तरीके से भी कोरियोग्राफ भी किया हुआ है और सनेमाटोग्राफी की बात करें तो उनकी जितनी भी तारीफ करनी चाहिए उतनी कम है लाइक कलर ग्रेडिंग से लेकर बिहाइंड द सीन्स की अगर बात करें जो कंस्ट्रक्शन क्रिएट किए गए थे जो इक्विपमेंट्स आपको देखने को मिलती है वो सभी चीज़ एक मतलब एक फील होती है कि हाँ वाकई वायर की फिल्म है और मुई की प्रोडक्शन वैल्यू नज़र आती है और अगर आप लोग फिल्म की टीज़र को कलर ग्रेडिंग या फिर नोटिस करोगे या फिर हर एक शॉट हर एक सीन्स के अंदर काफ़ी बेहतरीन से काम किया गया जो कि बेस्ट चीज़ें आपको देखने को मिलती है ऐसा नहीं कि कुछ कुछ जगह कमियाँ हैं बट एक बार पर आपको फील नहीं होती है जो कि एक जनरल या फिर नॉर्मल ऑडियंस के लिए इस चीज़ को मतलब नोटिस करना मतलब काफ़ी टफ काम हो जाएगी जो कि मैंने भी जब फर्स्ट टाइम देखा था तो मुझे काफ़ी बेहतरीन ट्रेलर ओवरऑल लगा था लाइक वी एफ एक्सी के मालमिन में, में। बट जैसे मैंने बार बार रिपीटेड मोड के साथ देखा हुआ था तो उसके बाद मुझे कुछ कैसे जो सीन से जो नोटिस होती है कि वाकई फिल्म की सीजी थोड़ा बहुत कुछ कुछ सीन्स के अंदर हमें थोड़ा बहुत मतलब थोड़ा बहुत वो थो भी मेरे ख्याल से वो चलता भी है जो हमें देखने को मिलते हैं लाइक पठान फिल्म भी भी ऐसा आपको कुछ कुछ एसन्स जो देखने को मिलती है कुछ इलॉजिक्स भी देखने को मिली थी तो इस फिल्म से यानी कि उस फिल्म से बैटरी भी आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी इतना तो मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ बिकॉज कंटेंट के अंदर पोटेंशल है और मेकर्स के द्वारा हर एक चीज़ यहाँ पर बारीकी से नोटिस किया हुआ है और फैंस को एक बेस्ट फिल्म देने की जो पोटेंशियल है वो हमें ट्रेलर में भी देखने को मिल रही है तो मेकर्स के द्वारा काफ़ी बारीकी से हमें ध्यान में रखते हुए इस फिल्म को फिल्म को एडिट किया और फिल्म मेकर्स के द्वारा बनाया ही बनाया हुआ है तो ट्रेलर के हिसाब से डायरेक्शन काफ़ी आउटस्टैंडिंग है एक्शन आउटस्टैंडिंग है स्टैंड आउटस्टैंडिंग है और उसके साथ ही सैनमोग्राफिक तो मतलब जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है क्योंकि कमाल की आपको देखने को मिलती है और साथ ही फिल्म के एडिटिंग की अगर बात करें तो फिल्म के एडिटिंग भी काफ़ी अच्छी है मूवी की टेक्निकल डिपार्टमेंट के अंदर जो सबसे चीज़ मैटर करती है एडिटिंग तो फिल्म की टीज़र ट्रे, ट्रे, ट्रेलर को जिस तरह से एडिट किया हुआ है दोस्तों वो कहूँगा कि बेस्ट था और काफ़ी वन ऑफ द बेस्ट डायरेक्टर के द्वारा यानी कि एडिटर डायरेक्टर के द्वारा इस फिल्म को किया हुआ है जो कहूँगा कि काफ़ी बेहतरीन का एडिटिंग हुई है डायरेक्टर और या फिर एडिटर के बीच मतलब माइंड मेरे ख्याल से उसका मतलब मतलब सिंपल जो दिख रहा है वो आपको ट्रेलर लेवल पर ही आपको पता चल जाता है कि वाकई फिल्म के डायरेक्शन और फिल्म के रिटिंग काफ़ी बेहतरीन हुई है वो तो मैं इतना मैं तो डेफिनेटली बेहतरीन कहूँगा बिकॉज है आप मानो या ना मानो दोस्तों इसके साथ ही अगर दोस्तों अगर बात करें इस फिल्म के म्यूज़िक की यानी कि म्यूजिकल डिपार्टमेंट की अगर बात करें तो यहाँ पर आपको इस फिल्म में बैकग्राउंड स्कोर की अगर बात करें तो जो कि आप सभी ने टाइगर वन टाइगर टू फिल्म के अंदर देखा है तो टाइगर थ्री के अंदर तो आपको मॉडिफाइड बैकग्राउंड स्कोर आपको सुनने को मिलते हैं जो कि सुनने में मतलब काफ़ी अच्छा फील होती है और आपको पुरानी फिल्मों का भी टच दे जाती है जो कहूँगा कि काफ़ी बेस्ट है और बेस्ट ही आपको बैकग्राउंड म्यूज़िक सुनने को मिलेगी हाँ जी हाँ सो टाइगर थ्री फिल्म कैसी है कहाँ देखने को मिलेगी कौन से ओ टी टी कौन सेटेलाइट चैनल किसी जाना पड़ी फिल्म आपको ऑफिशियली फिल्म हिंदी में देखने को मिलेगी फिल्म की क्या रिलीज़ डेट है हालांकि ओ टी एंड डिजिटल के ऊपर बात मैंने नहीं किया बट इसके पीछे भी रीजनस है बिकॉज़ फिल्म के पोस्टर वगैरह या फिर जहाँ तक मैंने रिसर्च वगैरह किया हुआ तो मुझे इस फिल्म की ओ टी टी से रिलेटेड सेटेलाइट से रिलेटेड कोई अभी भी जानकारी वगैरह अभी तक नहीं मिला हुआ है तो इसके चलते मैंने सोचा कि उसको बताना ठीक नहीं नहीं उसको बताना मैंने ठीक नहीं समझा और साथ ही एक और रियल है कि मतलब वीडियो बनाते वक्त तो मेरा मतलब माइंड में याद ही नहीं था कि इस चीज़ को फिर भी मतलब एक्सप्लेन देना है तो इसलिए मैं बता नहीं पाया था बट कोई बात नहीं नेक्स्ट टाइम अगली ने बार डेफिनेट ट्राई ज़रूर करेंगे और साथ ही आपको एक्यूरेट जानकारी और फिल्म और के एटलीस्ट ओ और डिजिटल राइट्स के ऊपर डेफिनेटली मैं डिटेलिंग देना चाहूँगा सो आशा करता हूँ कि आज का हमारा वीडियो आप सभी को पसंद है अगर आपको आज का हमारा वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करें शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा